एमपीपीएससी 2022 21 मई के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और ये एक कोर्स है बिल्कुल फ्री, जिस कोर्स के अंदर हम लोग लास्ट ईयर जैसे हमने एक सीरीज चलाई थी पढ़ के तो ही जाना रे, उसी प्रकार से इस बार हम लोग सीरीज लेके आए हैं एमपीपीएससी TAT, एमपीपीएससी टारगेट 80। इसके अंदर रोज में एक दो या तीन वीडियोस के माध्यम से मध्य प्रदेश पीएससी के आने वाले टॉपिक्स एग्जाम के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में आ जाती हैं जो आप रिवाइज नहीं कर पाते, वो तमाम टॉपिक को आप इस सीरीज के माध्यम से इसको फॉलो कर इसको पूरा तरह से याद कर पाएंगे। साथ ही इसके माइंड मैप्स और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ में इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगी। तो पहले वीडियो में हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अभी बहुत सारे GI टैग मध्य प्रदेश को आपको मिले हैं, चलिए तो उनको एक बार हम बात करते हैं, और ये तमाम चीजें काफी ज्यादा शॉर्ट में होगी ताकि आप उन चीजों को इजीली रिवाइज कर सके। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंदर जो बटिक प्रिंट था, तो इस बटिक प्रिंट को अभी GI टैग आपको मिला है 2023, हम 2022-23 2022-23 हम लोग इसको ईयर कंसिडर करेंगे। और उज्जैन के अंदर भैरोगढ़ नाम की एक जगह है, वहां पर बनता है बटिक प्रिंट, या उसको ब्लॉक प्रिंट भी आपको कहा जाता है। 2022-23 में इसको GI टैग मिला। अगला GI टैग मध्य प्रदेश को मिलता है स्टोन क्राफ्ट, और यह है जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट। जबलपुर के आसपास भेड़ाघाट और आसपास की जगह पे जो मार्बल स्टोन मिलता है, इसके आसपास के कुछ दूर के क्षेत्र में जो ग्रीन स्टोन मिलता है उससे बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं, बहुत ही सुंदर आपके मार्बल और ग्रीन स्टोन के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इनको भी 2022-23 में GI टैग मिला है। तीसरा GI टैग मध्य प्रदेश को मिला है गोंड पेंटिंग। मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग बड़ी फेमस है, और मध्य प्रदेश के डिंडोरी में, और डिंडोरी में भी एक जगह है पाटनगढ़, वहां पर GI टैग मिला है 2022-23 में 2022-23 में। और बहुत लंबे समय से हम लोग ट्राई कर रहे थे GI टैग के लिए फॉर द गोंड पेंटिंग, और अब वो फाइनली हमको मिल चुका है, बस अब इंतजार है पिथौरा पेंटिंग का, उसको भी मिल जाए। अगला 2022-23 में जो GI टैग मिला, एक्चुअली 2022-21-22 में हम बोलेंगे इसको, ये मिला है चिन्नूर गेहूं, चिन्नूर राइस को, मेरी हमेशा प्रॉब्लम में, मैं चिन्नूर को हमेशा गेहूं बोल देता हूं, तो चिन्नूर जो राइस है बालाघाट का, इसको मिला 2021-22 में, मतलब लास्ट ईयर आपको यहां पर आपको मिला। और ये बहुत ही फेमस आपके बालाघाट के आसपास का रीजन जो है, वहां पर एक जगह है लाल बर्रा, तो वहां पर बहुत बड़ी लेवल पे, और वार सिवनी के आसपास का रीजन है, यहाँ पर चिन्नूर चावल जो है बड़े लेवल पे होता, बड़ी शानदार इसकी खुशबू होती है। यार मैंने तो नहीं खाया लेकिन इच्छा रखता हूं कि उसको आगे कभी खाऊं। उसके बाद ग्वालियर का एक हिडन जैम सामने आया है, वो है हैंड वोवन कारपेट। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इनके GI टैग के लोगोस आपको हैं, तो हैंड वोवन कारपेट, ये हाथ से बना जाने वाला कारपेट आपको है, और भारत में कारपेट की शुरुआत की थी अकबर ने, अकबर पर्शिया से कई सारे लोगों को लेके आया और उन लोगों ने भारत में कारपेट बनाना शुरू किया। तो ग्वालियर का जो हाथ से बुना जाने वाला कारपेट है, स्पेशली इसके अंदर सिल्क का जो कारपेट है वो बड़ा फेमस है, इसको 2022-23 में GI टैग आपको मिला। उसके अलावा अगला GI टैग है सुंदरजा मैंगो, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पास में एक जगह है, उसका नाम है गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ की जो लेक है, वहां की जो आपकी झील है, उस झील के किनारे वहां के राजा हुआ करते थे, राजा रघुराज सिंह, उन्होंने 1885 में कई सारे मैंगो के पेड़ वहां पर आपको लगाए, और उसके बाद से उसको सुंदरजा मैंगो के नाम से जाने लगा, वो बड़े सुंदर दिखते हैं इसलिए उसको सुंदरजा मैंगो कहा जाता है। 22-23 में इसको GI टैग आपको मिला। अगला GI टैग मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिलता है चंदेरी फैब्रिक को, जो काफी पुरानी बात है, काफी पहले इसको मिल चुका है, तो चंदेरी अशोकनगर में लोकेटेड है, 2005-06 में इसको मिलता है। चंदेरी अपने अलग अलग प्रकार के डिजाइन के लिए जाना जाता है, चंदेरी का फैब्रिक, या सिर्फ चंदेरी के नाम से भी जाना जा सकता है, जिला बताना जरूरी है। ओके, उसके बाद अगला मिला है वार सावनी हैंडलूम को, और ये हैंडलूम आपको मिलेगा बालाघाट में, बालाघाट में एक जगह है वार सावनी, वार सिवनी बोला जाता है उसको, तो वार सिवनी गांव के अंदर 2022-23 में GI टैग आपको मिला, और बहुत ही सुंदर हैंडलूम्स बनाए जाते हैं, स्पेशली यहाँ की 16 हाथ की जो साड़ी है वो बड़ी फेमस आपको है। अगला GI टैग मध्य प्रदेश का है वो है गजक, और ये गजक बिलोंग करती है मुरैना को, तो मध्य प्रदेश का सुंदर सा शहर मुरैना, यहाँ पर भी 2022-23 में GI टैग आपको मिला है, और स्पेशली इसको तिल जागरी या गुड़
और पानी से मिला के बनाया जाता है, और पानी भी चंबल का पानी अगर उसमें मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, और उसका जो टेस्ट है वो लाजवाब टेस्ट है। ठंड में हमारे मालवा में और आपके इस पूरे क्षेत्र में गजक बहुत बड़े लेवल पे खाया जाता है। अगला जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है शरबती गेहूं। इसका नाम शरबती इसलिए है कि इस गेहूं में थोड़ी सी मिठास होती है, थोड़ा सा उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसको शरबती गेहूं कहा जाता है। बहुत शानदार रोटी बनती है। सीहोर और विदिशा, बेसिकली बिलोंग करता सीहोर का, लेकिन जीआई टैग के लिस्ट में विदिशा का नाम भी इंक्लूड है कि इस पूरे रीजन में शरबती गेहूं आपको होता है। 2022-23 में इसको जीआई टैग मिला। उसके बाद अगला जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिलता है रॉट आयरन क्राफ्ट का, जो डिंडोरी को बिलोंग करता है, और ये जो रॉट आयरन क्राफ्ट है ये बेसिकली ढलवा लोहे से बनने वाली चीजें हैं, उन चीजों के लिए बनाया जाता है। पहले इसके हसिया और तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये रॉट आयरन या ढलवे लोहे की कई सारी आपके सुंदर सुंदर चीजें बना रहे हैं, जिसके कारण ये काफी फेमस आपको हो गया है। उसी के साथ अगला जो जीआई टैग है मध्य प्रदेश का वो है लेदर टॉयज ऑफ इंदौर। इंदौर के चमड़े के जो खिलौने हैं, खैर चमड़े के खिलौने इंदौर और उज्जैन दोनों में बनाए जाते हैं, लेकिन मेन मैन्युफैक्चरिंग इंदौर में होता है, तो इंदौर को इसका स्टेटस मिला 2008-09 में, इसको जीआई टैग आपको मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का अगला जीआई टैग है बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट, बाघ की साड़ियां और बाघ की केव्स भी आपको याद होंगी धार जिले में। उसी के पास में जो बाघ नदी बहती है, और उस नदी के किनारे वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं, भील और दूसरी जो ट्राइबल लोग हैं, वो बनाते हैं बाघ प्रिंट की साड़ियां, उसको छापा प्रिंट भी कहा जाता है। 2008-09 में इसको जीआई टैग आपको मिलता है। अगला जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला बेल मेटल वेयर या बेल धातु के जो चीजें होती हैं, दतिया और टीकमगढ़ में, और इन दोनों जिलों में बनने वाली जो चीजें हैं उनको बेल मेटल वेयर कहा जाता है, या बेल धातु से बनने वाली चीजें, इनको जीआई टैग मिला है 2008-09 में। अगला जीआई टैग मध्य प्रदेश को आपको मिला है माहेश्वरी साड़ी। बड़ी फेमस है माहेश्वरी साड़ी, और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास जाता है रानी अहिल्याबाई, जो अपने घर में आने वाले या अपने महल में आने वाले तमाम जो गेस्ट थे उन तमाम गेस्ट को ये अपने हाथों से साड़ी बुन के वहां पर आपको देती थी। और ये खरगोन जिले में लोकेटेड है, बेसिकली माहेश्वरी के नाम से ही जाना जाता है, बट जिला पता ना होना जरूरी है। 2012-13 में तो इसको जीआई टैग आपको मिला। उसके बाद अगला जीआई टैग मिलता है रतलामी सेव। बड़ा टेस्टी रतलामी सेव, और रतलाम जिले के अंदर जो स्पेशली जो नमकीन क्लस्टर है, उस नमकीन बनाने की फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर यहां पर आपको जीआई टैग मिला, और ये जीआई टैग मिला है 2015-16 में, 15-16 में। हमको गम है कि इंदौर वालों को नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, रतलाम भी अपना ही है। अगला जीआई टैग है कड़कनाथ चिकन, कड़कनाथ मुर्गा, जो भारत के सबसे न्यूट्रिशियस चिकन में से आपको एक है, और ये जीआई टैग मिला है झाबुआ जिले को 2018-19 में, 18-19 में जीआई टैग आपको मिला। और स्पेशली इसके अंदर आपका जो फैट कंटेंट काफी कम होता है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, बहुत न्यूट्रिशियस यहां पर आपको होता है। अगला जीआई टैग मध्य प्रदेश का है, हुआ है भैया इतनी ही है, 17 जीआई टैग है। दो जीआई टैग और है मध्य प्रदेश में जो स्पेशली वो शेयर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका छिंदवाड़ा का और नागपुर का ऑरेंज है, तो इस ऑरेंज को हम लोग कंबाइन तरीके से एमपी और महाराष्ट्र दोनों को हम लोग आपको देखते हैं। उसके अलावा हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और स्वागत है आपका अन अकेडमी पर। लेके आ गया हूं मैं आपके लिए एमपीपीएससी TAT का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट था हमारा जीआई टेक के ऊपर, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य अभयारण्य के बारे में। अब देखो, एक बात याद रखना दोस्तों कि मेरे पास कोई ट्रिक या किसी प्रकार का कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये चीजें मैं आपको बहुत आसानी से या ऐसे याद करा दूं किसी ट्रिक से। ट्रिक से याद करने में चीजें गलत होने की संभावना है, उन चीजों को एनालाइज करके बार बार पढ़ के आप याद कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले जितनी भी सेंचुरीज के हम लोग नाम देखेंगे ना, तो इनके ईयर्स और इनके डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद, इसको देखने के बाद, आप मध्य प्रदेश का एक ब्लैंक मैप लीजिए, जिस मैप के ऊपर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं, और नहीं भी लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस बहाने डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद करने का मौका मिल जाएगा, और उनके बाद आप मार्क करके उनको इजीली उन डिस्ट्रिक्ट्स को या उन सेंचुरीज को आप याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे सैलाना सेंचुरी आपको हो गया तो रतलाम में है, तो रतलाम पे एक छोटा सा मार्क करके आप उसी के ऊपर आप सैलाना लिख दें। इस तरह से अगर आप एक मैप बना लिया आपने, तो 50% सेंचुरीज आपको याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और दो तीन बार आपने इस वीडियो को देख लिया या इसका माइंड मैप आपने अगर स्टडी एक दो बार कर लिया, तो 90% से ज्यादा सेंचुरीज आपको याद हो जाएंगी। सिर्फ 24 सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, 24 नाम याद करना, उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करना
कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है, और नहीं कर पाए तो फिर मेंस में क्या करोगे, तो थोड़ा चैलेंज लेको, इनको याद कर लेना। हाँ एक बात जरूरी है कि इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट्स को आप अवॉइड कर, सॉरी जो ईयर्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की बगदारा सेंचुरी की। बगदारा सेंचुरी लोकेट स्टैब्लिश हुई 1978 में और मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंदर यहाँ पर आपको लोकेटेड है, ठीक है। सीधी और आसपास का रीजन जो है ये बहुत ज्यादा फॉरेस्ट तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ काफी फॉरेस्टेड एरिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये स्टैब्लिश हुआ है 1977 में और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में आपको लोकेटेड है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है सतपुड़ा वाइल्ड, सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है उसका भाग आपको है, और कई सारे टाइगर के जो उन टाइगर्स के जो बफर जोन है वो बफर जोन इस क्षेत्र में आपको बने हुए हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सेंचुरी है गांधी सागर सेंचुरी, जो लोग जानी जाती है नील गाय के कंजर्वेशन के लिए, यानी जैसे नील गाय आप जानते ही होंगे एक एनिमल होता है, वैसे उसको मध्य प्रदेश में तो वर्मिन कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन कई सारे स्टेट्स में इनके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम चल रही है ना, मध्य प्रदेश में भी गांधी सागर सेंचुरी जो है यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और बाकी कई सारे एरियाज में इनको वर्मिन के रूप में या ऐसा एनिमल जो नुकसान पहुंचा सकता है जाना जाता है। यूपी में, बिहार में, हर जगह वर्मिन आपको होता है क्योंकि वहां पर इनकी संख्या बहुत है। तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर सेंचुरी जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, तो यहाँ पर नील गाय का कंजर्वेशन किया जाता है, 1981 में स्टैब्लिश हुआ। अगर देखा जाए तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच दोनों जिले में आपको लोकेटेड है, और जहां पर गांधी सागर डैम बना हुआ है या स्पेशली जो राणा प्रताप सागर और पूरा चंबल प्रोजेक्ट बना है उस चंबल प्रोजेक्ट के किनारे पर ही गांधी सागर सेंचुरी है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में लगभग लगभग आपको आती है। चलिए अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी घाटी गांव सेंचुरी। घाटी गांव सेंचुरी जानी जाती है अपने कंजर्वेशन के लिए, जहां पर स्पेशली जो स्पेशली आपकी जो सोन चिड़िया है उसका कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सोन चिड़िया के कंजर्वेशन के लिए दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, एक थी घाटी गांव जो ग्वालियर में लोकेटेड है, और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो शिवपुरी में लोकेटेड थी। लेकिन शिवपुरी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी 2022 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने उसको डिमोडिफाइड कर दिया, मतलब उसको आपके उस एरिया को उन्होंने आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन या बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया से रिमूव कर दिया। तो अभी मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया के कंजर्वेशन के लिए सिर्फ घाटी गांव सेंचुरी है ग्वालियर में, शिवपुरी सेंचुरी जो है वो डिनोटिफाई हो चुकी है, तो नंबर ऑफ सेंचुरीज मध्य प्रदेश में उतनी ही रह गई। ओके अगली मध्य प्रदेश में सेंचुरी है कर्मचिरी सेंचुरी, और ये सेंचुरी मध्य प्रदेश की सबसे न्यूएस्ट सेंचुरी है, सबसे नई सेंचुरी है। 2022 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया, जिस समय मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी के अंदर करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिनोटिफाई किया उसी समय पे सिवनी जिले के अंदर कर्मचिरी सेंचुरी बनाई गई। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश की सबसे नई सेंचुरी है, सबसे न्यूएस्ट सेंचुरी कौन सी है। ओके अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर केन घड़ियाल सेंचुरी, और ये सेंचुरी जानी जाती है कीन नदी के किनारे और घड़ियाल कंजर्वेशन या बोल सकते हैं एलिगेटर के कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पे एलिगेटर और क्रोकोडाइल, घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों का संरक्षण किया जाता है, और स्टैब्लिश होती है 1981 में और पन्ना और छतरपुर जिले के अंदर आपको लोकेटेड है। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी खिवनी सेंचुरी, और ये खिवनी सेंचुरी स्टैब्लिश हुई 1982 में मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंदर आपको लोकेटेड, कुछ पार्ट इसका सीहोर जिले में भी आपको जाता है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो एरिया पूरा फॉरेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको सांभर चीतल वगैरह मिल जाएंगे, तो उनके कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया है। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर नरसिंहगढ़ सेंचुरी, और ये नरसिंहगढ़ सेंचुरी लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में, 1978 में इस सेंचुरी को बनाया गया। अब देखो आप नरसिंहगढ़ और नरसिंहपुर से कंफ्यूज मत होना, ये नरसिंहगढ़ स्टेट वाला एरिया है, जो राजगढ़ स्टेट और इस नरसिंहगढ़ स्टेट में हुआ करते थे कुंवर चैन सिंह, जिन्होंने भोपाल के अंग्रेज अधिकारी मैडॉक से यहाँ पर आपको पंगा पंगा मोल लिया और उनके साथ एक भीषण युद्ध लड़ा आपके 1828 में, जिसके अंदर आपके मध्य प्रदेश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके कुंवर चैन सिंह है, उनका शहादत हो जाती है, और बड़ा मार्मिक स्टोरी है उनकी, कभी सुनाएंगे उसके बारे में। तो नरसिंहगढ़ के अंदर लोकेटेड है राजगढ़ जिले में। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल चंबल सेंचुरी। अब देखो इसको नेशनल चंबल इसलिए कहा जाता है कि तीन राज्यों की मिला के सिंगल सेंचुरी आपको बनी है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों के बॉर्डर पे लोकेटेड है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। यहाँ पर भी एलिगेटर और क्रोकोडाइल है ना, घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों का कंजर्वेशन
कंजर्वेशन किया जाता है, एस्टैब्लिश हुई 1978 में स्पेशली घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए, मुरैना जिले में लोकेटेड है, और यहाँ पर एक घड़ियाल के लिए एक अलग से सफारी भी बनी जहां पर आप जाके घड़ियाल को देख सकते हैं। ओके, अगली सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, नौरादेही सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी है, और गांधी सागर की तरह ये सेंचुरी भी नील गाय के कंजर्वेशन के लिए जारी जाती है। 1984 में एस्टैब्लिश हुई और मध्य प्रदेश के सागर में लोकेटेड, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी है। खैर, मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की एरिया जानबूझ के नहीं डाले हैं ताकि आपको इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, तो एरिया हमको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, सिर्फ हमको डिस्ट्रिक्ट और ईयर पढ़ना है। ओके, उसके बाद अगली सेंचुरी है मध्य प्रदेश की ओरछा सेंचुरी, और ओरछा में भी ओरछा बर्ड सेंचुरी है, पक्षियों के कंजर्वेशन के लिए इस सेंचुरी को बनाया गया है। एस्टैब्लिश हुई 1994 में और मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंदर आपको लोकेटेड है, वन ऑफ द फेमस सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सेंचुरीज में से यहाँ पर आपको एक है। ओके, अगली मध्य प्रदेश में सेंचुरी है पचमढ़ी सेंचुरी, और ये पचमढ़ी सेंचुरी ये स्पेशली मध्य प्रदेश के अंदर जो सतपुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका पार्ट है। 1977 में, 1977 में सेंचुरी को आपको बनाया गया, और लोकेटेड है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में, मध्य प्रदेश के जिसको हम पहले होशंगाबाद बोलते थे। तो ये एक तरीके से सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है, सॉरी, उसका पार्ट आपको है। चलिए, अगली सेंचुरी है मध्य प्रदेश में पनपटा सेंचुरी, और पनपटा सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई 1983 में और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंदर आपको लोकेटेड है। अगली सेंचुरी है मध्य प्रदेश की पेंच मोगली सेंचुरी, तो अगर इस सेंचुरी को देखा जाए तो ये सेंचुरी बेसिकली जो पेंच नेशनल पार्क या पेंच जो टाइगर रिजर्व है उसका पार्ट है। साथ ही यहाँ पर मोगली सेंचुरी इसलिए क्योंकि मोगली की पूरी जो स्टोरी है वो इसी एरिया के आसपास आपको चलाई जाती है। 1975 में एस्टैब्लिश हुई मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में, पेज नदी के किनारे लोकेटेड है। चलिए, अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई 1983 में और मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंदर ये सेंचुरी आपको लोकेटेड है। ओके, उसके बाद अगली मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश की सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के इंदौर में, एस्टैब्लिश हुई 1989 में, इंदौर में मध्य प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जानी जाती है अपने टाइगर कंजर्वेशन या टाइगर रिजर्व के लिए। एक स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश के रायसेन में है, ये अभी तक टाइगर रिजर्व बना नहीं है। कई साल पहले 2012 या 2013 के आसपास, या शायद उससे भी पहले, मुझे एग्जैक्टली ईयर तो ध्यान नहीं है उसका, तो उस समय पे इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी उसके लिए जो उनको चेंजेस करने थे, जो कानून में चेंजेस या नोटिफिकेशन जारी करना था, वो अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। तो इसके लिए ये प्रपोज तो है, लेकिन अभी तक रातापानी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में शामिल नहीं हुई है। रायसेन में लोकेटेड है और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्षेत्र के अंदर आप देखोगे यहां पर लोकेटेड है आपका भीम बेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट, काफी सुंदर रॉक पेंटिंग्स वहां पे बनी है, तो ये इसी के अंदर आपको, या इसी क्षेत्र के अंदर आपको लोकेटेड है। चलिए, अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की है सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी जानी जाती है आपके दूध राज या पैराडाइज फ्लाई केचर जो बर्ड है, इस बर्ड के कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए एस्टैब्लिश हुई 1983 में, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में लोकेटेड है, और ये बेसिकली पैराडाइज फ्लाई केचर या आपका जो दूध राज है उसके कंजर्वेशन के लिए इसको जाना जाता है। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है संजय डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क का काफी भाग इसके अंदर आता है, 1975 में एस्टैब्लिश हुई, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंदर आपको लोकेटेड है। ओके, अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जानी जाती है आपके स्पेशली जो खरमोर बर्ड है उसके कंजर्वेशन के लिए, एस्टैब्लिश हुआ 1983 में और मध्य प्रदेश के धार जिले में आपको लोकेटेड है। ओके, उसके बाद अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एस्टैब्लिश हुई 1976 में और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लोकेटेड है। तो रायसेन के अंदर सिंगोरी और साथ में रातापानी दोनों सेंचुरीज, जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनाओगे तो स्पेशली आपको एक जिले में कौन कौन सी सेंचुरीज हैं इनकी लिस्ट आपको अलग से बनाना पड़ेगी।
चलिए अगली सेंचुरी है कुसोन घड़ियाल सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश में, अगेन घड़ियाल और एलिगेटर के कंजर्वेशन या उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर आपको जानी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है। अब मुझे उन तीनों सेंचुरीज के नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो घड़ियाल और एलिगेटर या एलिगेटर और क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है। खैर, सोन घड़ियाल सेंचुरी लोकेटेड है सोन नदी के किनारे, 1981 में सीधी शहडोल डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, और ये सेंचुरी स्टैब्लिश हुई 1997 में मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर लोकेटेड है। चलिए अगली सेंचुरी है सलारिया सुसनेर सेंचुरी, और ये सलारिया सेंचुरी लोकेटेड है मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, और ये मध्य प्रदेश की पहली काऊ सेंचुरी है, काऊ सेंचुरी या गाय के संरक्षण के लिए बनाई जाने वाली पहली सेंचुरी। कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये हुई मध्य प्रदेश की 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप ये सभी 24 सेंचुरीज जो हैं वो आपको याद हो गई होंगी, उनके बारे में तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपने देख लिए। तो कोशिश करें कि 24 के 24 सेंचुरीज जो हैं उनको आपको आज ही याद कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन चौधरी फिर से आ गया हूँ आपके लिए लेके एमपीपीएससी TAT का तीसरा वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। ये तीसरा वीडियो है इसके अंदर, और हर वीडियो के अंदर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि रोज थोड़ा 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 करके चीजें आप याद रख सके। ये सब चीजें आपकी किताबें भी दी किताबों में भी दी है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग इमेजेस के माध्यम से, थोड़ा सा इसको हम लोग अलग तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश करें तो चीजें आपको शायद ज्यादा याद हो पाएगी। तो ऐसे कई सारे वीडियोज और मैंने प्लान किए हैं, इट इज मोर देन 100 वीडियोज। पहले और दूसरे वीडियो को आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पहले वीडियो को तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, दूसरे वीडियो में आपका थोड़ा सा प्यार कम मिला, तो मैं चाहूंगा कि दूसरे वीडियो का फिर से जाके देखें, उसको रिवाइज करें। साथ ही इसके जो माइंड मैप्स हैं वो भी मैं कंटिन्यू शेयर आपके साथ आपको कर रहा हूं, ताकि इसके माइंड मैप को आप रख सके, और साथ में जैसे ही कुछ 10-15 माइंड मैप इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके एक पूरी मैं PDF आपको बना के दे दूंगा, जिसका आप जाके निकाल सकते हैं मार्केट में प्रिंट आउट, और उनसे भी आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में। अब पहला सवाल, कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में है 11 नेशनल पार्क। कई सारी जगह आप पढ़ते हैं कि 12 नेशनल पार्क है, नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है 11 नेशनल पार्क, और 11 नेशनल पार्क में से 6 नेशनल पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व में आपको शामिल है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में। कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा नेशनल पार्क जाना जाता है अपने टाइगर के लिए, अपने शेरों के कंजर्वेशन के लिए, और उसी के साथ में यहां पर आपको मिलता है बाइसन, जिसको हम बोलते हैं जंगली भैंसा, या हम उसको गौर भी बोलते हैं। तो ये एनिमल आपको बड़े लेवल पे यहाँ पे मिलेगा। साथ ही ये जो कान्हा वाला रीजन है, ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। 1955 में आपको नेशनल पार्क का जो स्टेटस इसको आपको दिया गया। लोकेटेड है मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले के अंदर। ओके, उसके साथ ही ये मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी है, पहला नेशनल पार्क भी है, हालून और बंजर घाटियों के बीच में घिरा हुआ है। खैर देखो, हर नेशनल पार्क के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जहां पे हर नेशनल पार्क को हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस एक समरी यहां पर आपको है। तो मंडला और बालाघाट में आपको लोकेटेड है। मध्य प्रदेश का अगला जो नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां पर सबसे अधिक मात्रा में टाइगर पाए जाते हैं इन द नंबर्स के अंदर। 124 से ज्यादा टाइगर थे 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नई सेंसस का भी प्रॉपरली डेटा आया नहीं है, तो वो डेटा मैं आपको क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रैंकिंग दी है नेशनल पार्क की, उन्होंने बताया नहीं कि किस नेशनल पार्क में कितने टाइगर रिजर्व आपको, इसलिए वो डेटा का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। टाइगर डे के दिन वो पूरा डिटेल रिपोर्ट आएगा, और वो रिपोर्ट सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्टैब्लिश होता है 1968 में उमरिया और कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, तो इन दोनों जिलों के अंदर लोकेटेड है नेशनल पार्क। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के अगले नेशनल पार्क की, तो अगला नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपको लोकेटेड है। एक ऐसा नेशनल पार्क जो एक समय पे मध्य प्रदेश और आसपास के एरिया के अंदर, स्पेशली जो सिंधिया जो राजा थे, तो सिंधिया राजाओं का एक तरह से गेम रिजर्व हुआ करता था, जहां पर ये लोग शिकार खेलने जाते थे, और उसी के साथ में कई सारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आपको शिकार खेला, और उसके लिए जाना जाता है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क ग्वालियर के राजा माधव राव सिंधिया फर्स्ट के नाम से इसको इसको स्टैब्लिश किया है। ये स्टैब्लिश होता है 1959 में, 1959 में। खैर देखो, इसके पहले इसका नाम हुआ करता था मध्य भारत नेशनल पार्क, जब ये पूरा क्षेत्र मध्य भारत का पार्ट था उस समय हम इसको कहते थे मध्य भारत नेशनल पार्क। शिवपुरी में आपको लोकेटेड है, और अभी रिसेंटली हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने मिलके यहाँ पे एक
जो टाइगर्स हैं उन टाइगर्स को यहाँ पे कंजर्व किया है, क्योंकि देखो टाइगर संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ गई है, तो यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्पेशली इसको यहाँ पर आपको रखा गया है। टाइगर कंजर्वेशन यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया है, जिस तरह से कून में हमने चीता किया, वैसे ही माधव में हमने टाइगर को फिर से कंजर्व करने की शुरुआत कर दी है। अगला नेशनल पार्क है संजय डुबरी नेशनल पार्क, और ये संजय डुबरी नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है, 1981 में स्टैब्लिश हुआ और सीधी जिले में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अभी रिसेंटली जो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये टाइगर कंजर्वेशन के अंदर या टाइगर रिजर्व के अंदर 36वें नंबर पे, काफी पीछे है, 53 टाइगर रिजर्व है, इसमें 36वें नंबर पे हमारा सबसे आखिरी में है संजय डुबरी नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद अगले नेशनल पार्क की हम लोग बात करें तो अगला नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। यहाँ से बहती है रिवर, मतलब पन्ना जो रीजन है, पन्ना के आसपास आपको बसा हुआ है, इसलिए पन्ना के नाम से ही इसको पन्ना नेशनल पार्क कहा जाता है। 1981 में इसको एस्टैब्लिश किया, और पन्ना जिले में आपको लोकेटेड है। पन्ना जिला अपने जो डायमंड्स और पन्ना है इनके लिए स्पेशली जाना जाता है, तो 1981 में बना पन्ना नेशनल पार्क। ओके, अगला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का पेंच नेशनल पार्क। पेंच नदी के कारण इसका नाम पड़ा है पेंच नेशनल पार्क। और पेंच नेशनल पार्क अगर आप बात करें तो अभी जो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 13th नंबर पे, 13वें नंबर पे यहाँ पर आपको था। मध्य प्रदेश में टोटल 711 टाइगर्स आपको हैं, उनमें से 13th नंबर पे, 13वें नंबर पे इसका स्थान है पूरे देश के अंदर। 1983 में नेशनल पार्क आपको बनता है, और सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जहां से पेंच रिवर जो है वो रिवर भी यहाँ पर आपको फ्लो करती है। अगला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा नेशनल पार्क, जिसको स्पेशली हम लोगों ने जो नेचुरल हेरिटेज साइट है, प्राकृतिक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो प्राकृतिक साइट्स होती हैं, या आपकी हिंदी में अगर हम बोले तो जो प्राकृतिक स्थल होते हैं, नेचुरल साइट्स होती हैं, उन नेचुरल साइट्स के लिए हमने इनका इसका अभी रिजर्वेशन यहाँ पे एक तरीके से उसको अप्लाई किया है, और आने वाले समय में शायद वो टेंटेटिव लिस्ट से अप्रूव भी आपको हो जाए। उसके साथ में ये देश का दूसरा टाइगर स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाइगर कंजर्वेशन में या टाइगर के संरक्षण में देश में इसका दूसरा स्थान है। पहले स्थान किसका है कमेंट सेक्शन में बताओ, ये आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व गेट द सेकंड रैंक, कहाँ पर लोकेटेड है, 1981 में स्टैब्लिश हुआ, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद आप बोले तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और कान्हा केसली मतलब स्पेशली आपका जो पचमढ़ी और आसपास का रीजन है वो पूरा रीजन सतपुड़ा के लिए यहाँ पर आपको जाना जाता है, अब तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अगले नेशनल पार्क की हम लोग बात करें तो अगला नेशनल पार्क है वन विहार नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपको लोकेटेड है। अब देखो इसको हम लोग सिटी नेशनल पार्क आपको कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये टाइगर नेशनल पार्क है ही नहीं, या एक तरह से इसको राष्ट्रीय पार्क बोलना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर किया जाता है कई सारे एनिमल्स का कंजर्वेशन। इसको वैसे अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसने इसको एक जू के रूप में कैटेगरी आपको रखा हुआ है, क्योंकि देखो नेशनल पार्क में एनिमल्स जो है काफी खुले खुले आपको घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स को कुछ बाड़ों के अंदर बंद करके रखा है, ज्यादा वो अपना मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको एक बड़े जू की कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं। इसको हम लोग सिटी जू भी बोल सकते हैं, तो शहर में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों के स्पेशली भोपाल जैसे कैपिटल में तो लोग टाइगर्स को मिल सके, टाइगर्स को देख सके, बाकी एनिमल्स से वो मिल सके, इसके लिए स्पेशली इसको एस्टैब्लिश किया है भोपाल के अंदर। अगला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का फॉसिल नेशनल पार्क। अब देखो फॉसिल नेशनल पार्क भी दो फॉसिल नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, एक है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क और दूसरा नेशनल पार्क है जो डायनोसोर, एक डायनोसोर और दूसरा जो नेशनल पार्क है वो वुड फॉसिल नेशनल पार्क है। ठीक है, तो फॉसिल नेशनल पार्क जो है एस्टैब्लिश हुआ डिंडोरी के अंदर 1983 में, 1983 में, इसको वुड फॉसिल भी कहा जाता है, या वी कॉल द घुगवा नेशनल पार्क, इसको घुगवा कर लेना तो ज्यादा ठीक रहेगा। घुगवा नेशनल पार्क जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के डिंडोरी में, 1983 में एस्टैब्लिश हुआ, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर मिलता है तकरीबन तकरीबन 6.5 करोड़ अरब साल पुराना एक ट्री का फॉसिल। कई सारे ऐसे ट्रीज यहाँ पर हैं जिनके फॉसिल यहाँ पर आपको मिलते हैं, काफी पुराने ट्रीज हैं जो ह्यूमन के डेवलपमेंट के भी पहले वो ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो गए थे, तो उनके फॉसिल यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर एक अधिकारी थे, उनका नाम था धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने सबसे पहले उन फॉसिल को देखा, इनकी स्टडी की और दुनिया को पहली बार आपको बताया। अगला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के धार में। यहाँ पर हमको मिले हैं डायनासोर के फॉसिल, डायनासोर के अंडे हमको मिले हैं। अब तो कोई अंडा जो आपको देख रहा है ना
इमेज में, ये अभी के समय तो खैर यहाँ पर आपको सूख चुका है, ये पूरा ड्राई हो चुका है, इससे डायनासोर नहीं निकलने वाला, बट ऐसे कई सारे अंडे हमको मिले हैं डायनासोर के स्केलेटन्स, उनके अस्थि पंजर या उनके अवशेष हमको मिले हैं, और उसके लिए स्पेशली यहाँ पर 2011 में एक नेशनल पार्क बनाया गया, और जितने भी ये डायनासोर के फॉसिल मिले हैं इन फॉसिल्स को यहाँ पर आपको कंजर्व किया गया। उसका दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मध्य प्रदेश के या देश के दो जो सबसे इंपॉर्टेंट जियो पार्क हैं उनमें से एक है, एक मध्य प्रदेश में जियो पार्क बनने वाला जबलपुर, और दूसरा जियो पार्क बनने वाला है आपके धार के अंदर। तो धार और आपका जबलपुर दोनों जगह जियो पार्क बनेंगे, या उसको जियो पार्क ही कहा जाता है, जहां पर स्पेशली फॉसिल और तमाम चीजों को और अच्छे लेवल पे कंजर्व किया जाएगा, जैसे आपका नेशनल पार्क या आपके सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होता, वैसी एक कैटेगरी है जियो पार्क की। तो डायनासोर फॉसिल पार्क 2011 में धार में स्टैब्लिश आपको हुआ। उसके बाद अगले नेशनल पार्क की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क है, और कूनो नेशनल पार्क अभी पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, और चर्चा का सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे पहले चीता कंजर्वेशन के लिए, चीताओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने, या जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने चुना है आपके कूनो नेशनल पार्क को। तो यहाँ पर अभी तक टोटल 20 चीता है, अगर ऐसा नंबर देखा जाए तो शुरू में 8 चीता है, फिर 12 चीता है, फिर एक चीता की डेथ हो गई, तो टोटल बने 19 चीता। उसके बाद अभी एक जो फीमेल चीता है उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है, तो वैसे देखा जाए तो अभी 23 हो गए, लेकिन 20 चीता हम लोग लेके आए थे और उनमें से एक चीता की अभी आपको डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्पेशली टाइगर कंजर्वेशन या चीता कंजर्वेशन के अंदर, चीताओं के संरक्षण में देश में पहला और इकलौता राज्य है अभी के टाइम पर। खैर देखो, इसको स्टैब्लिश किया 2018 में, और इसको स्टैब्लिश करने का, या ये समय पे नेशनल पार्क की जगह आपका सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन उसको नेशनल पार्क बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन आपको ये था कि इसको हम लोग नेशनल पार्क बना के जो है वो हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो आपका जो बाघ है, या एक तरह से बोल सकते जो लायन है, लायन को यहाँ पे लाया जाए। पहले तो प्लानिंग थी कि जो गिर के लायन है उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाए, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो भैया हम लोग चीता लेके आ गए, चीता का कंजर्वेशन कर दिया। दो स्टेप में या दो फेजेस में अभी तक चीता हमने यहाँ पर आपको कंजर्व आपको किए हैं। तो चीता के लिए स्पेशली पूरी दुनिया के अंदर आपको फेमस है, श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मैक्सिमम एरिया इसका आता है श्योपुर जिले के अंदर। तो ये मध्य प्रदेश के हुए नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क के बारे में जो बेसिक थ्योरीज है वो मैं जब नेशनल जो देश के जो इंडिया के नेशनल पार्क जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कई सारी बेसिक चीजें मैं आपको कवर उसके अंदर आपको करूंगा, साथ ही। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी, वेलकम टू एकेडमी। एमपीपीएससी टीएटी का ये है चौथा वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो आईयूसीएन, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन, इसकी कैटेगरी 5 के अंदर आपको आते हैं, और भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं, जो यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। पहले इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। 1973 में यूनेस्को के द्वारा MAB करके एक प्रोग्राम चलाया गया, और इस प्रोग्राम के माध्यम से देश दुनिया भर में जितने भी बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व थे, उन बायोस्फीयर रिजर्व के कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए मैन और बायोस्फीयर दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन बन सके, दोनों के बीच में एक बोल सकते हैं कि एक लिंकिंग बन सके, इसके लिए एमएबी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। दुनिया भर में हजारों सैकड़ों ऐसे एमएबी आपको बने हुए हैं, भारत के अंदर टोटल एमएबी 12 है। तो इस वीडियो में हम लोग भारत के 18 एमएबी और उसके साथ में 12 एमएबी और 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे बता चुका हूं, एमएबी शामिल होता है यूनेस्को के आपके आईयूसीएन के कैटेगरी 5 के अंदर। ठीक है, चलिए, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, लोकेटेड है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। 1986 में इसको एमएबी में शामिल, इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला, और 2000 में पहली बार, 2000 में पहली बार इसको एमएबी का दर्जा, पहला प्रोजेक्ट ऐसा था जो एमएबी में शामिल किया गया। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर लोकेटेड है, नाम से आप समझ ही गए होंगे, ये लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर, और इसको 1989 में एस्टैब्लिश किया, 2001 में इसको एमएबी मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आपको शामिल किया। तो पहला नीलगिरी है, याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर लोकेटेड है, ऑब्वियसली बात अंडमान एंड निकोबार में आपको लोकेटेड होगा, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहां पर आपको लोकेटेड है। 1989 में इसको एस्टैब्लिश किया और 2013 में इसको एमएबी के अंदर आपको शामिल किया।
अगला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमर अमरकंटक नाम से आप समझ गए होंगे, अमरकंटक मतलब मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक वाला जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश में है और अचानकमर वाला जो पार्ट है वो छत्तीसगढ़ में। पूरा पहले मध्य प्रदेश में ही था लेकिन वो डिवाइड आपको हो गया। तो अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कब एमएबी कब कहां बना? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। 2005 में इसको शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में और 2012 के अंदर इसको एमएबी के अंदर आपको शामिल किया गया। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का दूसरा है, पहला पचमढ़ी है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, और ये लोकेटेड है सिक्किम के अंदर। हमारा जो सबसे एक सुंदर स्टेट है भारत का सिक्किम, वहां पे इसको शामिल किया 2000 में इन द बायोस्फीयर लिस्ट और 2018 में इसको एमएबी के अंदर आपको शामिल किया। खैर इनकी इंडिविजुअल जो डिस्कशन है वो हम कभी और करेंगे, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट रखते हैं इसको, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे। कभी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम लोग एक एक करके इनके सबके बारे में बात करेंगे, एक एक करके सबके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया। अगला नेशनल पार्क है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी पीक के पास आपको लोकेटेड है भारत के उत्तराखंड में। कब स्टैब्लिश हुआ? 1988 में एमएबी इसको स्टैब्लिश किया और 2004 में इसको एमएबी की लिस्ट में आपको शामिल किया गया। ओके, अगला बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, स्पेशली अपने जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो कंबाइन डेल्टा है उस डेल्टा के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे बंगाल टाइगर जो है, बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है, आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। 1989 में इसको स्टैब्लिश किया, 2001 में इसको एमएबी में आपको शामिल किया। अगला इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट रण ऑफ कच्छ नेशनल आपका बायोस्फीयर रिजर्व, और ये ग्रेट ऑफ रण कच्छ आपको लोकेटेड है भारत के गुजरात स्टेट के अंदर और गुजरात में लोकेटेड है। उसके बाद इसको 2008 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया, ये एमएबी की लिस्ट में नहीं है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एमएबी लिस्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द एमएबी लिस्ट, तो याद रखिएगा ये एमएबी में शामिल नहीं है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एस्टैब्लिश हुआ 2009 में और लोकेटेड है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये भी एमएबी का पार्ट आपको नहीं है। तो ग्रेट रण ऑफ कच्छ और उसके बाद आपका कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, ये एमएबी की लिस्ट में शामिल नहीं है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और स्पेसिफिक अगर बताएं तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट या जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोकेटेड है मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। 1999 में उसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला और 2009 में इसको एमएबी का स्टेटस मिला। तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व और मध्य प्रदेश का एमएबी की कैटेगरी में शामिल होने वाला भी पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और अभी तक मध्य प्रदेश का दूसरा हो गया। अगला है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बड़ा इंपॉर्टेंट है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है मेघालय के अंदर। 1988 में इसको एमएबी इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और 2009 के अंदर इसको एमएबी की मैन एंड बायोस्फीयर की लिस्ट में किया गया। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर लोकेटेड है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है अपने हमारे उड़ीसा में, और उड़ीसा में 1994 को इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, ये भी एमएबी के लिस्ट में शामिल नहीं है। चलिए, अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अगस्तमली बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर लोकेटेड अगस्तमली, बड़ा सिंपल सा है आप वैसे ही बता देंगे। चलिए, ये लोकेटेड है केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स के अंदर, और इसको एस्टैब्लिश किया 2001 में, इसको बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया भारत सरकार ने। 2016 में इसको एमएबी की कैटेगरी में आपको शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, या और मानस बायोस्फीयर नाम से आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है कि कहां पर आपको लोकेटेड है। ये लोकेटेड है हमारे असम में और 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया, एमएबी की लिस्ट में अभी शामिल नहीं है, बहुत ही जल्दी एमएबी की लिस्ट के अंदर यहां पर आपको आने वाला है। चलिए, अगला नेशनल पार्क है बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग दिग्भाई नेशनल पार्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और ये लोकेटेड है हमारे सबसे ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 1998 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, अभी एमएबी की लिस्ट में शामिल नहीं है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है वो है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क भी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, असम के अंदर आपको लोकेटेड है। 1997 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, एमएबी में शामिल आपको नहीं है। तो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको है। तो ज्यादातर जितने भी बायोस्फीयर
रिजर्व आप देख रहे हो ना, तो ज्यादातर नेशनल पार्क का पार्ट भी है, तो नेशनल पार्क याद कर लोगे तो ये भी याद कर लोगे, दोनों चीजें साथ में याद हो जाएगी। चलिए अगला है बिल्लू सुईकावा हो गया, अगला है सेसाचलम हिल या सेसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, 2010 में उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको लोकेटेड है सेसाचलम, वहां पे सेसाचलम हिल है उसके किनारे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है और ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका स्टैब्लिश होता है 2011 में, इसको बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाला जाता है, 2020 में इसको एमएबी में शामिल किया गया है। देखो मध्य प्रदेश में तीन बायोस्फीयर रिजर्व है, तीनों के तीनों एमएबी में आपको शामिल है, ठीक है, और मध्य प्रदेश तमिलनाडु के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेट है, सब बराबरी है दोनों एमएबी की अगर लिस्ट देखें तो दोनों के अंदर तीन तीन एमएबी के अंदर आपको शामिल है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना में है 2011-2020, ओके याद रखिएगा। अगला नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है हो गए भैया 18 हो गए और कितने हैं, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमने आपको डिस्कस किए और IUCN की कैटेगरी 5 में आपको शामिल है। एक चीज शुरू में मुझे बतानी थी जो मैं नहीं बताया कि जो एमएबी होता है या स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, तो जैसे नेशनल पार्क में हम लोग किसी एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं, जैसे टाइगर हो गया या लेपर्ड हो गया, बाकी एनिमल्स का कंजर्वेशन करते हैं, उसी प्रकार से जैव आरक्षित क्षेत्र जो है उसमें पूरी जो इकोलॉजी है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, फ्लोरा फौना तमाम हो, या साथ में ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर रहती है, तो सभी लोगों का वहां पर प्रोटेक्शन किया जाता है, संरक्षण यहाँ पर आपको किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ी सी चीज और बता देता हूँ कि एमएबी का छोटा सा ग्राफ है, ये मुझे शुरू में बताना था लेकिन किसी कारण से वो मैप में शुरू में नहीं आ पा रहा, आप में से किसी बच्चे की डिमांड थी कि सर इस टॉपिक को भी आप स्क्रीन पर पढ़ाओ, तो उसको स्क्रीन पे लेके आया, तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उसको आखिरी में लेके आया, नहीं तो पूरा वो डिस्टर्ब हो जाता। चलिए जो भी है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनमें क्या होता, सबसे अंदर होता कोर एरिया, जहां पर क्या होता कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट या कोई भी स्पीशीज है उनका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, उसको कोर एरिया बोलता है। तो किसी भी इस प्रकार से चाहे नेशनल पार्क हो चाहे आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें सबसे अंदर जो है वो क्या होता है, सबसे अंदर की तरफ आपका कोर एरिया होता है, उसके आप बाहर आओगे यहां पर आपको मिलेगा आपका बफर एरिया, उसको बोला जाता है, तो कोर एरिया के बाहर ये वाला जो पार्ट है ना, देखो चला गया ना, हाँ इसको कहा जाता है बफर एरिया, तो दिस होल रीजन इज कॉल्ड द बफर एरिया, ठीक है। तो बफर एरिया में क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज वगैरह जहां पर रहती है यहां से ट्रेवल करती यहां आ सकती है, या कोई प्लांट है तो उसका डेवलपमेंट इधर से हो सकता है, और उसके बाहर वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया मतलब जंगल वाले क्षेत्र और आम नागरिकों के क्षेत्र के बीच का ट्रांजिशन, उनके बीच का संक्रमण काल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है आपका कोर एरिया, बफर एरिया और उसके बाद आपका ट्रांजिशन एरिया, ये तीनों चीजें आप यहाँ पे याद रखिएगा, उसके बाहर फिर मानव बस्ती वगैरह यहाँ पर आपको आ जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई एमएबी के इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। एमबीपीएससी टीएटी पार्ट 6 5 वीडियो अभी तक हो चुके हैं जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिला है। तो इस पूरी सीरीज में हम लोग एमबीपीएससी आने वाली प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंटर्स जो एग्जाम में आ जाते हैं वो आपसे ना छूटे, और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिविजन हो जाए, और कई सारे ऐसे टॉपिक जो जनरली आप छोड़ देते हैं या छूट जाते हैं वो टॉपिक भी इसके अंदर आपको कवर हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है, पहली बार सुना है, क्या रामसर साइट है? नहीं, बिल्कुल रामसर साइट नहीं है, ये अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1922, और इसका मेन काम है पूरी दुनिया के अंदर जो बर्ड एरियाज हैं, बर्ड एरियाज मतलब जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, या बर्ड वहाँ पे आपके पानी पीने के लिए आपको आते हैं, या हो सकता है कि कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पर आपको पहुँचते हैं, तो उन तमाम एरियाज के लिए उनको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया। दुनिया भर में ऐसे 13,000 से ज्यादा बर्ड एरिया है, इनमें से कुछ एरिया हमारे मध्य प्रदेश में भी आपको शामिल है, ऑब्वियसली बात उनमें से कुछ रामसर साइट भी आपको होगी और कुछ ऐसी साइट होंगी जो रामसर साइट नहीं होंगी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है वो है बांधवगढ़, और बांधवगढ़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ना, उसको लोकेटेड है आपके शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्यों मैं वी आर नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ करके एक बोल सकते हैं कि एक लेक है या उसके किनारे झील है, तो वो लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एरिया है बरना रिजर्वायर, और बरना रिजर्वायर है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। अब देखो इनके ईयर्स तो मुझे मिले भी नहीं और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि कौन से ईयर में इसको डिक्लेयर किया गया, इतना ज्यादा डिटेल डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नाम ही अवेलेबल है। तो बरना रिजर्वायर जहां पर कई सारे माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो हर साल आपको आते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट जो बर्ड एरिया है वो है भोज वेटलैंड, जो मध्य प्रदेश का रामसार साइट भी है। इट इज लोकेटेड इन द भोपाल मध्य प्रदेश, और इसको काफी पहले से मतलब 1980s के आसपास इसको भोज वेटलैंड को या जो इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया था, और ये अभी के समय पे रामसार साइट भी, और कई सारे माइग्रेटरी बर्ड साइरिन साइबेरियन क्रेन वगैरह कई सारे बर्ड्स यहाँ पे भोपाल के अंदर आपको आते हैं, और बर्ड वॉचिंग के लिए एक तरीके से ये हेवन की तरह आपको है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है बोरी, जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास का जो रीजन है, वहां पर एक रिजर्वायर है होशंगाबाद के अंदर जिसको हम लोग नर्मदापुरम आपको बोलते हैं, यूजुअली वो होशंगाबाद ही आ जाता है बार बार। तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के रीजन के अंदर एक बोरी रिजर्वायर है, वहां पर भी कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं माइग्रेटरी बर्ड्स आपको आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एरिया है उसका नाम है तिहाइला झील, और ये तिहाइला झील जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, और यहाँ पे भी कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं एनुअली आते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया में आपको डिक्लेयर किया, क्योंकि देखो बर्ड जो है वो हमारे इकोसिस्टम के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इनके बिना जो है वो इकोसिस्टम संभव आपको नहीं है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करते हैं। कई बार जो बर्ड्स हैं वो कई सारे स्पेशली आपके पोलिनेशन में आपको सहयोग करते हैं, उसके बाद कई सारे छोटे मोटे जो कीट मकोड़े वगैरह हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, तो उनको खत्म करने का जो काम है उनको खत्म करने का काम भी आपके जो बर्ड्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ आपका जो बर्ड एरिया है वो है गांधी सागर रिजर्वायर, और ये रिजर्वायर लोकेटेड है मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली इसका जो निर्माण जो गांधी पूरा आपका जो चंबल वाला पूरा प्रोजेक्ट बना राणा प्रताप सागर और पूरे दो तीन जो डैम आपको बने, तो उन डैम्स के बनने के बाद नीमच और मंदसौर के अंदर ये बड़ा सा रिजर्वायर बना। इट्स नॉट अ नेचुरल रिजर्वायर, ये एक मैनमेड रिजर्वायर है, मतलब एक डैम बना और डैम का जो बैकवाटर है उस बैकवाटर के कारण क्रिएट हुआ नीमच और मंदसौर में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सेंचुरी भी है गांधी सागर सेंचुरी, जो नीलगाय के कंजर्वेशन के लिए है, उसके साथ में यहाँ पर डैम तो है ही है, साथ में गांधी सागर सेंचुरी और बड़ा सा रिजर्वायर बना है जो स्पेशली आपके बर्ड एरिया के अंदर आपको शामिल है। ठीक है, एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट जो डैम्स हैं उनके बारे में बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं ना, बस आप लगे रहो साथ में। अगला इंपॉर्टेंट सेंचुरी है घाटी गांव बस्टर्ड सेंचुरी। अब देखो घाटी गांव बस्टर्ड जो सेंचुरी एक्चुअली बर्ड एरिया है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां पर जो बस्टर्ड या जो सोन चिड़िया जिसको हम बोलते हैं उसका कंजर्वेशन किया जाता है। एक बार फिर से याद दिला दूं, घाटी गांव और करेरा दो सेंचुरीज थी, इनमें से करेरा को सरकार ने डीनोटिफाई कर दिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका घाटी गांव है। खैर ये जो घाटी गांव बस्टर्ड वाला रीजन है, इसके आसपास जो पूरा लेक बना है, इस लेक के अंदर इसको बर्ड एरिया डिक्लेयर, कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आपको आते हैं ना, देखो अब होता है ना साइबेरिया वगैरह में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो कई सारे बर्ड खाने पीने की तलाश में इस रीजन में आ जाते हैं। कई सारे एनिमल्स बर्ड्स ऐसे हैं जो नागालैंड के रीजन से नॉर्थ ईस्ट से ट्रेवल करके हजारों किलोमीटर ट्रेवल करके इंडिया आते हैं जस्ट फॉर द फूड खाने के लिए। ओके, अगला इंपॉर्टेंट जो है इट्स कॉल्ड द हलाली रिजर्वायर, और हलाली रिजर्वायर जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन जिले में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल और रायसेन दोनों के अंदर आपको हलाली रिजर्वायर आता है, और इसको भी बर्ड एरिया में शामिल किया गया है। ओके, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो है इट्स कॉल्ड द कान्हा रिजर्वायर। अब कान्हा जो आपका जो नेशनल पार्क है इसके आसपास के रीजन में रिजर्वायर आपको बना है कान्हा, ये मतलब मंडला और बालाघाट दोनों जिलों के अंदर जो रिजर्वायर है ये रिजर्वायर ये बर्ड एरिया यहाँ पर आपको आता है। ओके, अगला, अब देखो जरूरी नहीं कई बार की झील ही हो सकता है कोई ऐसा नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर कई सारे बर्ड्स रहते हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं। यूजुअली इसमें जो वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास उनके से मिलने की संभावना आपको ज्यादा रहती है। अगला है माधव, और माधव जो है माधव नेशनल पार्क और आसपास का जो रीजन है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है विच इज लोकेटेड इन द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ओके, अगला इंपॉर्टेंट रिजर्व बर्ड एरिया है इट्स पन्ना आप बोल सकते हैं, और पन्ना लोकेटेड है मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले के अंदर। तो ये पूरा जो एरिया है पूरा एरिया बर्ड एरिया है, नॉट जरूरी है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पन्ना नेशनल पार्क या उसके आसपास ही हो सकता है कि छोटा मोटा और भी हो जहाँ पर बड़ी संख्या में बर्ड्स रहते हैं, बट यूजुअली वाटर बॉडीज के आसपास ज्यादा होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा, चलिए अगला इंपॉर्टेंट रिजर्वायर आपका बर्ड एरिया है पेंच बर्ड एरिया, और पेंच इंटरनेशनल जो बर्ड एरिया है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और काफी इंपॉर्टेंट पेंच रिवर के आसपास का रीजन है और वाइल्ड लाइफ के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है।
ओके अगले की बात करें तो अगला है रंगवासा रिजर्वायर, और रंगवासा रिजर्वायर है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर। इट्स कॉल्ड द रंगावर नॉट रंगवासा, है ना, हमारे इंदौर के पास में एक रंगवासा है तो मैंने रंगवासा पढ़ दिया। तो रंगावा रिजर्वायर है छतरपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है और कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आपको आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है रातापानी बर्ड एरिया, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। रातापानी सेंचुरी और आसपास का जो रीजन है ये उसके लिए स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है सेलाना खरमूर बर्ड एरिया, ये कहां पर लोकेटेड है पता ही होगा, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रतलाम में। और सेलाना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जानी जाती है हमारे जो सोन चुरी आपको जो खरमूर बर्ड है, खरमूर बर्ड के प्रोटेक्शन या उसके संरक्षण के लिए। दो ऐसे बर्ड एरियाज है मध्य प्रदेश में या दो ऐसे सेंचुरीज हैं जो खरमूर के लिए आपको है, एक है आपका सैलाना और दूसरा है आपका सरदारपुर जो रतलाम जो धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट जो एरिया है तो सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी बात अभी हमने आपको की, तो ये भी खरमूर बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए है, साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल जो बर्ड एरिया है उस बर्ड एरिया के अंदर आपको शामिल है। चलिए अगली जो बर्ड एरिया है यशवंत सागर रिजर्वायर लोकेटेड है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंदर। और आपको याद होगा 2022 में इसको जो रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंदौर के राजा यशवंत राव होलकर जो सेकंड है उनके नाम से इसका नाम रखा गया यशवंत सागर रिजर्वायर। ओके उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो बर्ड एरिया है, खत्म हो गया भाई इतना ही था, है ना। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा इनके नाम, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आ जाता है और एकदम नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और स्वागत है आपका एमपीपीएससी टीएटी के इस पांचवें वीडियो में। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट साइक्लोन्स अकर इन इंडिया इन 2022-2021, पिछले 1-1.5 सालों के अंदर जितने भी साइक्लोन भारत के अंदर आपको आए हैं उन तमाम साइक्लोन्स के बारे में। कई बार ये साइक्लोन आ जाता है कि ये साइक्लोन कहाँ आया, बे ऑफ बंगाल या ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल या आपके अरेबियन सी में, कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो उन तमाम साइक्लोन्स के नाम हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके अब जो साइक्लोन आता है हमारे इंडिया में तो ऑब्वियसली बात जो समुद्र का एरिया होगा हमारे ईस्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी, तो यहां पर जो मेन डिप्रेशंस होते हैं उन डिप्रेशंस के कारण कई सारे बड़े बड़े जो साइक्लोन्स हैं साइक्लोन्स आपको आते हैं। पहले साइक्लोन जो है उसका नाम है मेंदोंग जो दिसंबर 2022 में आया था, जो बड़ा सीवियर साइक्लोन था, लेकिन आजकल हमारी एनडीआरएफ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इतना अच्छा है कि इनका ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर आपको पड़ता नहीं है। तो मेंदोंग दिसंबर 2022 में, उसके बाद अगला साइक्लोन आया सितरंग साइक्लोन अक्टूबर 2022 में, अगला साइक्लोन असानी करके एक साइक्लोन था जो मई 2022 में आया। अब देखो मई जून का जो महीना होता है ना बारिश के जस्ट पहले या रेनफॉल के जस्ट पहले, तो कई सारे साइक्लोन्स मई जून के आसपास आपको आते हैं, मई या स्पेशली अप्रैल और मई के महीने में कई सारे साइक्लोन्स आते हैं। अभी जैसे अप्रैल चल ही रहा है तो मई के महीने में और शायद 1-2 साइक्लोन आपके एग्जाम तक ऐड हो जाए, बट आई थिंक पेपर अभी तक बन चुका होगा या बनने की प्रोसेस में होगा। तो अगर ऐसा कोई अपडेट होता है, कोई नया साइक्लोन अगर आने की संभावना है तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, इसलिए मुझे मेरे साथ सोशल मीडिया पे जरूर जुड़ा है। अगला साइक्लोन आया था जावद जो आया था दिसंबर 2021 में ना, एक साल पहले दिसंबर 20 जावद, तो मेंदोंग सीतरंग असानी और जावद। देखो इसके अलावा भी कई सारे और डिप्रेशंस होते हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्पेसिफिकली इनका जो नाम है वो डिफाइन किया गया है, तो बाकी छोटे-मोटे डिप्रेशंस आते रहते हैं उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेंदोंग सीतरंग असानी और जावद ये चारों साइक्लोन जो हैं ये आए हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद एक और साइक्लोन आया उसका नाम था गुलाब, तो ये गुलाब साइक्लोन आया था अक्टूबर 2021 में, बड़ा इंपॉर्टेंट साइक्लोन था। मई 2021 में एक साइक्लोन आया था उसका नाम था यास, और मई 2021 में ही एक और साइक्लोन आया था उसका नाम था ताऊकेते, और इसको हम लोग ताऊजी बोल रहे थे उस टाइम पे जब हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा। तो ताऊकेते करके एक साइक्लोन है ये आया था मई 2021 में। मई 2021 में एक और साइक्लोन आया था जो यास ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे साइक्लोन जो है ये 2021 और 2022 में इंडिया के अंदर आपको आए थे। अब देखो मई का महीना आने वाला है तो 2-3 साइक्लोन और आ सकते हैं, 2 साइक्लोन आने की पूरी संभावना है मई के महीने में, लेकिन तब तक आपका पेपर बन का होगा तो उससे कोई इतना ज्यादा संबंध नहीं है। यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपसे पूछेगा कि ये साइक्लोन कहाँ पर आए थे, मेंदोंग सीतरंग आपको दे देगा कि
अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में, या देखो ईयर तो पूछने की कि दिसंबर में आया था जनवरी में आया था, ये थोड़ा मुश्किल है पूछना, लेकिन लोकेशन जरूर यहाँ पर आपको पूछ सकता है। तो अब याद रखिएगा इनकी लोकेशंस कि कहाँ पर कौन सा साइक्लोन आया था, नाम आ सकता है कि यास क्या है या ताउके थे क्या है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जावद क्या है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना आपको बनी रहती है। तो ये तमाम साइक्लोन्स याद रखना, एक वीडियो में हम दुनिया के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही अनअकैडमी का अनअकैडमी प्लस। चमक उठी सन 57 की, वो तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। 1857 का रिवोल्ट एक ऐसा रिवोल्ट जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, और साथ ही ये पूरा रिवोल्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन तमाम क्षेत्रों में ये रिवोल्ट आपको फैला। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट इन मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश में प्रमुख कौन कौन से ऐसे नेता हुए, प्रमुख ऐसे लीडर्स हुए, राजा हुए, जिन्होंने 1857 की क्रांति को मध्य प्रदेश में लीड किया। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर के बारे में बता दूं, अनअकैडमी का एक इंपॉर्टेंट ऑफर जहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल रहा है 25% डिस्काउंट, और उसके साथ में आपको 1+1 ऑफर भी मिल रहा है, एक साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा, साथ में 25% डिस्काउंट। इसके बारे में हम लोग आखिरी में बात करेंगे, कोड याद रखना पवन लाइव, पूरे ऑफर को मैं आखिरी में बताऊंगा, तो आखिरी तक वीडियो को देखते रहना। 1857 की जब क्रांति हुई, 10 और 11 मई 1857 को जब मेरठ से दिल्ली सैनिकों ने कूच की, तो किसी को नहीं पता था कि पूरे भारत में यह रिवोल्ट आपको फैल जाएगा, और यह रिवोल्ट मध्य प्रदेश में पहुंचा 3 जून 1857 को, और सबसे पहले इस रिवोल्ट की आहट हुई मध्य प्रदेश के निमच नाम के शहर में। निमच अंग्रेजों की एक पुरानी छावनी हुआ करती थी, जहां पर 1818 में 1818 में जब ट्रिटी ऑफ मंसूर हुई, मंसूर की ट्रिटी हुई आफ्टर द बैटल ऑफ महतपुर, उसके बाद एक छावनी अंग्रेजों ने वहां पर भी एस्टैब्लिश कर ली, जैसे महू में एस्टैब्लिश की। तो यहां के जो लीडर थे उनका नाम था अली बेग, जिन्होंने इस रिवोल्ट को, इस आंदोलन को यहां पर आपको शुरुआत की, अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ रिवोल्ट किया, और जैसी महू में रिवोल्ट हुआ ये खबर पूरे मध्य प्रदेश में आपको फैल गई, और ये जो बगावती सैनिक थे, ये बगावती सैनिक निमच से निकल के पहुंच जाते हैं आपके मध्य प्रदेश के इंदौर, और जहां पर इंदौर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह आपको होता। जो बगावती सैनिक थे निमच से लेके इंदौर के पास में एक जगह महू, जहां पर महू छावनी है, जिसको हम अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं, उस महू छावनी पे सैनिक आए। महू से लेके निमच तक एक रोड बना है जिसको महू निमच रोड कहा जाता है। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत किस रोड के लिए बनाया था कि वो सेना का आना जाना यहां पर आपको हो सके, लेकिन उनको नहीं पता था कि यही रोड जो है उनके लिए नासूर आपको साबित होगा। तो सैनिक इंदौर पहुंचते हैं, और इंदौर के अंदर जो रिवोल्ट होता है, इंदौर के अंदर रिवोल्ट होता है 1 जुलाई को, और जो लीडर थे उनका नाम था सादत खान, है ना, सादत खान, वंश गोपाल और भागीरथ सिलावट, ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे उनका नाम था सादत खान। सादत खान उस समय पे जो होलकर का जो राजवंश, होलकर की जो सेना थी उसके एक बड़े अधिकारी थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट आपको कर दिया, और इंदौर को तकरीबन 6 से 7 महीने तक अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रहा। तो इंदौर के अंदर सादत खान, वंश गोपाल और भागीरथ सिलावट ने रिवोल्ट किया। उसी समय पे, उसी दिन 1 जुलाई की तारीख को महू के अंदर मुराद अली नाम के एक अधिकारी थे, या एक सेना के अधिकारी थे, अंग्रेजों की सेना के अधिकारी, तो मुराद अली ने आपके महू के अंदर आपको रिवोल्ट कर लिया। तो इंदौर जिले में या इंदौर के अंदर एक ही तारीख को 2 बार आपको रिवोल्ट किया। उसके बाद रिवोल्ट आपको पहुंचता है धार, और धार के अंदर रिवोल्ट जो है वो 2 अलग अलग प्लेसेस पे फैला। सबसे पहला अमझेरा करके एक रियासत हुआ करती थी, जहां के राजा हुआ करते थे बख्तावर सिंह, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपको रिवोल्ट किया, क्योंकि ये चाहते थे, क्योंकि सिंधिया के अधीन थे एक तरीके से, ये चाहते थे कि सिंधिया और अंग्रेजों से आजाद हो गए, तो इन्होंने रिवोल्ट आपको किया। उसी के साथ में धार के अंदर, चलो आगे आएगा वो ना, धार के अंदर एक बार और रिवोल्ट हुआ, वो आखिरी में आएगा, थोड़ा वो आगे पीछे आपको हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो द्रौपदी बाई ने, मैं बता देता हूं यहां पे, कि धार के अंदर जो द्रौपदी बाई है उन्होंने विद्रोह किया। द्रौपदी बाई वहां की रानी हुआ करती थी, और जब बगावती सैनिकों ने उस पूरे एरिया को यहां पर आपको घेरा, तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत आपको कर दी। खैर, वो बगावत के बारे में डिटेल में मैंने बात की थी, उसमें अभी नहीं जाऊंगा मैं। ओके, अगला जो रिवोल्ट होता है मंदसौर के अंदर, मुगल जो बादशाह थे, है ना, बहादुर शाह जफर, उनका नाती मतलब उनकी बेटी का बेटा जो है वो यहां पर पहुंचता है, और यहां पर आके अपने आप को, अब जो मंदसौर है वहां का राजा, एक जगह है मंदसौर के पास में, उस जगह का नाम है खाचरोद, तो खाचरोद और आसपास के एरिया में रिवोल्ट आपको कर देता, विद्रोह कर देता है, और यहां पर अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लेता, शहजादा फिरोज मंदसौर में, याद रखना, बाद में उसको फिर कैप्चर कर लिया। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में रिवोल्ट किया शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने। इनकी डेथ के बाद इनकी जो पत्नी थी शंकर शाह की, रानी फूल कुंवर, इन्होंने भी आपको विद्रोह किया। इनकी स्टोरी मैं कभी डिटेल में बताया
बताया है, बताया था मैंने, तो ये लोग गोंड जो डायनेस्टी थे उसके आखिरी वंशज माने जाते हैं, द लास्ट वन, है ना। इनको इनका साम्राज्य नहीं मिला, इनको इनका एरिया नहीं मिला, तो अंग्रेजों ने, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ 52nd रेजिमेंट ऑफ जबलपुर। और उसके बाद रिवोल्ट करने के बाद इन दोनों को पकड़ के जो है वो तोप से उड़ा दिया गया जबलपुर में। और उसके बाद इनकी जो पत्नी थी रानी फूल कुंवर, इन्होंने आगे जाके इस विद्रोह को कंटिन्यू किया। अगला जो रिवोल्ट हुआ वो हुआ मध्य प्रदेश के मंडला में। मंडला के अंदर एक रानी हुआ करती थी, उनका नाम था अवंतीबाई लोधी, ठीक है। जब शंकर शाह और रघुनाथ शाह की डेथ हुई तो रानी को लगा कि भाई हमको तो वैसे ही ये लोग कैप्चर कर लेंगे, तो रानी ने यहां पर रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करके सबसे पहले उन्होंने मंडला के किले को कैप्चर आपको किया, और लॉर्ड वेलिंगटन के साथ एक जबरदस्त उन्होंने संघर्ष किया, और उसी संघर्ष में रानी अवंतीबाई लोधी की इनकी मृत्यु हो जाती है, आत्मोत्सर्ग कर लेती है, ठीक है। फिर सागर में रिवोल्ट हुआ, तो सागर के अंदर रिवोल्ट करने वाले थे फाजिल मोहम्मद खान और नवाब आदिल मोहम्मद खान। अब देखो एक्चुअली जो सागर में जो रिवोल्ट था, राहतगढ़ करके किला है सागर में, यहां पर इन्होंने रिवोल्ट किया था, लेकिन ये रिवोल्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था रायसेन में। रायसेन के अंदर एक जागीर हुआ करती थी, उसका नाम था गढ़ा अंबापानी, और ये गढ़ा अंबापानी जो रियासत थी उसके अधिकारी हुआ करते थे, उसके ऑफिसर्स हुआ करते थे। और जब ये रिवोल्ट आपको हुआ, और भोपाल की जो बेगम थी सिकंदरा बेगम, उन्होंने जब अंग्रेजों का साथ दिया, तो उस समय पे गढ़ा अंबापानी के फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद खान ने रिवोल्ट किया। इनका रिवोल्ट भोपाल से लेके, तो आप अगर देखेंगे तो भोपाल से सीहोर के अंदर भी इनका रिवोल्ट आपको बोला, और ये लोग फिर यहां से अंग्रेजों से भाग के सागर के अंदर राहतगढ़ के किले में आपको जाके छुप जाते हैं, और वहां पर अंग्रेज अधिकारियों ने हमला करके इनको पकड़ के इनके साथ एक भीषण युद्ध आपको लड़ा। तो सागर के अंदर फाजिल मोहम्मद और नवाब आदिल मोहम्मद, खैर इनको आप सागर में, रायसेन में भी काउंट कर सकते हैं, यहां पर उन्होंने स्थापित की थी सिपाही बहादुर सरकार। जैसे कंपनी बहादुर बोलते थे अंग्रेज सरकार को, वैसे सिपाही बहादुर सरकार एस्टैब्लिश की थी, तो आप रायसेन में भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए ओके, अगला जो रिवोल्ट आपको हुआ, अगर रिवोल्ट हुआ सीहोर के अंदर, सीहोर में रिवोल्ट करने वाले थे महावीर कोथा और वली शाह, इन लोगों ने रिवोल्ट किया। अब देखो सीहोर, रायसेन और ये होशंगाबाद पूरा रीजन ये भोपाल की बेगम के अधीन था, और भोपाल की बेगम अंग्रेजों की एकदम चापलूस थी, उनका पूरा सपोर्ट आपको करती थी, ठीक है। तो इस कारण से इन्होंने जो अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे, तो इन्होंने वली शाह और इन्होंने आपको रिवोल्ट किया सीहोर के अंदर। इन्होंने सीहोर के अंदर जो अंग्रेजों की छावनी थी, उस छावनी से इन्होंने जो यूनियन जैक है उसको निकाल के निशाने महावीरी और निशाने मोहम्मदी यहां पर आपको एस्टैब्लिश किया। अगला रिवोल्ट हुआ मध्य प्रदेश के गुना के अंदर, और गुना के अंदर रिवोल्ट को लीड करने वाले थे अजीत सिंह। अब देखो उन्होंने एक्चुअली लीड नहीं किया रिवोल्ट को, इन्होंने सिर्फ बगावती सैनिकों की हेल्प की। जो मैंने बात की कि सिपाही जो है वो निमच से लेके आते हैं इंदौर, और इंदौर से ये सैनिक जाते हैं महू, महू राजगढ़ होते हुए उनको जाना है कहां पर, ग्वालियर जाना है, लेकिन ग्वालियर जाते हुए रुकते हैं गुना के अंदर बीच में। अब जो उज्जैन में आते हैं तो उज्जैन के अंदर भी एक लीडर थी, इनका नाम आपको मैं बता देता हूं, उनका नाम था बैजी भाई, बैजाबाई सिंधिया। बैजाबाई सिंधिया जो दौलतराव सिंधिया थे, जो ग्वालियर के राजा थे, उनकी पत्नी थी। इन्होंने मुकुट राम को जब राजा बनाया तो उसने इनके खिलाफ बगावत आपको कर दी कि मैं ही राजा बनूंगा, या एक तरह से राजमाता थी। तो ये फिर ग्वालियर उज्जैन आ जाती है, और यहां पर उन्होंने बगावती सैनिकों को पैसा, हथियार वगैरह तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की। बगावती सैनिक इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर होते हुए पहुंचते हैं गुना, और गुना में उनकी मदद करते हैं यहां के राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है? अजीत सिंह दिग्विजय सिंह, जो अभी जो एक मध्य प्रदेश से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हीं की जो एंसेस्टर या उनकी चार पांच जनरेशन पहले जो है वो अजीत सिंह हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह, उन्हीं की फैमिली से आते हैं, राघोगढ़ की फैमिली से। तो राघोगढ़ के जो राजा हैं उन्होंने सपोर्ट किया। अब इनके सपोर्ट करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि ये बेसिकली सिंधिया के खिलाफ बगावत करना चाहते थे, सिंधिया के अधीन थे, तो सिंधिया के खिलाफ बगावत करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने सैनिकों का आपको सपोर्ट किया। उसके बाद यही जो गुना से सेना है ये पहुंचती ग्वालियर, और ग्वालियर के अंदर अंग्रेजों की जो मुरार छावनी थी वहां पर जाके विद्रोह आपको हुआ। चलिए ओके, उसके बाद अगला जो रिवोल्ट होता है वो होता है दमोह में। दमोह के अंदर एक अधिकारी हुआ करते थे, एक जमींदार हुआ करते थे किशोरे सिंह, इन्होंने दमोह के अंदर आपको रिवोल्ट किया। होशंगाबाद में नरसिंह आपके नर्मदापुरम में रिवोल्ट हुआ, और यहां पर रिवोल्ट को लीड किया ठाकुर दौलत सिंह और पंडित बाबा साहेब ने, है ना। इन दोनों ने यहां पर आपको रिवोल्ट को लीड किया, और यहां पर जो भी अंग्रेज अधिकारी वगैरह थे उन अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने आपको किल कर दिया। उसके बाद सागर के अंदर आप देखोगे तो सागर के अंदर जो और रिवोल्ट हुआ वो किया रामदिन और सुखदिन ने। तो रामदिन और सुभदिन करके दो अंग्रेजों की सेना में अधिकारी हुआ करते थे, इन्होंने रिवोल्ट किया। तो सागर में आप देखोगे तो फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद और रामदिन और सुभदिन, इन तमाम लोगों ने रिवोल्ट किया। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ वो रिवोल्ट हुआ धार के अंदर, बताया था द्रौपदी बाई ने धार के अंदर आपको रिवोल्ट किया था, और ये वहां के जो राजा थे
उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद इन्होंने अपने अडोप्टेड सन आनंद राव सेकंड को राजा बनाया और अंग्रेजों ने वो अडोप्टेशन यहाँ पर आपको मान लिया और इन्होंने रिवोल्ट किया, छोटा मोटा इनका रिवोल्ट था, ज्यादा कोई उसमें ज्यादा चीजें नहीं थी। तो ये पूरा रिवोल्ट हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में तमाम लीडर्स है, मेन लीडर ऐसे बहुत सारे और भी लीडर्स है लेकिन ये वो मेन लीडर है जिन्होंने 57 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था मध्य प्रदेश की तरफ से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसका इमेज मैं आपको दे ही दूंगा लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ठीक है, साथ ही अनअकैडमी के जिस इंपॉर्टेंट ऑफर के बारे में बात कर रहा था और ये हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस चैनल पर और एमपीपीएससी टीएटी का यह है 8वां लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको पूछा जाता है। तो एक बड़ा सवाल एग्जाम में आपको आता है कि कई सारी जो पर्सनालिटीज हैं, कई सारे ऑफिस बेयरर हैं मध्य प्रदेश में, जैसे चीफ जस्टिस हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए या इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन वगैरह हो गए, तो उनके संबंध में कई सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं कि पद को लेके कि कौन सा कहाँ पे किस पद पे आपको रहा। तो ऐसे कई सारे वीडियोज मैं आपको बनाने वाला हूँ जिसका ये पहला वीडियो है। इसके अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो जस्टिस रहे हैं, जज रहे हैं या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में किन पदों पे आपको रहे हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में जाके वहां पर चीफ जस्टिस बने, तो एक पूरा लिस्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको देखने वाले हैं। साथ ही जजेस के बारे में इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन जजेस के बारे में जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रहे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद में जाके भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ पर आपको बने। तो ऐसे जो पहले व्यक्ति हैं वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अब जस्टिस एम हिदायतुल्ला भारत के अंदर जो जब आजादी के बाद जो पूरी न्याय व्यवस्था आपको स्थापित हुई तो उस न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में सबसे इनिशियल यहाँ पे व्यक्ति थे, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको की। चलिए सबसे पहले जस्टिस जेएस वर्मा है, जस्टिस हिदायतुल्ला है, इनकी शुरुआत आपको होती है नागपुर हाईकोर्ट से। जब नागपुर हाईकोर्ट बना सेंट्रल प्रोविंस का तो नागपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आपको बनते हैं फ्रॉम 1954 से लेकर 1956 तक, तो 54 से लेकर 1956 तक नागपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उसके बाद जो नागपुर हाई कोर्ट की जो पूरी बेंच थी, उस पूरी की पूरी बेंच को जब नागपुर हाई कोर्ट को उसको डिसॉल्व किया गया और उसके बाद उस पूरी बेंच को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या बोल सकते हैं जबलपुर हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट बना, तो इस तरीके से ये जबलपुर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं और साथ में मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी पहले चीफ जस्टिस, पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो 1956 से लेकर 1958 तक तकरीबन 2 साल तक ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, मुख्य न्यायाधीश के पद पे उन्होंने आपको काम किया। उसके बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है या इनको एलिवेट किया जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय तक जज रहे और उसके बाद ये भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश, 11th चीफ जस्टिस आपको बने। 1967 से लेकर 1970 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको रहे। देखो ये आपको ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किन किन पदों पर डॉक्टर हिदायतुल्ला या बाकी लोग व्यक्ति आपको रहे, सिर्फ ये चीजें पता होना चाहिए। ठीक है ओके, उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बने। उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उस समय वाइस प्रेसिडेंट का पद भी आपको खाली था, तो इसलिए इनको सौभाग्य मिला कि ये भारत के राष्ट्रपति के पद के ऊपर आपको बैठ सके और ये भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, जो राष्ट्रपति के पद पर आपको पहुंचे। क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और वाइस प्रेसिडेंट का पद भी आपको खाली है तो इन दैट केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो भारत के पहले चीफ जस्टिस बने जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। उसके बाद आगे जाके इनको भारत का जो उपराष्ट्रपति है 1979 से लेकर 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे। कई सारे इंपॉर्टेंट पदों पर जस्टिस हिदायतुल्ला है, इन्होंने यहाँ पर आपको काम किया। ओके, उसके बाद अगले जो इंपॉर्टेंट जज हैं वो भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित है, जस्टिस जे एस वर्मा। जस्टिस जे एस वर्मा अपने वर्मा कमेटी जो है, उस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के लिए आपको जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, 10वें चीफ जस्टिस 85 से लेकर 86 तक, एक साल तक यहां जज, उनका एक साल तक जज के रूप में काम किया। उससे इंपॉर्टेंट बात है, इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश के सतना में सॉरी, और मध्य प्रदेश में पैदा होकर मध्य प्रदेश में ही चीफ जस्टिस बनने वाले ये पहले जज बने। इवन
मतलब और भी जज हैं, जैसे जस्टिस प्रसन्ना जो हैं, जस्टिस प्रसन्ना भी ऐसे थे जिनका जन्म रीवा में हुआ और बाद में जाके वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। लेकिन ये मतलब ऐसे चीफ जस्टिस हम लोग बोल सकते हैं, दो चीफ जस्टिस हुए हैं भारत के अंदर जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। एक तो जस्टिस जेएस वर्मा है जिनका जन्म सतना में हुआ, और एक जस्टिस लोहाटी है जिन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं बने लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो ऐसे दो चीफ जस्टिस है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में आपको हुआ है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ आपके मध्य प्रदेश के सतना में और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज आपको रहे। उसके बाद हाई कोर्ट के जज बनने के बाद ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी आपको काम करा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम किया 89 के अंदर, और उसके बाद ये भारत के 27वें चीफ जस्टिस, भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश आपको बन जाते हैं, 27th चीफ जस्टिस ऑफ मध्य ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, और ये पद इनका आपको रहा 1997 से लेकर 1998 तक, तकरीबन 10 महीने तक चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद इनको एलिवेट किया गया जब रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग था, इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आपको बनते हैं 1999 से लेकर 2003 तक, 2003 तक, तकरीबन 4 साल के, या 4 साल भी नहीं, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल, 3.5 साल के समय तक इस पद के ऊपर आपको रहे। और ये मध्य प्रदेश से आने वाले, या क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो देश के जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके भी अध्यक्ष बने, तो याद रखिएगा जस्टिस जे एस वर्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको नाम है। ओके, उसके बाद इनके संबंध में कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे जिन्होंने, जिसमें जस्टिस वर्मा ने अपना डिसीजन दिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है एसआर बोमानी केस, जहां पर राज्यपाल के, गवर्नर के ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, उस शक्तियों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि जो गवर्नर है वो किसी भी अध्यादेश को अनलिमिटेड टाइम तक बार 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 उसको जारी आपको नहीं कर सकते। उसके बाद एक बड़ा अयोध्या जजमेंट वाला जो केस हुआ उसके अंदर ये एज ए जज यहाँ पर आपको शामिल थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है जस्टिस जे एस वर्मा के अंदर आपको शामिल होके वहां पर डिसीजन आपको दिया। उसके बाद एक हिंदुत्व जजमेंट केस था, एक विशाखा जजमेंट केस था, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र के संबंध जो जो डिसीजन है वो डिसीजन उन्होंने यहाँ पर आपको लिया। उसके बाद आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, एस्पा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एस्पा से संबंधित जो डिसीजन है वो डिसीजन जस्टिस वर्मा ने आपको लिया, जिसमें जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं उनके पावर्स या उनकी जो शक्तियां हैं उनकी शक्तियों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल जो है वो कंट्रोल लगाने की उन्होंने यहाँ पर आपको बात की। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जो फोर्डर स्कीम केस था, तो उस फोर्डर स्कीम केस में भी इनको स्पेशली उनको वहां पर आपको इन्होंने अपना जजमेंट आपको दिया। जैसे कई सारे जजमेंट जस्टिस वर्मा ने आपको लगाया। फिर बाद में जाके राजस्थान हाई, राजस्थान जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने आपको काम किया। उसके अलावा 86 और 89 में 2 बार उस पद पर रहे। उसके बाद इन्होंने जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके संबंध भी इंपॉर्टेंट पद पर है। और बाद में जब निर्भया केस हुआ, निर्भया केस के बाद इन्होंने उस समय की जो केंद्र सरकार थी उन्होंने बनाया जस्टिस वर्मा कमीशन, और उन्होंने जुवलाइन जो होते, जुवलाइन मतलब जो छोटा बच्चा 18 साल से जो होता, छोटा होता है उसको जुवलाइन कहा जाता है। आपको याद होगा निर्भया केस में एक जो जो क्रिमिनल था या एक जो रेपिस्ट था वो माइनर था, और बाद में फिर सरकार को उसको 18 साल की उम्र होने के बाद उसको छोड़ना पड़ा। तो उसको लेके एक बड़ा गुस्सा देश में था कि अगर कोई व्यक्ति जो 17 साल का है, 17.5 साल का लड़का है, वो इस प्रकार का क्राइम करता है तो क्या उसको भी हम लोग छोड़ देंगे। तो जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने आपको कहा कि अगर जो चीफ जस्टिस, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल से, 16 से 18 के बीच में है, और वो कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम आपको करता, कोई रेयर क्राइम आपको करता, और ऐसे क्राइम में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको 16 साल का भी अगर है, 16 से 18 के बीच का, तो उसको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, और उसको लेके फिर आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट भी सरकार को करना पड़ा। ओके, तो ये हुए आपके जस्टिस जे एस वर्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका टेन्योर रहा। उसके बाद अगले जो जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, एसए बोबड़े, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 21वें चीफ जस्टिस आपको बने। कब से कब तक जज रहे, तो 2012 से लेकर 2013 तक ये चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आपको रहे, और बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट में भी इनको एलिवेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और उसके बाद में ये भारत के चीफ जस्टिस बनते हैं। ही बिकम द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश, 2019 से लेकर 2021 तक, तकरीबन 1.5 साल के समय तक ये चीफ जस्टिस के पद पे भारत के अंदर यहाँ पर आपको रहे।
ठीक है ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो जजमेंट इनके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट उन्होंने दिया अयोध्या डिस्प्यूट को लेके, उसमें ये उस पूरी पैनल में शामिल थे। फिर मैरिटल रेप को लेके कि क्या पति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है, उससे इंपॉर्टेंट एक डिसीजन दिया जो महिलाओं के पक्ष में इन्होंने दिया। फिर माइनर के रेप के संबंध में एक इंपॉर्टेंट निर्णय लिया। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट जो निर्णय हैं वो जस्टिस वर्मा ने, जस्टिस एस ए बोबड़े ने यहाँ पर आपको लिए। ओके उसके बाद अगले जो जज हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपको पहुंचे, तो ये है जस्टिस दीपक वर्मा। जस्टिस दीपक वर्मा जो है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे और बाद में जाके ये चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट थे, बाद में जाके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको बने। तो ऐसे चार जज हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते पहले रहे और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जज यहाँ पर आपको बने। ठीक है ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक ऐसे जज की जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुप्रीम चीफ जस्टिस तो नहीं बने लेकिन ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे और यहाँ के जज रहते हुए ही इनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पर जाके ये बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर सी लाहोटी, जिनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश के गुना में। पहले तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ लेकिन बाद में ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के परमानेंट जज बनते हैं। फिर बाद में ये जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इन 1998, चीफ जस्टिस तक पद पे नहीं गए। ओके उसके बाद ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं फ्रॉम 2004 से लेके 2005 तक, 2004 से लेके 2005 तक। तो चार ऐसे जजेस हमने आपको बताया जो सुप्रीम कोर्ट के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे चीफ जस्टिस के पद पे, और एक इकलौते जज हैं जस्टिस आर सी लाहोटी जो सिर्फ जज थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको बने, ये याद रखिएगा। ओके उसके बाद ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सिर्फ जज बने, है ना, चीफ जस्टिस नहीं बने, सिर्फ जज बने, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आपको आया भी था एग्जाम में। चलिए तो ना बात करते हैं, अब इनके सिर्फ हम नाम देखेंगे। जस्टिस आपके राघुबाऊ दयाल, जस्टिस आर दयाल, उसके बाद जस्टिस ए पी सेन, है ना, ये भी उसी पद पे आपको रहे। उसके बाद जस्टिस जी एल ओझा, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश रहे और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ जज बने। ओके जस्टिस एन डी ओझा, जस्टिस ए के माथुर, ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जस्टिस आर वी रविंद्रन, ए के माथुर के बारे में आप जाके सर्च कर लीजिएगा एक बार यूट्यूब के ऊपर। फिर जस्टिस ए के पटनायक, जस्टिस ए एम खानविलकर, और उसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता, और जस्टिस फजुद्दीन, जस्टिस डी एम धर्माधिकारी, जस्टिस पी पी नावलेकर, जस्टिस दीपक वर्मा, ये जस्टिस आर के प्रसाद, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए एम सप्रे, जस्टिस जे के माहेश्वरी, ये कुछ ऐसे जजेस हुए जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पे जज के रूप में काम किया। अच्छा उसके अलावा ऐसे जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के अंदर चीफ जस्टिस रहे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज रहे और बाद में जाके किसी दूसरी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आपको बने, तो ऐसे जजेस के भी नाम हम लोग आपको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जस्टिस जी जी सोहानी की। तो जस्टिस जी जी सोहानी जो है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज रहे, फिर बाद में जाके बिहार हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आपको बने। जस्टिस बीसी वर्मा, जस्टिस बीसी वर्मा जो है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में थे, यहां से पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, इस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको बने। जस्टिस एस के सेठ, जस्टिस एस के सेठ जो है ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने, यार इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मेंशन किया है। जस्टिस गुलाब गुप्ता, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, ये भी चीफ जस्टिस आपको जाके बने। उसके बाद जस्टिस के एम अग्रवाल, जस्टिस के एम अग्रवाल जो है ये भी सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश से ही गए थे। जस्टिस बी एम लाल, तो ये भी सेम जस्टिस बी एम लाल जो पटना हाई कोर्ट के वहां के जज रहे, वहां के चीफ जस्टिस आपको रहे। उसके बाद जस्टिस राजीव गुप्ता, तो राजीव गुप्ता ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज बने। ओके उसके बाद जस्टिस आर एस गर्ग हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस आपको बने। जस्टिस उमानाथ सिंह, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मेघालय हाई कोर्ट जो है, मेघालय हाई कोर्ट के जज आपको बने। जस्टिस अजीत सिंह है, जस्टिस अजीत सिंह आगे जाके मेघालय हाई कोर्ट के जज आपको बने। ओके उसके बाद जस्टिस राजेंद्र मेनन, इनकी लिस्ट आप बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली और पटना दोनों हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर जस्टिस यहाँ पर आपको रहे। उसके बाद जस्टिस संजय यादव,
तो जस्टिस आर एस झा, तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आपको रहे। उसके बाद जस्टिस संजय यादव, तो ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको एलिवेट किया गया, इनको वहां के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये दिल्ली और उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर आपको चीफ जस्टिस आपको रहे। ओके, उसके बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये आपके कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आपको जज रहे, मतलब बंगाल हाई कोर्ट है उसमें जज आपको रहे, चीफ जस्टिस के पद पे गए। सब चीफ जस्टिस वाली लिस्ट है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे और बाद में जाके दूसरे किसी हाई कोर्ट के अंदर आपको चीफ जस्टिस आपको मिले। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन फैक्ट को याद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी, वेलकम टू अन एकेडमी। एमपीपीएससी TAT के इस पार्ट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें हम लोग एमपी के तमाम टॉपिक्स या पूरी आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उनके तमाम टॉपिक्स को बहुत शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनका आपका इजीली आपको रिवीजन हो जाए, आसानी से आप उनको रिवाइज कर पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्तूपाज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में। अब स्तूप होता क्या है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। जो भी बुद्धिस्ट साइट्स आपको होती है या किसी बुद्धिस्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, स्पेशली कोई संत हैं या बुद्ध खुद हो गए, तो उनकी मृत्यु के बाद उनको उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको जलाया जाता है, और जलाने के बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों को स्तूप के अंदर आपको रखा जाता है। कई बार स्तूप के अंदर अस्थियों की जगह उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जैसे उनकी छड़ी हो गई, उनका मैट्रेस हो गया, उनका कमंडल हो गया, ऐसी तमाम चीजें जो है वो भी उसके अंदर यहाँ पर आपको रखी जाती है। तो जनरली उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स उसके अंदर आपको रखी जाती है, तो उसके ऊपर एक डोम बनाया जाता है जिसको स्तूप कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो इस लेक्चर में हम थोड़ा शॉर्ट के अंदर मध्य प्रदेश के तमाम स्तूपों के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है कंचन वन महाविहार। वैसे अगर देखा जाए ना, तो विहार जो होता है जहां पर बुद्धिस्ट संत आराम करते हैं, जहां पर वो स्टे करते हैं, उसको विहार कहा जाता है। लेकिन उज्जैन के अंदर कंचन वन महाविहार है, लोकेटेड है, और ये एक समय पे बिहार के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तूपा भी हुआ करता था। अब स्तूपा किसका है, तो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको है कि यहाँ पर इकलौती ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में जहां पर भगवान बुद्ध की किसी चीज के ऊपर स्तूप बना है। तो कहानी कुछ ऐसी है यहाँ पे कि जो महाजनपद का पीरियड था, तो महाजनपद के पीरियड में उज्जैन के राजा हुआ करते थे चंद्र प्रद्योता, और चंद्र प्रद्योता ही वॉज कंटेम्प्री ऑफ महात्मा बुद्ध। और जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई तो उस समय पे चंद्र प्रद्योता और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गोपाल माता, तो ये दोनों जो पति पत्नी थे ये भगवान बुद्ध की आराधना करते थे, भगवान बुद्ध के उपासक हुआ करते थे। उसके बाद जब बुद्ध की डेथ हुई तो बुद्ध की अस्थियों को 8 अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपर 8 स्तूपाज आपको बने। और उसके अलावा बुद्ध की जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जितनी व्यक्तिगत उनकी चीजें जैसे कमंडल हो गया, उनके मैट्रेस वगैरह हो गई, इन चीजों को बाकी जितने भी उस समय स्टेट थे उन स्टेट्स को यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उसी दौरान जब उज्जैन स्टेट था, या उज्जैन उस समय उज्जैन या अवंतिका जो था, तो अवंतिका या उज्जैन को कंचन मन उनको एक तरीके से यहाँ पर बुद्ध की आसंदी या बुद्ध का जो मैट्रेस है वो मैट्रेस मिला, और उस मैट्रेस के ऊपर आपके प्रद्योता की जो वाइफ है गोपाल माता, उन्होंने मंदिर का, उन्होंने स्तूपा का निर्माण किया। उसके कई सदियों आपको सदियों या साल आपको बीत गए। उसके बाद जब फिर से आपके अशोक का जो पीरियड आपको आता है, तो अशोक के टाइम पर उज्जैन के अंदर एक और बौद्ध स्तूप बनाया जाता है जिसको कंचन वन महाविहार के नाम से, या कंचन इसको सॉरी उसको वैश्य टेकरी के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अभी वैश्य टेकरी जो नाम आया है ये बेसिकली बनाया गया है बुद्ध की, जो आपके अशोक की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रीदेवी, महादेवी, माया देवी, तमाम उनके नाम आपको मिलते हैं, बट 3 अलग-अलग नाम उनके मिलते हैं। अब जो भी आपने पढ़ा हो नामों को, तो श्रीदेवी, महादेवी या माया देवी जो है इनके द्वारा इसका निर्माण किया, जो अशोक की पत्नी थी, और वो स्पेशली उज्जैन में ही आपको रहती थी। उनके दोनों बच्चे महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने भी बुद्ध धर्म की आपको दीक्षा ली थी, तो उन्होंने इस महाविहार का निर्माण किया। तो कहा जाता है कि जो पुराना कंचन वन महाविहार था वहां पर उस मैट्रेस को फिर से निकाल के इस जो उज्जैन के अंदर जो वहीं पर उसके कुछ पास में ही वैश्य टेकरी नाम की एक जगह है, उस वैश्य टेकरी नाम की जगह पे उसको स्थापित किया गया। और एक समय पे वो भारत के सबसे बड़े स्तूपा में से एक था, लेकिन अभी उसके हमको बहुत ही लिमिटेड रिलिक्स हैं, लिमिटेड आपके जो उसके जो अवशेष हैं वो अवशेष हमको यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो अशोक की पत्नी महादेवी, श्रीदेवी या माया देवी के द्वारा वैश्य टेकरी का निर्माण किया, और वो एक वैश्य की लड़की थी, एक बोल सकते बनिया या एक तरीके से एक बिजनेसमैन की लड़की थी, इसलिए उसको वैश्य टेकरी कहा गया। अगला मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भी अशोक के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन किया, इसका निर्माण किया। एक अलग से वीडियो में सांची के ऊपर जरूर बनाऊंगा,
क्योंकि सांची बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है, कई सारे तीन स्तूप जो है, तीन स्तूपास यहाँ पर आपको बने, और सांची का अपना एक बड़ा इतिहास आपको है। तो सांची के अंदर कई सारी जो डायनेस्टीज है, चाहे वो मौर्य हो गए, गुप्त हो गए या सतवाहन हो गए, सबके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। एक डिटेल लेक्चर सांची के ऊपर आपको जरूर होगा 10-15 मिनट का। तो सांची के अंदर बेसिकली देखा जाए तो तीन मेन स्तूप है, बहुत सारे स्तूप है लेकिन तीन मेन स्तूप है। उसमें जो स्तूप नंबर 1 है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूप, और इसका अलग अलग नाम अलग अलग आपको टेक्सेस में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इट कॉल्ड द वैदिक गिरी, चैत्य गिरी, काकवन, अलग अलग नाम यहाँ पर आपको मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो अस्थियां मिलती हैं, यहाँ पर जो रेलिक्स आपको मिलते हैं, तो इसके अंदर जो अस्थियां मिलती है, अब देखो कुछ इतिहासकार आपको बोलेंगे या कई सारे, अब जब सांची जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्लेम किया जाएगा कि यहाँ पे बुद्ध की अस्थियां हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे बुद्ध की अस्थियां नहीं है। यहाँ पर जो अशोक के टाइम पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और उस बुद्धिस्ट काउंसिल के जो दो बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनके चेयरमैन या उनके मेंबर्स हुआ करते थे काउंसिल के, सारिपुत्र और महामोदग्लयान, इन दोनों की अस्थियां जो है आपको यहाँ पर सांची के स्तूप नंबर 1 में मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली स्तूप नंबर 2 में भी इन्हीं की अस्थियां आपको मिलती हैं। उसके साथ में स्तूप नंबर 3 के अंदर कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन, दूसरे आपके जो कोई दूसरे संत हुए थे उस समय पे, तो उन संतों के जो कोई रेलिक्स हैं, तो वो आपको सांची के स्तूप में यहाँ पर आपको मिलते हैं। उसके अलावा जब मेजर कनिंगम ने इसका जब रिसर्च किया, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई यहाँ पे किया उस समय पे, मेजर कनिंगम और फ्रेडरिक चार्ल्स मैसी नाम के दो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने स्टडी करके बोला कि यहाँ पर बुद्ध के रेलिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े लेवल पे कई सारे विहार, एक अलग से मॉनेस्ट्री आपको मिलती है, उस मॉनेस्ट्री के अंदर कई सारे जो है वो बच्चे वहां पर आपको पढ़ते थे, तो उनकी भी तमाम जानकारियां हमको सांची से आपको मिली। सांची हम लोग डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है सांची। चलिए उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, और वो है आपका अंधेर। अब देखो सांची स्तूप इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला जो स्तूप है वो है सतधारा का स्तूप, और ये भी लोकेटेड है आपके रायसेन जिले के अंदर। इसको 1853 में मेजर कनिंघम के द्वारा आपको सर्च किया। अब देखो इसको लेके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि, या मेजर कनिंघम का खुद का यहाँ पे बोलना है कि इसके अंदर अशोक, उसके अंदर जो महाराजा, जो महात्मा बुद्ध थे, उनका टीथ या उनका जो दांत है, उनका दांत यहाँ पर आपको मिलता है। अब ये बड़ा मुश्किल है या बहुत, ये बहुत वियर्ड चीज है कि बुद्ध का दांत कहीं पर हो, उसको अभी तक किसी ने कब्जा नहीं किया। एक और स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ श्रीलंका की। तो जब बुद्ध की डेथ हुई, तो उनके बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उसके बाद उनका, उनकी जो राख थी उसमें से दो दांत निकले थे, दो उनके टीथ आपको निकले थे, और उन दांतों को कहा जाता है कि यहाँ से श्रीलंका ले जाया गया और वहां पर उसके ऊपर एक स्तूपा आपको बनाया गया, और उस दांत के लिए श्रीलंका में कई सारे बैटल्स हुए। रीजन ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास या जिस भी राजा के पास वो दांत होगा, उसका स्टेट बड़ा खुशहाल होगा, उसके बाद धन धान्य और पैसे की कोई कमी यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो इसी लालच में कई सारे राजाओं ने अशोक के ऊपर यहाँ पर, या उस एरिया के ऊपर यहाँ पर आपको हमला किया, और उसके ऊपर हमला करके, उसके ऊपर अटैक करके उन दांतों को उन्होंने विजित किया। तो अगर ऐसा सच में यहाँ पे दांत होते, तो इंडिया के ऊपर भी कई अटैक होते, आपस में राजा यहाँ पर उन चीजों के लिए आपको लड़ते। तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये खुद मेजर कनिंगम ने इसको अपने रिपोर्ट के अंदर यहां पर आपको दर्ज किया है। चलिए उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है अंधेर स्तूप। अब अंधेर स्तूप भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रायसेन के अंदर। यहाँ भी तकरीबन 30 से 40 स्तूपाज हैं, वो स्तूपाज हमको मिलते हैं। अगला स्तूप है मध्य प्रदेश का सोनारी स्तूप, और सोनारी स्तूप जो है ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रायसेन के बारे में। अब इनके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, ज्यादा फैक्ट चीजें नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट स्तूप है खरवई का स्तूप, और खरवई का जो स्तूप है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रायसेन में। तो तमाम जो स्तूपाज हैं ये मध्य प्रदेश के, चाहे वो खरवई हो गया, सोनारी हो गया, अंधेर हो गया, सांची हो गया, सब लोकेटेड है आपके रायसेन में। एक और स्तूप है भोजपुर स्तूप, ये भी रायसेन में ही लोकेटेड है। जो राजा, जो आपका भोजेश्वर मंदिर है, या राजा भोज के द्वारा बनाया गया जो मंदिर है, उस मंदिर से कुछ दूरी पे आपको भोजपुर स्तूप यहाँ पे मिल जाएगा, और इसका निर्माण भी अशोक के आसपास के टाइम पर आपको किया गया था। तो जितने भी तमाम स्तूपास आपको रायसेन में मिलते हैं, क्योंकि रायसेन विदिशा का जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में अशोक का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि अशोक तकरीबन 11 साल तक मालवा का गवर्नर रहा, और मालवा के गवर्नर के तौर पर उसने उज्जैन, विदिशा, इस पूरे क्षेत्र के अंदर उसने भ्रमण किया था, उस एरिया के अंदर आपको रहा था। तो उसके कारण तमाम स्तूप यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है, इट इज द तुमेन स्तूप, और तुमेन स्तूप लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के अंदर। अब देखो तुमेन एक बड़ा पुराना शहर माना जाता है, और ये इसका पुराना जो नाम है, द ओल्ड नेम इज कॉल्ड द तुम्बवन के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अभी जो स्तूप यहाँ पे बना हुआ तुम्बवन, तो ये एक पुराना, यू कैन से कि एक बहुत पुराना
यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, एक बहुत पुराना एक कल्चरल डेवलपमेंट या व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, तुमेन तुमेन हो गया या उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, ये तमाम व्यापारिक केंद्र थे, उनमें से एक तुमेन यहाँ पे था। तो कई सारे व्यापारी, कई सारे बुद्धिस्ट संत वहां पर आपको आते थे, क्योंकि पहले जनरली ये होता था ना कि जो बुद्धिस्ट संत थे वो हमेशा व्यापारियों के साथ चलते थे, ताकि उनकी लाइफ की, उनके जीवन की यहाँ पर आपको सुरक्षा हो सके। तो उसी दौरान तुमेन यहाँ पर आपको डेवलप हुआ होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है कसरावद स्तूप। अब कसरावद जो स्तूप है, दिस स्तूप इज लोकेटेड इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 16 ऐसे स्तूप आपको मिले हैं, और यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे 16 जो बुद्धिस्ट संत थे उनके नाम लिखे हैं, और उन्हीं संतों के नाम पे या उन्हीं संत या बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनकी अस्थियों के ऊपर ये 16 विहार मिले हैं। स्पेशली उसके ऊपर एक अलग से वहां पर एक इंस्क्रिप्शन भी है, जो उन 16 जो यहाँ पर ये जो आपके संत थे उनके नाम उसके ऊपर आपको लिखे होंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो स्तूप है वो है महेश्वर और नावदा टोली स्तूप। एक स्तूप महेश्वर में है और एक नावदा टोली के अंदर लोकेटेड है। नावदा टोली अगर देखा जाए तो खरगोन जिले के अंदर एक बहुत पुराना और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको साइट है, जहाँ पे कैल्कोलिथिक पीरियड या मीजोलिथिक पीरियड के तमाम जो सबूत हैं वो हमको नावदा टोली से मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर अशोक के समय के जो स्तूपास हैं उनके सबूत भी हमको या उनके स्तूपास भी हमको देखने को मिलते हैं, जो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है सारू मारू का केव, या सारू मारू के उनको गुफाएं या सारू मारू स्तूप भी कहा जाता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना कि हम बात करें सारू मारू की या हम बात करें पानगुराड़िया की, दोनों एक ही बात है। तो सारू मारू की यहाँ पे कई सारी केव्स बनी है, तो उन केव्स के अंदर माना जाता है कि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट जो विहार है, बुद्धिस्ट विहार हुआ करता था, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो यहाँ पे रहा करते थे, और उसको सारू मारू केव कहा जाता है। अब जो नाम है सारू मारू, तो ये सारिपुत्र और महामोदग्लयम, तो उनके नाम से ये नाम हुआ सारू मारू। हो सकता है उनको उस समय शॉर्ट के अंदर या उनको प्यार से सारू मारू कहा जाता होगा, तो ये नाम वहां पर मेंशन है कि द नेम इज सारू मारू, क्योंकि अशोक के टाइम के तमाम जो इंस्क्रिप्शन है उनको हम रीड कर पाए आज तक। उसके बाद जो पानगुराड़िया है, तो पानगुराड़िया इज अ प्लेस जहां पर ये लोकेटेड है। शिवराज सिंह चौहान का जो विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, उसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको आता है। तो सारू मारू जो केव है साथ में, इट इज लोकेटेड इन द पानगुराड़िया। वहां पे कुछ 15-16 अलग अलग स्तूप बने हैं, जिनमें से 3 स्तूप अभी वहां पर आपको सर्वाइवल कंडीशन में है। तो ये सारू मारू हुआ सीहोर में है। अगला स्तूप हुआ उसका नाम है देउर कोठार का स्तूप, और ये देउर कोठार लोकेटेड स्तूप लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर। यहाँ पर अशोक ने अपना एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन या आपका एक स्तूप यहाँ पे बनवाया। देखो ऐसा कोई सबूत तो हमको नहीं मिलता कि अशोक कभी रीवा के एरिया में आपको गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो शिष्य हैं या उनके बाकी जो दूसरे दरबारी लोग हैं उन्होंने, हो सकता है कि इस एरिया के अंदर किसी स्तूप का निर्माण, क्योंकि ये सब अशोक के टाइम के हैं, ये नहीं बोल सकते कि अशोक ने बनवाया है। जो सांची का स्तूप है उसको हम जरूर क्लेम करते हैं कि अशोक ने बनवाया, अशोक ने खुद ने बनवाया है या उसकी पत्नी ने बनवाया है, बट ये अशोक के समय पे बने। तो रीवा के अंदर आपको लोकेटेड है देउर कोठार का स्तूप। अगला स्तूप है मध्य प्रदेश का भरहूत का स्तूप। देखो ये स्तूप जो है ना, ये नाम के लिए स्तूप है। इस स्तूप के रेलिक्स हमको अभी के टाइम पर, या इस स्तूप के जो अवशेष हैं वो अवशेष हमको आज के टाइम पर आपको मिलते हैं, थोड़े बहुत अवशेष मिलते हैं, और इस स्तूप को रिक्रिएट करके फिर से इसका निर्माण करके आपके जो विक्टोरिया म्यूजियम है कलकत्ता में, उस विक्टोरिया म्यूजियम में जाके उसको बनाया, तो इसका एक रेप्लिका बनाया गया, और उस रेप्लिको को जो वहां पे जो स्तूपा है या वहां पर जो भरूत स्तूप है उसका रेप्लिका बनाया गया। तो एक्चुअल में लोकेटेड था नागोद सत्ता में, है ना, और 1873 में इसको मेजर कनिंगम के द्वारा आपको सर्च किया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इतने ही स्तूप है भाई, और कितने स्तूप पढ़ोगे। तो ये तमाम स्तूपा हुए मध्य प्रदेश के। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन चौधरी, वेलकम टू अन एकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए आ गया है एक नया वीडियो, एमपीपीएससी टीएटी और टीएटी का पार्ट नंबर 10। काफी दिनों से आप लोग मध्य प्रदेश के फोर्ट के संबंध में एक वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के फोर्ट की एक पूरी लिस्ट, पूरी इन्फॉर्मेशन, साथ ही बहुत सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग फोर्ट्स के बारे में आपको देखने वाले हैं। ठीक है, देखो फोर्ट और पैलेस में अलग अलग पढ़ाऊंगा, कई सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जिनके अंदर
पैलेसेस यहाँ पर आपको बने हैं, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड द फोर्ट और पैलेसेस को प्रॉपर तरीके से हम लोग डिवाइड करने वाले। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के फोर्ट में, क्योंकि उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, तो इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर जो फोर्ट्स हैं उन फोर्ट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सागर जिले के अंदर पड़ने वाले जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं इनके बारे में। सागर जिले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण फोर्ट है वो है आपका धमोनी का फोर्ट, और धमोनी का फोर्ट लोकेटेड है शाजापुर के सॉरी सागर जिले के अंदर, और इसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी धमोनी के फोर्ट के अंदर। स्पेशली इस किले को एक बार 1672 में राजा आपके जो छत्रसाल थे उन्होंने अपने कंट्रोल में यहाँ पर आपको ले लिया था, और उसके साथ में 30,000 रुपया 10-30,000 रुपीज उन्होंने मुगलों से वसूल किया, तब जाके ये किला मुगलों को वहां पर आपको वापस किया था। खैर बाद में मुगलों ने उसको वापस कैप्चर कर लिया, और फिर से राजा छत्रसाल ने हमला करके इसको फिर से रिकैप्चर किया। कई बार इस एरिया के लिए इस फोर्ट के लिए कई बार यहाँ पे युद्ध हुआ, और धमोनी एक तरह से देखा जाए तो मुगलों के टाइम पर मुगल जो एरिया था या मुगल का जो मध्य प्रदेश में क्षेत्र था इसमें काफी काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हुआ करता था। अगला जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है आपके आपके सागर जिले के अंदर वो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, उसका नाम है इट्स कॉल्ड द गोरजमार करके एक फोर्ट आपको लोकेटेड है, और जो गोरजमार फोर्ट आपको है ये लोकेटेड है सागर के देवरी नाम की जगह पे, और माना जाता है कि गोंड राजा जो संग्राम शाह थे उन संग्राम शाह के जो 52 जो किले थे या 52 उनके जो गढ़ हुआ करते थे उन 52 गढ़ में से एक गढ़ जो है वो आपका गोरजमार करके हुआ करता था, और इसको हम लोग उजरगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो फोर्ट है आपका उस फोर्ट का नाम है इट इज कॉल्ड द देवरी का फोर्ट या उसको देवरी का किला आपको कहा जाता है। अब देखो देवरी का जो फोर्ट है ये छोटा सा आपको किला है, और यहाँ पर भी आपका जो गोरजमार के जो राजा हुआ करते थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इसका निर्माण चंदेल कालीन किसी राजा ने आपको किया होगा, लेकिन बाद में जब गोंड राजाओं का शासन हुआ तो गोंड राजाओं ने इस किले को अपने कंट्रोल में अपने नियंत्रण में आपको ले लिया। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश में सागर जिले में उसका नाम है खिमलासा फोर्ट, और खिमलासा जो फोर्ट है ये भी सागर जिले में लोकेटेड है, और इसके निर्माण को लेकर कोई बहुत ज्यादा जानकारी तो हमको नहीं मिलती है, लेकिन इसके पास में खिमलासा करके शहर भी लोकेटेड है, और इस किले को या इस शहर को पहले के समय पे शमुल्लास नाम से शमुल्लास नाम से आपको जाना जाता था, और जहां तक है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किसी मुस्लिम अटैकर्स ने या किसी मुस्लिम कोई राजा वगैरह है उसने इसका निर्माण किया था, तो बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में हमको नहीं मिलती कि इसका निर्माण आपको एक्चुअली यहाँ पर आपको किसने करवाया था। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है आपका सागर जिले के अंदर ही, और यह है गढ़पहरा का किला। अब इसको पुराना सागर का किला भी कहा जाता है कि काफी पुराना एरिया है सागर का, तो ओल्ड सागर वाला एरिया भी कहा जाता है, और यहाँ पर एक समय पे जो डांगी राज्य है उस डांगी राज्य की कैपिटल हुआ करती थी, आगे जाके राजा संग्राम शाह जो है उन्होंने कैप्चर करके इसको कंट्रोल किया, और इसी के साथ में यहाँ पर आगे जाके जो डांगी राजा थे उनके बाद दिघी राजाओं का शासन आपको हुआ, और उन दिघी राजाओं ने इस किले का नाम चेंज करके आपको शीश महल के नाम से इस किले को जाना गया, तो जो गढ़पहरा का जो किला है इसको शीश महल के नाम से भी आपको जाना जाता है। अगला जो मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट किला है वो है राहतगढ़ का किला। राहतगढ़ का फोर्ट मध्य प्रदेश के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट किला आपको माना जाता है। खैर देखो इसके निर्माण को लेके कई सारी कहानियां हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण किया था आपके परमार राजा जयवर्मन सेकंड ने 1256 के 1256 के आसपास इस किले का यहाँ पर आपको निर्माण हुआ, और इसके पहले यहाँ पर एक छोटी सी गढ़ी थी जो चंदेलों ने यहाँ पर बनाई थी। साथ ही आगे जाके जब मुगल साम्राज्य हुआ या जब आपका मुगल कंट्रोल यहाँ पर आपको हुआ तो मुगल के टाइम पर भी ये किला मुगलों के पास आया। मुगलों के पहले अगर आप देखा जाए तो मुगलों के पहले अगर आप देखें तो मुगलों के पहले भी इस किले के राहतगढ़ का जो किला था वो एक तरीके से जो संग्राम शाह था उनके कंट्रोल में यहाँ पर आपको रहा, और उसके अलावा जब 1857 का 1857 की जब रिवोल्ट हुई तो 57 की रिवोल्ट के टाइम पर आपके रायसेन वाला जो रीजन था उस रायसेन वाले रीजन से दो इंपॉर्टेंट जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दो रिवोल्यूशनरी थे फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान इन लोगों ने रायसेन के अंदर एक जगह है गढ़ा अंबाबारी जब वहां पर उन्होंने रिवोल्ट किया विद्रोह किया तो वहां से भाग के ये रायसेन आपको आ जाते हैं या सॉरी राहतगढ़ के किले में आ जाते हैं और यहाँ पर वो लंबे समय तक आपको रहे। तो ये किला 57 के बैटल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट या काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो किला है मध्य प्रदेश के अंदर वो आपके मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर या जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है रीवा डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं रीवा जिले के किलों के बारे में, तो तमाम सागर के किलों के बारे में हमने बात कर ली। रीवा जिले के अंदर तीन चार इंपॉर्टेंट किले आपको मिल जाएंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो किला है उसका नाम है केवटी दुर्ग या केवटी का फोर्ट आपको कहा जाता है। अब देखो इस किले का निर्माण भी जब चंद यहाँ पर जो बघेल राजाओं का जब
शासन था, तो उस समय पे महाना रिवर के किनारे इसका निर्माण यहाँ पे किया, और इसका निर्माण माना जाता है कि बघेल राजा जो सालिवाहन थे, सालिवाहन ने इसका निर्माण किया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट किला माना जाता है जिसको केवटी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो किला है रीवा का, वो है रीवा का किला, या रीवा का सिर्फ सिंपली उसको फोर्ट कहा जाता है, द मेन फोर्ट ऑफ रीवा। अब देखो रीवा का जो मेन फोर्ट है, इसका निर्माण अगर देखा जाए तो इसके पीछे दो तीन अलग अलग, थोड़ा इतिहास में आपको पीछे जाना पड़ेगा। इस एरिया के ऊपर जब शासन हुआ आपके, जब मुगलों ने यहाँ पर आपको कैप्चर किया, मुगलों ने कंट्रोल किया, मुगलों के पहले इस एरिया के अंदर आपके जो शेरशाह सूरी है उनका शासन हुआ करता था, और शेरशाह सूरी के डेथ के बाद उसका जो बेटा है इस्लाम शाह सूरी, उसने जब इस एरिया के ऊपर आपको कैप्चर किया, तो उस समय पे उसका जो बड़ा बेटा था, शेरशाह सूरी का बड़ा बेटा, उसका नाम था जलाल खान, उसने यहाँ पर एक नारों की गढ़ी करके गढ़ी का निर्माण किया था। गढ़ी मतलब छोटा फोर्ट होता, छोटा बेस्टियन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो वॉच टावर के रूप में या एक तरीके से इस तरीके से आपको उपयोग किया जाता है। तो एक वॉच टावर उन्होंने यहाँ पर आपको बिल्ड किया। अब ये जो वॉच टावर यहाँ पर आपको बिल्ड किया, तो इसी किले के ऊपर आगे जाके जो आपके रीवा के जो राजा हुए विक्रमजीत सिंह, तो उन्होंने जाके बघेल राजा विक्रमजीत सिंह, इन्होंने यहाँ पे आके रीवा के किले का निर्माण किया। अब देखो इनका मेन जो किला था वो बांधवगढ़ का किला था, लेकिन बांधवगढ़ का किला जब अकबर ने जीता, और अकबर के बाद जब उस किले के ऊपर आपके शाहजहां ने जब उनको रिटर्न नहीं किया, तो इन दैट केस ये जो किला है ये रीवा के अंदर आपको किला के निर्माण आपको करते हैं। और इस तरीके से जो रीवा का किला है, उस रीवा के किले का जो निर्माण है, वो रीवा के किले का निर्माण किया जाता। तो रीवा के किले के निर्माण की जो स्टोरी है, इस स्टोरी को याद रखिएगा। इसके साथ में यहाँ पर एक कृष्णा सागर करके एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी लोकेटेड है, बहुत सुंदर सा एक तालाब जो है वो तालाब इसके अंदर बना हुआ है। अगला रीवा का जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, उस किले का, उस फोर्ट का नाम है, इट कॉल्ड द गोविंदगढ़ फोर्ट या गोविंदगढ़ का किला। अब देखो गोविंदगढ़ का किला जो है, एक तरीके से रीवा के जो राजा थे उनके समर पैलेस के रूप में, या उनका जो गर्मी के अंदर जो समर पैलेस जिसको आप समझते होंगे कि गर्मी के अंदर इंपॉर्टेंट किले के रूप में यहाँ पर आपको हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर रह के थोड़ा आराम वगैरह करते थे। और ये इसका निर्माण किया है रीवा के जो राजा थे रघुराज सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि वो लोग यहाँ पे आके थोड़ा आराम करना चाहते थे, और उसी समय पे रीवा के राजा जो रघुराज सिंह है, उन्होंने गोविंदगढ़ किले के आसपास, जो गोविंदगढ़ और आसपास यहाँ पर आपको जो गोविंदगढ़ लेक है, उस लेक के आसपास के रीजन में उन्होंने यहाँ पर जो सुंदरजा मैंगो है, उन मैंगोज को यहाँ पर लगाया, और बाद में जाके वही मैंगो अभी रिसेंटली 2023 में मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग है, वो जीआई टैग आपको बने। तो रीवा के अंदर केवटी केवटी का किला, रीवा का किला, और उसके बाद गोविंदगढ़ का किला, ये तीन इंपॉर्टेंट जो किले हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट किले यहाँ पर आपको याद रखना। अब हम चलते हैं आपके रीवा से निकल के मध्य प्रदेश के दूसरे जिले में, और अब हम लोग यहाँ पर आपको बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर निवाड़ी जिले के अंदर। अब देखो निवाड़ी जिले में जो इंपॉर्टेंट किला है, वो किला है आपका ओरछा का किला, ओरछा का फोर्ट। ओरछा का फोर्ट का भी अपना जो इतिहास है वो काफी पुराना इतिहास आपको माना जाता है, और इसका निर्माण ओरछा के जो बुंदेल राजा थे, उन बुंदेल राजाओं के द्वारा ओरछा का जो किला है इसका निर्माण किया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स बनी, एक बड़ा सा फोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर राजा महल और शीश महल, जहांगीर महल, और आपके राजा मंदिर पैलेस वगैरह, ऐसे कई सारी चीजें, जहांगीर महल, सावन भादो महल, ऐसे कई सारे अलग अलग जो महल है वो आपको निवाड़ी के किले के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इसका थोड़ा इतिहास में अगर मैं यहाँ पर आपको जाऊँ, इस किले के इतिहास के अंदर आपको जाऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जब बांधवगढ़ की जो स्टेप, या आपके जब रीवा का, सॉरी आपके जब ओरछा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ओरछा के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर ओरछा के राजा जो हैं उन्होंने इसका निर्माण आपको किया। फिर बाद में वीर सिंह देव जो हैं उन्होंने बाद में जाके यहाँ पे जहांगीर महल का निर्माण किया। ठीक है, तो ये बात हुई ओरछा के फोर्ट के बारे में। ओरछा एक अलग से टॉपिक के रूप में, ओरछा, खजुराहो, चंदेरी, चित्रकूट, तमाम अलग अलग टॉपिक्स में आपको एक अलग अलग वीडियोज में जरूर पढ़ाने वाला हूँ। चलिए अगला जो हमारा जिला है वो है भिंड जिला, और भिंड जिले के अंदर दो इंपॉर्टेंट किले हैं, एक है आपका अटेर का किला और दूसरा किला है आपका गोहद का किला। तो देखो अटेर का जो किला है ये आपका देवगिरी करके एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर आपको बना हुआ है, और इसका निर्माण जो है यहाँ के जो भदौरिया राजा थे उन भदौरिया राजाओं ने किया। और भदौरिया राजाओं में आप देखोगे कि उनका नाम है बदन सिंह, महा सिंह और बखत सिंह, ये तीन इंपॉर्टेंट राजा थे। इन राजाओं ने मिलकर जो अटेर का किला है, इस अटेर के किले का निर्माण किया। साथ ही इस किले के, अटेर के किले के साथ में यहाँ पर एक खूनी दरवाजा भी यहाँ पर आपको है, जिसमें माना जाता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की
को हत्या करने के बाद, उसको किल करने के बाद, इस किले के साथ में यहाँ पर आपको उसको लटका दिया जाता। तो उसके लिए स्पेशली जो ये किला है, ये किला यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है गोहद का किला। अब देखो गोहद का किला जो है ना हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक महल बना हुआ है, उसको बोलते हैं नवीन महल, जो वन ऑफ द न्यूएस्ट बिल्डिंग इसमें आपको कहा जाता है। उसके बाद जो ग्वालियर के राजा थे उनके लिए ग्वालियर का किला और गोहद का किला बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब वो ब्रिटिशर से लड़ रहे थे ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, उस समय उनसे ग्वालियर और गोहद का किला जो है वो वापस ले लिया गया। और उसके बाद ये किला उनको वापस मिलता है जब वो अंग्रेजों के साथ में जाके ट्रीटी ऑफ जो ग्वालियर है उस ट्रीटी ऑफ ग्वालियर को साइन करते हैं, और उस ग्वालियर की ट्रीटी को साइन करने के बाद ये किला उनको वापस मिलता है। तो गोहद का किला जो है वो भी आपके भिंड के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है आपके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंदर, और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंदर जो इंपॉर्टेंट किला है वो किला है, इट इज कॉल्ड द उसको उस किले को जो नाम है इट्स कॉल्ड द देवगढ़ के किले के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अब देखो देवगढ़ का जो किले की हम लोग बात करें तो देवगढ़ एक जाटव करके राजा थे, गोंड राजा थे, उन्होंने निर्माण किया था। अब देखो ये जो स्टेट है ना, जब गोंडवाना जो स्टेट था या गढ़ा मंडला स्टेट था, तो गढ़ा मंडला स्टेट जब कमजोर हुआ, जो वीक हुआ, और गढ़ा मंडला जो स्टेट है उसके वीक या उसके कमजोर होने के बाद देवगढ़ स्टेट यहाँ पर आपको आता है। और देवगढ़ स्टेट के अंदर स्पेशली उन्होंने इस किले का निर्माण किया। इस किले के अंदर एक मोटी टाका करके एक इंपॉर्टेंट जो टैंक है वो टैंक में मिलता है, एक तरीके से एक पॉन्ड है, वो पॉन्ड इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो छिंदवाड़ा के अंदर लोकेटेड है आपका देवगढ़ का किला। अब हम चलते हैं छिंदवाड़ा से निकल के मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर, और मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर लोकेटेड है वन ऑफ द फेमस फोर्ट, इज कॉल्ड द खेरला फोर्ट, खेरला का किला। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो स्टेट था ना खेरला स्टेट, तो खेरला स्टेट आपको हुआ करता था, और खेरला स्टेट के जो राजा हैं या ये स्टेट है इसके ऊपर मुगल से लेके तो सिंधियाज हो गए या मराठास दूसरे हो गए, इन सब लोगों का लगातार आपको अटैक हुआ। तो इसका निर्माण किया यहाँ के जो लोकल राजा थे नारायण सिंह ने, जो एक गोंड राजा माने जाते थे। और शुरू के अंदर भी ये जो राजा संग्राम शाह के जो 52 फोर्ट थे उन 52 फोर्ट में से आपको एक था। बाद में जब मुगलों ने इसके ऊपर कैप्चर किया तो इसका नाम चेंज करके महमूदाबाद नाम कर दिया। तो खेरला का जो किला है वो लंबे समय तक आपके महमूदाबाद के किले के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश का, बैतूल से सीधे हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंदर, और बड़वानी जिले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट या एक इंपॉर्टेंट आपको किला है, जैसे खैर ये छोटा सा किला है तो ज्यादा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन इट इज कॉल्ड द सेंधवा के किले के नाम से इसको यहाँ पर आपको जाना जाता है। सेंधवा का किला लोकेटेड है मध्य प्रदेश के, जैसे आपको दिख रहा है कि बड़वानी जिले के अंदर, और इसका निर्माण भी माना जाता है कि यहाँ पे जो आपके परमार राजा थे तो उन परमार राजाओं ने इसका निर्माण किया था, इसको बिल्ड किया था। और ज्यादा चीजें इसके बारे में आपको सिंधवा के किले के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती, ये बस बेसिक जानकारी हमको मिलती है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो हरदा का आपको किला है, और हरदा के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट है उसका नाम है मकड़ी का किला। अब देखो मकड़ी करके एक गोंड स्टेट यहाँ पे हुआ करता है, जैसे खेरला स्टेट मैंने बताया उसी तरीके से यहाँ पर जो मकड़ी स्टेट है तो मकड़ी करके एक स्टेट हुआ करता था, और उस मकड़ी स्टेट का एक इंपॉर्टेंट जो किला है उसको मकड़ई का किला कहा जाता था। तो ये किला भी अगर देखा जाए तो ये एरिया देखा जाए तो जो राजा संग्राम शाह थे उन्हीं से अलग होके ये एरिया बना था। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे उनको राजा संग्राम शाह ने इनाम के रूप में इस किले को आपको दिया, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंदर। और इसमें भी जो मकरंद करके एक राजा हुआ करते थे, मकरंद करके राजा, उन्होंने इसका निर्माण किया। अगला जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है वो फोर्ट लोकेटेड है मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंदर, और ये फोर्ट जो है वो है जोग फोर्ट। अब देखो अब ये मत बोलना सर कि देवास का जो ये जोग का जो किला है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंदर, बिल्कुल ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले में ही लोकेटेड है, लेकिन एक्चुअली ये बॉर्डर के ऊपर बना है ना, देवास और हरदा की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे आपको बना हुआ। तो एक्चुअल जो फोर्ट का जो पूरा रीजन है ये आता है मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव तहसील में, और वहां पर भी बाई जोग बाड़ा करके एक गांव है, उस गांव में मेन लोकेशन आती है। उसके बाद बाकी जो एरिया है वो एरिया आपको हरदा के अंदर आपको मिल जाएगा। तो एक तरीके से दोनों स्टेट की जो बॉर्डर है उन बॉर्डर पे आपको मिलेगा, तो इसलिए आपको कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये कहां पर आपको लोकेटेड है। और इसको बनाने वाले जो लोग थे भोगा और जोगा, दो इंपॉर्टेंट इनके भाई हुआ करते थे, और इन भाइयों ने मिलकर इस किले का यहाँ पर आपको निर्माण किया। ठीक है, तो देवास के अंदर लोकेटेड है जोग फोर्ट, याद रखना ये हरदा और देवास की बॉर्डर पे लोकेटेड है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश में वो है कटनी के अंदर, और कटनी के अंदर किला है उसका नाम है विजय राघोगढ़ का किला। अब देखो विजय राघोगढ़ का जो किला है ना ये स्पेशली आपके 1857 का
जो बैटल था उस बैटल के टाइम पर आपको काफी इंपॉर्टेंट है। उस बैटल के समय पे यहाँ के जो राजा हुआ करते थे ठाकुर जो प्रयागदास, तो उन्होंने इस किले का निर्माण आपको किया, इसका फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया, और बाद में जाके यहाँ पर इस किले के अंदर जो विजय राघोगढ़ के जो राजा थे, जो राजकुमार थे सरजू प्रसाद, उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल आपको लड़ा, और उस बैटल के अंदर वो विजय यहाँ पर आपको हुए। तो वो उस किले के ऊपर फिर बाद में जाके ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आपको हमला किया, और उस हमले के कारण ब्रिटिशर्स जो है वो उनको काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश में वो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के अंदर। अब देखो नरसिंहपुर जिले में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट या किला आपको मिलेगा उस किले का नाम है चौरागढ़ का किला। अब ये अगर हम लोग गोंड स्टेट का इतिहास आपको देखें तो गोंड स्टेट के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट किला माना जाता है, क्योंकि इस किले को एक समय पे जो रानी दुर्गावती हैं उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस बनाया था। जब आपके असफ खान का जब हमला आपको हुआ तो समय पे उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेशन आपको यहाँ पर, या एक ऐसे स्टेशन के रूप में एक बोल सकते हैं अपने किले के रूप में इसको स्टैब्लिश आपको किया। और उसके बाद आगे जाके जब जहाँ जो आपकी रानी दुर्गावती हैं वो जब असफ खान के साथ, या अकबर का जो सेनापति था असफ खान उसके साथ जब युद्ध में आपको हार गई, और उसके बाद उनकी वहीं पर बैटल ग्राउंड में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनका जो बेटा है वीर नारायण वो इस किले के अंदर आके आपको शरण लेता है, क्योंकि उन्हीं का किला था। और उसके बाद जो मुगल सूबेदार या मुगल अधिकारी है असफ खान, ये इस किले पे आके हमला करता है, और हमला करके इस किले को अपने कंट्रोल में आपको ले लेता है। और साथ ही यहाँ पे रानी दुर्गावती की बहन कमलापति और भी कई सारी महिलाओं को यहाँ पर आपको जोहर करना पड़ा। कमलापति वैसे यहाँ से जीवित बच गई। कहा जाता है इस किले के अंदर बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा जो पैसा वगैरह है वो उसके अंदर आपको लोकेटेड है। और उसके बाद मुगल राजा जो अकबर थे, इन्होंने जाके जब प्रेम नारायण जो स्पेशली उन्होंने राजा जो चंद्रशाह है उनके साथ जब संधि की, तो उसके बाद ये जो पूरा किला है ये कुछ समय तक मुगलों के कैप्चर में आपको रहा, आगे जाके अंग्रेजों के नियंत्रण में यहाँ पर रहा, और एक मुगल समय पे इसको संग्राम शाह जो है माना जाता है कि उनके आसपास के पीरियड में इसको बनाया गया था, तो संग्राम शाह के पीरियड के अंदर इसका निर्माण आपको किया, तो ये भी याद रखेगा। अगला जो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट किला है, या आपके जो यहीं पर जो इम्पोर्टेंट किला है नरसिंहगढ़ के अंदर, उस नाम किले का नाम है जीरन का किला। अब देखो जीरन का जो किला है, या जीरन की गढ़ी आप यहाँ पर आपको बोल सकते हो। अब इसको किले की जगह हम लोग गढ़ी अगर बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। गढ़ी मतलब थोड़ा छोटा वाला फोर्ट हो गया, थोड़ा छोटा वाला एरिया आपको हो गया। अब यहाँ पर कई सारी जो कैल्कोलिथिक साइट्स हैं वो कैल्कोलिथिक साइट्स हमको मिल जाएंगी, कई पुरापाषाण काल की साइट्स आपको मिल जाएंगी। और उसी के साथ में इस किले के अंदर लाल शाह नाम का जो राजा था उसको 1813 में उन्होंने अपनी स्थापना यहाँ पे, और उसकी जो कब्र है वो भी इसी के अंदर यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश है। उसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के समय पे जो शहजादा फिरोज थे, जो मुगल राजा जो बहादुर शाह जफर सेकंड जो है उनके बड़े उनके पोते या उनके नाती हुआ करते थे, तो उन्होंने उस समय पे इस जीरन के किले पे हमला किया, और जीरन के किले पे हमला करके जीरन के किले को अपने कंट्रोल में या अपने नियंत्रण में यहाँ पर आपको ले लिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो किले हैं ये लोकेटेड है नरसिंहपुर के अंदर, चौरागढ़ का किला और उसके अलावा जीरन का किला। चलिए यहां से निकल के चलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मंदसौर जिले में, और मंदसौर जिले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट है ना वो है मंदसौर का किला या मंदसौर का फोर्ट। अब देखो मंदसौर के फोर्ट को लेके आपने कई सारी अलग अलग स्टोरी सुनी होगी कि ये इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण किसने किया, किसने आपको कंस्ट्रक्शन किया। तो देखो मंदसौर के किले को अगर देखा जाए तो इसका एक और नाम है दशपुर का किला, और इसको माना जाता है कि होशंगशाह जो गौरी हैं उन्होंने निर्माण किया था, और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मंदसौर का किला, शाहजहांपुर का किला, ये तमाम किले जो है ये इसलिए बनाए गए कि कहीं से अगर राजपूताना से अगर अटैक होता है तो उस अटैक से अपने स्टेट को यहाँ पर आपको रोका जाए, उसको यहाँ पर आपको बचाया जाए। तो इसके लिए होशंगशाह गौरी जो है उन्होंने मंदसौर का जो किला है इस फोर्ट का आपको निर्माण किया। आगे जाके उन्होंने राणा सांगा जो है आगे जाके, क्योंकि वो हमला जो उनको लगता था कि होगा और वो हमला हुआ, और हमले के बाद राणा सांगा ने उसको ऑक्यूपाई किया, और उसके बाद अशोक मल राजपूत नाम के एक जो व्यक्ति थे उनको इस किले का सूबेदार अपॉइंट किया। आगे जाके जब शेरशाह सूरी ने उसको कैप्चर आपको किया तो शेरशाह सूरी ने सदर खान नाम का एक अपना अधिकारी है उसको इस किले के अंदर यहाँ पर आपको स्टैब्लिश किया, एज ए अधिकारी के रूप में स्थापित किया। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है आपका हिंगलाजगढ़ का किला। अब देखो हिंगलाजगढ़ का जो किला है ना इसको लेके
ये बताना कि ये किला कब बना, कैसे बना, इसके बारे में ज्यादा जो जानकारी है वो ज्यादा जानकारी तो हमारे पास आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब रिसर्च किया गया इस किले के अंदर, यहाँ पर जो स्टडी वगैरह की गई, तो इसके अंदर हमको पता चला कि यहाँ पे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट आपको मूर्तियां यहाँ पे मिलती हैं जो माना जाता है कि आपके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द परमार उस समय आपको हुआ, कुछ यहाँ पर मौर्य कालीन भी सबूत मिलते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो हिंगलाजगढ़ का जो किला है, हिंगलाज माता का मंदिर यहाँ पर है, ये हिंगलाज माता परमार, जो आपके परमार राजा और उनके साथ में जो मौर्य थी, उनकी एक तरीके से देवी हुआ करती थी, उनकी आप बोल सकते हैं कि उनकी जो इष्ट माता है, इष्ट माता हुआ करती थी। चार इंपॉर्टेंट अलग अलग दरवाजे बने हैं, उसके बाद हिंगलाजगढ़ की जो यहाँ के जो स्कल्पचर है, यहाँ की स्कल्पचर को अलग से हिंगलाजगढ़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, एक अलग तरह का आर्किटेक्चर। और साथ में यहाँ पर पैलियोलिथिक और कैल्कोलिथिक पीरियड के तमाम जो सबूत हैं वो सबूत भी हमको मिल जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है आपके मध्य प्रदेश के सिवनी का किला, और सिवनी के अंदर जो इंपॉर्टेंट किला है ना, ज्यादा किले तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट किला यहाँ पे बना हुआ है, उसका नाम है अदेगांव का किला। देखो अदेगांव का किला जो है, एक छोटा सा किला बना हुआ है सिवनी के अंदर, और 18 सेंचुरी के आसपास इस किले को छोटा सा एक जो फोर्ट्रेस है वो स्टैब्लिश किया गया बाय द राघोजी भोसले के द्वारा। तो राघोजी भोसले ने इसकी स्थापना आपको की। ओके, उसके बाद अगला जो किला है वो आपके मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंदर आपको आ जाओ, तो श्योपुर जिले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो किला मिलेगा, फोर्ट आपको मिलेगा, उस फोर्ट का नाम है बड़ौदा का किला, है ना, एक बड़ौदा अलग है, ये बड़ौदा, तो बड़ौदा का फोर्ट आपको मिलेगा, बड़ौदा का किला मिलेगा। अभी जो बड़ौदा का जो फोर्ट है, ये इस एरिया के अंदर जो भी, इस एरिया में जो अटैक्स वगैरह होते थे तो उनसे बचाने के लिए इस किले का जो निर्माण है, इस किले का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक राजा हुआ करते हैं, उनका नाम था दूची राजो, तो दूची राजो नाम के एक जो राजा थे उन्होंने इस किले का निर्माण किया। इसके अलावा इसके अंदर शीश महल, हवा महल, शंकर महल, ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स आपको बड़ौदा के किले के अंदर आपको मिल जाएगी। उसी तरीके आपके अशोकपुर के अंदर अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है मानपुर का किला, और इसका निर्माण किया था राजा मानसिंह ने, जो यहाँ के ऑब्वियसली बात लोकल आपको राजा हुआ करते थे, उन्होंने निर्माण किया। और आगे जाके फिर दौलत राव जो सिंधिया है उन्होंने जाके इस किले को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है श्योपुर का किला, और श्योपुर के किले का निर्माण भी राजा मानसिंह ने किया था, जो एक गौंड राजा हुआ करते थे। और ये किला लोकेटेड है सीप नदी के किनारे। कई बार व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया फलाना किला ये किस नदी के किनारे, तो श्योपुर का जो किला है ये लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश में, आपके सीप नदी के किनारे। तो ये भी किला जो आपके श्योपुर के जो राजा थे, राजा मानसिंह या गौंड राजा थे मानसिंह, उन्होंने इस किले का यहाँ पर निर्माण किया। यहां से हम लोग आ जाते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर में, और सीहोर का जो इंपॉर्टेंट किला है, सीहोर के अंदर एक इंपॉर्टेंट किला है, उस किले को कहा जाता है गिन्नौरगढ़ का किला। अब देखो ये जो किला है ना, ये एस्टैब्लिश किया था आपके जो गोंड राजा यहाँ पर आपको हुआ करते थे, तो उन गोंड राजाओं ने इसका निर्माण किया। स्पेशली जो यहाँ पर जो नाम आता है, रानी जो कमलापति है, राणा कमलापति का नाम आता है कि कमलापति के समय पे उनके जो पति है निजाम शाह, उन्होंने इस किले का निर्माण किया। खैर अभी तो खंडर हो चुका है, लेकिन इस किले के ऊपर बाद में जो दोस्त मोहम्मद खान है उसने भी आपको हमला करके इस किले को यहाँ पर आपको कंट्रोल कर लिया। तो निजाम शाह के बाद द्वारा बनाया गया काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको किला है। ओके, उसके बाद ये तो बात हुई सीहोर की। सीहोर के अलावा मध्य प्रदेश के गुना के अंदर एक किला है, और उस किले को कहा जाता है जागरून का किला, या इसको आपका जो बजरंग किला है तो बजरंग फोर्ट के नाम से भी आपको जाना जाता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो यहाँ के जो लोकल जो राजा थे, उन लोकल राजाओं ने, खिची राजा जो थे, उन्होंने इसका निर्माण यहाँ पर आपको किया। और बाद में जाके ये जो पूरा रीजन है, ये चंदेरी जो जो सरकार हुआ करता था मुगलों के समय पे, अकबर का जो चंदेरी सरकार था, उस चंदेरी सरकार का पार्ट बन गया। आगे जाके जब चंदेरी पे हमला हुआ, तो उसी समय पे जो मुगल जो आपके सिंधिया अधिकारी थे, उनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट, तो उन्होंने इस किले पे हमला करके इस किले को यहाँ पर आपको कैप्चर कर लिया, और बाद में ये किला जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको नष्ट हो गया। तो उसको बजरंगगढ़ या उसको जारखून का किला, दोनों नामों से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंदर आपको लोकेटेड है, और पन्ना के अंदर जो किला है उसको कहा जाता है अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का फोर्ट। तो ये देखो यहाँ पर ज्यादा फोर्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि अजयगढ़ एक समय पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेट है, या अजयगढ़ स्टेट के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो चंदेल राजा थे, राजा अजयपाल, उन्होंने इसका निर्माण किया। आगे जाके फिर पन्ना के आसपास का रीजन जो है, इस एरिया को जब
आपके बुंदेला राजाओं ने जीता, तो बुंदेला राजाओं ने भी इसको अपने कंट्रोल में या अपने नियंत्रण में यहाँ पर आपको ले लिया। तो पन्ना के अंदर आपको लोकेटेड है अजयगढ़ का किला। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है शाजापुर का किला। अब देखो शाजापुर भी अगर देखा जाए ना तो राज्य आपकी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है इनकी बॉर्डर पे आपको लोकेटेड है, तो बॉर्डर पे लोकेटेड होने के कारण यहाँ पे कई सारे जो बड़े किले बनाए गए ताकि उधर से होने वाला जो अटैक है वो अटैक या राजपुताना से होने वाला जो अटैक है उस अटैक से अपने स्टेट को या अपने जो राज्य है उस राज्य को यहाँ पर आपको बचाया जा सके। तो इसके लिए शाहजहापुर का जो फोर्ट है इस फोर्ट का निर्माण किया, और इस फोर्ट का जो निर्माण है माना जाता है कि आपके जो होशंगशाह गौरी है, होशंगशाह गौरी ने ही इस किले का निर्माण यहाँ पर आपको किया था, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द चिल्लर रिवर। उसके बाद में जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो राणोजी सिंधिया थे, उन्होंने फिर से आके इस किले का पुनर्निर्माण आपको किया। अगले जो किला है वो है आपके शिवपुरी का किला, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अगर आप देखोगे तो दो तीन इंपॉर्टेंट किले बने हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो किला है वो नरवर का किला माना जाता है। अब देखो नरवर का किला जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन किसने किया वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारी चीजें आपको आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी हमको नरवर के बारे में नहीं मिलती है। तो माना जाता है कि यहाँ के जो कछवाहा राजा थे, उन कछवाहा राजा जो है उन्होंने नरवर के किले का यहाँ पर आपको निर्माण किया, और उसके बाद में इस किले को आसपास के रीजन के अंदर आसपास के जो रूलर्स वगैरह थे उन्होंने लंबे समय तक नरवर के किले को यहाँ पर आपको कंट्रोल किया। ओके, उसका नरवर के किले के बाद यहाँ का जो इम्पोर्टेंट किला है उसका नाम है पोहरी का फोर्ट, पोहरी का किला। देखो शिवपुरी के पास में एक जगह है, उस जगह का नाम है पोहरी, और यहाँ पर एक छोटा सा पोहरी स्टेट हुआ करता था, और इसी पोहरी स्टेट में यहाँ के जो लोकल राजा थे उन्होंने पोहरी के जो किला है इस किले का यहाँ पर आपको निर्माण किया। इस किले को खंडेराव के किले के नाम से भी जाना जाता है, और ये थोड़ा सा एक भूतिया किला है, माना जाता है कि यहाँ पे भूत वगैरह आते हैं, और इंडिया के जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनमें से एक यहाँ पे माना जाता है। तो इसमें जो कछवाहा रूलर थे यहाँ के लोकल उन्होंने इसका निर्माण किया, फिर बाद में जो सिंधिया राजा थे, सिंधिया जो थे उन्होंने सरदार सिथोले नाम के एक अधिकारी हुआ करते थे उनके, तो उनको ये किला यहाँ पर सरदार सिथोले को दिया, और उसके बाद सरदार सिथोले जो है उन्होंने इस किले को पूरी तरीके से आपको कंट्रोल किया। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है ग्वालियर का किला, मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण किला। अब देखो ग्वालियर के अंदर जो ग्वालियर का फोर्ट है, ग्वालियर का जो किला है, इसकी अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए ना तो एग्जैक्टली कि ये किला किसने बनाया, तो कहीं 6ठी शताब्दी कहीं 8वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन हाँ ये जरूर तय है कि सूरज सेन नाम के जो राजा थे उन राजा ने इस ग्वालियर के किले का निर्माण किया। ये बहुत बड़ा फोर्ट कॉम्प्लेक्स आपको है जिसमें कई सारी तमाम बिल्डिंग्स आपको है, एक अलग से वीडियो में सिर्फ ग्वालियर फोर्ट के ऊपर बनाऊंगा। यहाँ पे तकरीबन जो 25-30 अलग अलग जो आर्किटेक्चर, अलग अलग जो बिल्डिंग्स बनी है वो तमाम बिल्डिंग्स को हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, तो ये अलग ही लेवल पे इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। अगला जो किला है वो भी आपके ग्वालियर के अंदर ही आपको लोकेटेड है, और इस किले को कहा जाता है मगरोरा का किला। अब ये जो किला है ना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो जो सिंधिया राजा थे उन सिंधिया जो राजा हैं उनके कैप्चर में या उनके कंट्रोल में हुआ करता था, और यहाँ पे राजा हुआ करते राजा हमीर जुदेव। तो राजा हमीर सिंह जुदेव जो है इन्होंने इसका निर्माण किया, फिर बाद में जाके जो पिछोरा के जो राजा थे उन्होंने इस किले को अपने कंट्रोल में लिया। एक तरह से देखा जाए तो आपके जो लोधी हैं, दिल्ली के लोधी हैं, तो दिल्ली के लोधी और ग्वालियर के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से स्ट्रगल के रूप में इस किले को देखा गया। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है आपके रायसेन का किला, और रायसेन में लोकेटेड है रायसेन फोर्ट, रायसेन का किला। अब देखो इस किले के बारे में भी ज्यादा जानकारी तो हमको नहीं है कि इस किले का निर्माण किसने किया, लेकिन माना जाता है कि जो रायसेन का फोर्ट है ये स्पेशली परमार राजाओं के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन या इसका जो निर्माण है वो निर्माण आपको शुरू हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे करके कई सारे अलग अलग जो किंग्स हैं उन्होंने इसके ऊपर आपको कंट्रोल किया या आपके रायसेन के किले पे आपको हमला किया। और अगर देखा जाए ना तो रायसेन का किला तमाम जितने भी उस समय राजा थे उन राजाओं के अटैक के ऊपर आपको रहता था या उनके हमले के ऊपर आप उनका हमला जो है वो लगातार इस किले के अंदर आपको होता रहता था। इसमें अगर देखा जाए तो कई सारे इंपॉर्टेंट राजाओं ने हमला किया, अगर हम लोग बात करें फ्रॉम द इल्तुतमिश से लेके तो आपके ब्रिटिशर्स तक तमाम लोगों ने हमला किया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको हमला हुआ शेरशाह सूरी का, है ना, शेरशाह सूरी ने हमला करके इस किले को कंट्रोल आपको किया, अपने नियंत्रण में यहाँ पर रखा, और यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू जो राजा थे उन हिंदू राजाओं को उसने यहाँ पर आपको किल किया। उसके बाद अकबर, हुमायूं, औरंगजेब तमाम राजाओं के कंट्रोल में आपका रायसेन का किला रहा। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है वो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंदर, और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट फोर्ट मिलेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट फोर्ट आपको मिलेगा, उस फोर्ट का नाम है नरसिंहगढ़ का फोर्ट।
ठीक है, नरसिंहगढ़ का किला। अब देखो नरसिंहगढ़ का जो किला है, यहाँ पे नरसिंहगढ़ स्टेट हुआ करता था और उस स्टेट के अंतर्गत इस किले का जो निर्माण है निर्माण किया, और यहाँ के राजा थे उनका नाम था महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी। तो उन्होंने नरसिंहगढ़ का जो फोर्ट है, इस नरसिंहगढ़ के फोर्ट का निर्माण किया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजगढ़। और आगे जाके फिर जो जो कुंवर चैन सिंह थे, तो कुंवर चैन सिंह भी इस किले में आपको रहे, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के साथ, जैसा आपको पता ही है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल आपको लड़ा, और उस बैटल के अंदर उनकी शहादत हो जाती है। राजगढ़ का दूसरा जो इंपॉर्टेंट किला है वो है खिलचीपुर का किला। अब देखो ये किले का भी जो इतिहास है वो ज्यादा चीजें हमको पता नहीं, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे किले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ये जो किला है ये लोकेटेड है एक गोद गंगा करके नदी यहां से निकलती है, उस नदी के किनारे। लेकिन इसका निर्माण किसने किया, कंस्ट्रक्शन किसने किया, उसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। तो खिलचीपुर का किला बड़ा सुंदर सा किला है, काफी बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ काफी महत्वपूर्ण किला मध्य प्रदेश का माना जाता है। अगला मध्य प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है ना, वो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, और खरगोन जिले के अंदर भी है द महेश्वर फोर्ट या महेश्वर का किला यहाँ पर आपको बना हुआ है। अब देखो इस किले का निर्माण अगर देखा जाए तो इसको लेके बड़ा डिस्प्यूट है कि महेश्वर का जो किला है इसका निर्माण किसने किया। कुछ इतिहासकार यहाँ पर आपको मानते हैं कि जो आपके सिंधिया राजा, आपके होलकर राजा थे, मल्हार राव होलकर, उन्होंने इसका निर्माण किया। कुछ राजाओं, इतिहासकारों का मानना है कि उनके बाद उनकी जो बहू थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इसका निर्माण किया। यहाँ पर एक जगह लोकेटेड, उसका नाम था अहिल्यावाड़ा नाम से। तो माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर या मल्हार राव होलकर में से किसी ने इसका निर्माण किया होगा। और ये किला बेसिकली अपने बड़े इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस, या जैसे देखा जाए तो यहाँ के जो जो स्टेप्स स्टेप्स हैं, या एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो सीढ़ियां बनी हैं उनके लिए जाना जाता है। और इसी के पास में लोकेटेड है रानी अहिल्याबाई की, उनकी समाधि लोकेटेड आपको है। और इस किले से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो नर्मदा नदी का एक बहुत शानदार विहंगम जो दृश्य है वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस फोटो की बात कर रहा था, तो बड़ा सुंदर सा आपको किला है। खैर अंदर से सभी किले जैसे आपको होते हैं, लेकिन बाहर से इसका आर्किटेक्चर जो है वो बड़ा सुंदर दिखता है। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के अंदर आपको लोकेटेड है वो मतलब ये हो गया धार का किला आपको हो गया। तो खरगोन में दो ही इंपॉर्टेंट किले थे, धार में अगर आप आ जाएं तो धार में अगर देखा जाए तो मांडू इज द इंपॉर्टेंट प्लेस। मांडू के अंदर हम अलग से मांडू के बारे में आपको बात करेंगे, लेकिन धार सिटी के अंदर या धार जिले में जो दो फोर्ट है उसमें से एक फोर्ट है अमझेरा का किला। अब देखो अमझेरा जो है वो धार के पास में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, एक इंपॉर्टेंट राज्य हुआ करता था, और यहाँ के राजा बड़े इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं। उनका नाम है राजा बख्तावर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो रिवोल्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर आपको रिवोल्ट किया था। और उस समय पे जो अमझेरा के जो राजा थे, वहां के जो राजपूत राजा है, उनका नाम है राजा राम सिंह राठौर। तो उन्होंने इसका निर्माण आपको किया, और बाद में जाके इस किले के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करके इस किले को एक तरीके से नष्ट आपको कर दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट किला है धार के अंदर, इट्स कॉल्ड द धार फोर्ट। अब देखो धार के फोर्ट के बारे में आपने सुना होगा कि धार के फोर्ट का जो निर्माण है वो किया था महमूद, आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हाँ मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने इसका एक बड़ा निर्माण आपको किया, लेकिन इसके पहले परमार पीरियड या परमार कालीन जो समय था, परमार कालीन समय में भी धार का जो किला है वो काफी इंपॉर्टेंट था। और उस समय पे इसको धारागिरी लीलोद्यान के नाम से, धारागिरी लीलोद्यान के नाम से जाना जाता था। राजा भोज ने अपने आर्किटेक्चर स्किल से इसका निर्माण करवाया, और इसके अंदर एक तरीके से उनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था गोगा चौहान। आगे जाके जो गोगा चौहान थे, जो स्पेशली 13 सेंचुरी में परमार प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें इस किले को आपको कंट्रोल किया। 1305 में इस किले के ऊपर हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी का, और उसके बाद मोहम्मद शाह तुगलक है वो इसके ऊपर हमला करते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा फोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसको खरबूजा महल कहा जाता है, उस खरबूजा महल का निर्माण करते हैं। अब एक इस किले के बारे में इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि इस किले को पेशवा जो बाजीराव सेकंड थे, तो उनका जन्म जो है इस किले के अंदर 1775 में, 1775 के अंदर इस किले का निर्माण हुआ। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट किला है, हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के डायरेक्ट मुरैना जिले के अंदर, और मुरैना जिले के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स आपको हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट किला आपको मिल जाएगा वो है सबलगढ़ का किला। ठीक है, तो देखो मुरैना वाला जो पूरा एरिया था, तो ये एक तरह से देखा जाए तो बुंदेलखंड के जो राजा हैं उनके कंट्रोल में हुआ करता था। और यहाँ पे सबल नाम का एक एक राजा हुआ करता था, एक गुर्जर राजा था सबल। तो उस गुर्जर राजा ने इसका निर्माण किया, बाद में जाके करौली के जो राजा हैं,
कलोरी के राजा के कंट्रोल में या उनके नियंत्रण में ये आपको आया। आगे जाके जो स्पेशली जो सिंधिया के एक अधिकारी थे उसका नाम था लकवा दादा, तो उन्होंने सबलगढ़ के किले के ऊपर आपको निर्माण किया, और बाद में फिर आपके जो गौन आपके ये राजा हैं आपका दौलत राव सिंधिया, तो दौलत राव सिंधिया के कंट्रोल में उनके नियंत्रण में जो ये मुरैना का जो किला है सबलगढ़ का किला तो लंबे समय तक रहा। अगला जो जो इम्पोर्टेंट किला है वो दमोह के अंदर आपको लोकेटेड है, और दमोह के अंदर जो इम्पोर्टेंट किला है वो है आपका सिंगौरगढ़ का फोर्ट, सिंगौरगढ़ का किला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्ट्स जो है उनमें से यहाँ पर आपको एक है। अगला जो किला है वो बुरहानपुर का किला, और बुरहानपुर में जो किला है उसको कहा जाता है बादशाही किला या बादशाह का किला कहा जाता है। तो ये जब फारूकी डायनेस्टी का शासन यहाँ पर आपको था तो आदिल मीरन खान जो है उन्होंने बुरहानपुर के किले का इस फोर्ट का यहाँ पर आपको निर्माण किया। ओके, अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंदर, और बालाघाट जिले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट माना जाता है उसका नाम है लांजी का किला। देखो अब यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है लांजी का फोर्ट, और ये भी जो राजा संग्राम शाह थे उनके 52 इंपॉर्टेंट जो पैलेसेस थे या 52 इंपॉर्टेंट जो गढ़ थे उन गढ़ में से एक जो है आपका बालाघाट का किला माना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है ठीक है वो है आपके असीरगढ़ का किला। जो असीरगढ़ का जो किला है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के अंदर, या असीरगढ़ जो है एक तरीके से कॉल्ड द की टू डेक्कन या डेक्कन का दरवाजा इसको कहा जाता है। अभी थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गया था तो उसके कारण थोड़ा मतलब वो वीडियो आगे पीछे हो गया है। असीरगढ़ का किला, अब देखो असीरगढ़ का जो किला है ना इसको कहा जाता है की टू डेक्कन या डेक्कन का जो रास्ता है एक तरीके से डेक्कन का रास्ता कहा जाता है या की टू डेक्कन के रूप में जाकर। अब यहाँ पर देखो ना असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़ ये तीन इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। एक तरह से किले को तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़ के नाम से ठीक है। बुरहानपुर लोकेटेड है, आगे जाके असा अही नाम का एक व्यक्ति था उसने इसका निर्माण किया, और बाद में जाके जब फारूकी राजाओं का शासन हुआ तो उस समय पे उन्होंने एक किला जो है उससे आपको छीन लिया, और बाद में फिर अकबर ने अपना एक विजय अभियान यहाँ पे चलाया जिस विजय अभियान के अंतर्गत अकबर ने असीरगढ़ के ऊपर चढ़ाई की 1601 में, और वो अकबर की आखिरी लड़ाई, अकबर का लास्ट कैंपेन माना जाता है। उसके बाद अकबर किसी भी कैंपेन के ऊपर या किसी भी युद्ध में आपको कभी लड़ने नहीं गया, तो दैट वॉज इट वॉज द लास्ट कैंपेन ऑफ अकबर असीरगढ़ के किले में। और यहीं से फिर आपको डेक्कन का रास्ता खुलता है दक्कन में जाने के लिए, और चाहे वो अकबर हो चाहे जहांगीर हो चाहे शाहजहां हो, तीनों राजाओं ने लंबे समय तक यहां पर आपको समय गुजारा, और यहां से समय गुजार के वो आपके दक्कन पे या बहमनीज हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए आ गए। खैर बालाघाट का जो लांजी का किला है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी अभी बात कर ही चुके हैं। तो बालाघाट में लोकेटेड है आपका लांजी का किला, और उसके साथ में यहाँ पर एक लक्ष्मण मंदिर भी आपको है। खैर देखो फोर्ट तो अभी दिखता नहीं है यहाँ पे, लेकिन लांजी का जो किला ये जो मंदिर है ये मंदिर जरूर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ओके ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट जिला है वो है अशोकनगर जिला, और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में दो तीन इंपॉर्टेंट फोर्ट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट यहाँ पर आपको लोकेटेड है उस फोर्ट का नाम है चंदेरी का फोर्ट, चंदेरी का किला। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि चंदेरी का अलग से टॉपिक के रूप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ये हम अलग से एक टॉपिक के रूप में जो चंदेरी का जो किला है इस किले को देखने वाले, और इस किले को भी अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस किले का निर्माण किसने किया, लेकिन हाँ फिर भी बाद में जाके अकबर और उसके बाद जब सल्तनत पीरियड का टाइम आया तो सल्तनत पीरियड के राजाओं ने भी इसके ऊपर कंट्रोल करके इसको नियंत्रित आपको किया। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है कीर्ति दुर्ग या कीर्ति किले के नाम से, कीर्ति दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये भी आपके कीर्ति दुर्ग भी आपके चंदेरी में आपको लोकेटेड है, और 11th सेंचुरी में एक प्रतिहार राजा थे कीर्तिपाल, उन्होंने इस किले का निर्माण किया। साथ में जब यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो यहाँ पर एक खिलजी की जो मस्जिद है वो मस्जिद भी इस किले के अंदर यहाँ पर आपको बनाई गई। उसके बाद हम ला जाते हैं मध्य प्रदेश के कीर्तिगढ़ का किला हो गया मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंदर, और अशोकनगर दतिया जिले के अंदर यार, तो ये थोड़ा सा क्या ना ये ट्रांजिशन थोड़ा स्लो चलता है ठीक है, और मैं थोड़ा फास्ट हूँ। तो दतिया के अंदर, दतिया के अंदर जो किला है उसका नाम है कन्हरगढ़ का किला, सेंधवा करके यहाँ पर आपको जगह है ना, प्लेस इज कॉल्ड द सेंधवा। एक हमने सेंधवा देखा था, सेंधवा कहाँ पर लोकेटेड है, वो सेंधवा लोकेटेड है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंदर, लेकिन ये जो है ये आपका ये जो किला है इसको बेसिकली दतिया के अंदर आपको लोकेटेड है, और यहाँ पे कन्हरगढ़ नाम की एक जगह है, इस जगह पे इस किले का निर्माण किया। अब देखो इसका जो निर्माण है बुंदेला राजा जो दलपत राय है उन्होंने इस किले का निर्माण किया था, और इस किले को सती फोर्ट के नाम से या सती किले के नाम से भी आपको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक समय पे एक जो महिला है वो महिला आपको सती हो गई थी, इसलिए इसको सती के किले के नाम से भी आपको
जाना जाता, कोई बहुत ज्यादा जानकारी इस किले के बारे में हमको नहीं मिलती है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है सतना के अंदर, मध्य प्रदेश के सतना में, और मध्य प्रदेश के सतना के अंदर दो तीन इम्पोर्टेंट आपको किले मिल जाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट किला जो है यहाँ पर एक बना है अमर पाटन का गढ़ी बना हुआ। गढ़ी मैं आपको बताई था, गढ़ी का मतलब आपको होता है कि छोटा फोर्ट या छोटा जो किला होता है उसको अमर पाटन कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सतना में आपको लोकेटेड है, और यहाँ पर जो बघेल राजा है राजा भाव सिंह, तो उन राजा भाव सिंह ने इस किले का जो निर्माण है इसका निर्माण आपको करवाया। अगला जो इम्पोर्टेंट किला है वो है मेहर का किला। अब मेहर या मैयर दोनों है, मुझे पता नहीं इसको मैयर कहा जाता है या जाने लोग इसको मेहर ही प्रोनाउंस करते हैं, तो सतना में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो बघेल राजा है उनका नाम था भेद चंद, तो भेद चंद ने इस किले का निर्माण किया। बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्ट है मेहर का किला मध्य प्रदेश के सतना के अंदर। अगला जो किला है वो है सोहवाल का किला, ये भी मध्य प्रदेश के सतना के अंदर ही आपको लोकेटेड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है। अगला जो किला है, अगला डिस्ट्रिक्ट जो है शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, और शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपको दो तीन इंपॉर्टेंट गढ़ी मिल जाएगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको मिलेगा सोहागपुर का गढ़ी, तो सोहागपुर का गढ़ी भी एक छोटा सा गढ़ी टाइप आपको बना, छोटा सा जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आ जाए तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आपको मिलेगा बांधवगढ़ का किला, जो बहुत इंपॉर्टेंट किला माना जाता है। और ये एक तरीके से ये किला जो है ये जंगल के अंदर यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर आपको लोकेटेड है। और यहाँ पे जो बांधवगढ़ के जो राजा है या बांधवगढ़ के राजा मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक तो स्टोरी यहाँ पर भगवान राम की यहाँ पर आपको चलती है कि भगवान जो राम है उन्होंने अपने बांधु अपने बंधु बंधु मतलब एक तरह से उनका जो भाई थे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के लिए इस किले का निर्माण किया था। खैर ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने आपको निर्माण किया, लेकिन बाद में जब आपके जो बुंदेल राजा है तो बुंदेल राजाओं का जब हमला यहाँ पे हुआ तो बघेल राजाओं ने सॉरी तो बघेल राजा जो है उन्होंने इस किले का निर्माण जो है इस फोर्ट का निर्माण यहाँ पर आपको किया। और यहाँ पर लंबे समय तक जो आपके जो बघेल राजा हैं उनका शासन रहा, इसलिए बघेल स्टेट को आपका बघेल स्टेट या बोल सकते हैं कि उनको एक तरीके से बांधव राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि बांधवगढ़ का जो किला है वो कैप्चर किया। खैर बाद में जो बांधवगढ़ का जो किला है वो किला उनके हाथ से यहाँ पर आपको निकल गया, और बाद में इस किले को जो अकबर है अकबर ने अपने नियंत्रण में अपने कंट्रोल में आपको ले लिया, तो लंबे समय तक जो किला है वो अकबर के कंट्रोल में आपको रहा। तो ये बांधवगढ़ का किला, और बाद में जब अकबर ने या फिर जहांगीर ने भी जब बघेल राजाओं को अपना एरिया वापस इनका फूड नहीं लौटाया तो इसके बाद ये लोग जो है रीवा ट्रांसफर हो जाते हैं, और वहां पर जैसा नारों की गढ़ी बताई थी वहां पर जाके अपने एक नए फोर्ट का एक नए किले का आपको निर्माण करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कई सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स इंपॉर्टेंट किले आपको होगा, जितने भी महत्वपूर्ण किले थे लगभग लगभग सभी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले जो है वो मैंने आपको कवर कर लिए। तो ये बड़ी सी लिस्ट है, इसको मैं जरूर आपके साथ में टेलीग्राम के ऊपर आपको शेयर करूंगा। एक पूरा पीडीएफ, 10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, और जैसे ही इन 10 लेक्चर्स में हर वीडियो में 1,000 व्यू होता है इसकी पूरी की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और स्वागत है आपका अनअकैडमी एमपीपीएससी व्यापम चैनल पे। एमपीपीएससी टीएटी पार्ट 11 आ चुका है आप लोगों के सामने, और ये जो है इस बार आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। दो वीडियो अवार्ड्स के होंगे, ये अवार्ड्स के ऊपर आपको पहला वीडियो है। कई सारे अवार्ड्स इसमें हम शामिल करेंगे जो मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को दिए गए या मध्य प्रदेश के द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए, और मध्य प्रदेश सरकार को कई सारे सम्मान आपको मिले। तमाम ऐसे अलग अलग जो अवार्ड्स हैं उन तमाम अवार्ड्स को हम लोग इस वीडियो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके मध्य प्रदेश को के नागरिकों या मध्य प्रदेश के अंदर जो रेसिडेंट है उनको मिलने वाले सबसे बड़े अवार्ड की, और वो अवार्ड है पद्म अवार्ड। अब भारत सरकार पद्म अवार्ड देती है हर साल, और हर साल कुछ 3-4 लोगों को मध्य प्रदेश से पद्म अवार्ड आपको मिलता है, तो इसलिए भी आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको है। सबसे पहले अगर हम लोग पद्म अवार्ड की आपको बात करें मध्य प्रदेश में, तो ये अवार्ड भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी या बोल सकते हैं कि रिपब्लिक डे के टाइम पर दिया जाता है। खैर अवार्ड सेरेमनी काफी बाद में होती है, लेकिन पहले रिपब्लिक डे पे इसको अनाउंस कर दिया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो इस बार अवार्ड मिले हैं 3 अवार्ड मिले हैं, और तीनों के तीनों अवार्ड मिले हैं पद्मश्री अवार्ड। अब किसको उसको मिला है पद्मश्री? अगर इनके पूरी क्रोनोलॉजी की मैं बात करूं तो सबसे पहले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और उसके बाद आता है पद्मश्री। तो पहला पद्मश्री अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश से जोधिया बाई को, जो एक बहुत जानी मानी बेगा पेंटर हैं। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि भारत सरकार के द्वारा भूरी बाई जो पिथौरा पेंटर थी उनको ये सम्मान आपको दिया था। इस बार बेगा पेंटर जो है जोधिया बाई इनको सम्मान दिया गया है, जो मध्य प्रदेश के उमरिया को बिलोंग करती है। इसके पहले लास्ट ईयर 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, और बहुत फेमसली
नोन बेगा पेंटर है। सरकार पिछले कुछ समय से ऐसे आम नागरिकों को या ऐसे आम नागरिक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं तो उनको कई सारे सम्मान, पद्मश्री स्पेशली या पद्म भूषण जैसे सम्मान भारत सरकार ने दिए, जो बहुत अच्छा स्टेप है। अगला अवार्ड मध्य प्रदेश से आपको मिला है, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र दावर। अब डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र दावर ये आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर हैं जबलपुर से। जबलपुर से इन्होंने पहले मेडिकल की पढ़ाई की, उसके बाद ये इंडियन आर्मी में शामिल हुए। इंडियन आर्मी में इन्हें डॉक्टर के रूप में आपको काम किया, और वैसे इनका जन्म अभी के पाकिस्तान में हुआ था, और बाद में इनकी फैमिली जबलपुर में आके यहाँ पर आपको बस जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक आपको काम इंडियन आर्मी में काम किया। 1971 के वॉर में हजारों सैनिकों का इन्होंने इलाज किया, और उसके बाद ठीक होने के मतलब रिटायर होने के बाद ये जबलपुर में बस जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 20 रुपीज लेके 20 रुपए लेके मरीजों का यहाँ पर आपको इलाज करते हैं। हजारों लोग इनसे इलाज करवाते हैं आज के टाइम पर भी। तो इनको पद्मश्री अवार्ड जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है अवार्ड पद्मश्री मिला है रमेश परमार और शांति परमार को। रमेश परमार और शांति परमार जी ये बिलोंग करते हैं झाबुआ को, और झाबुआ के अंदर भी जो डोल आर्ट वहां पर आपको है, या बोल सकते हैं कि वहां की जो गुड़िया कला है, उस गुड़िया कला के लिए यहाँ पर आपको जाने जाते हैं। और इन लोगों ने कई सारे जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, या कई सारे आपके बहुत सारे जो आम जो वहाँ के नागरिक हो गए भील कम्युनिटी के, उन लोगों को डोल आर्टिस्ट एक तरीके से गुड़िया बनाने का कला यहाँ पर आपको सिखाई, और हजारों लोगों को इन्होंने रोजगार प्रदान किया। तो रमेश परमार और शांति परमार इन लोगों को कंबाइनली ये जो सम्मान है, इनको कंबाइनली सम्मान आपको मिला है। तो मध्य प्रदेश को इस तरीके से 3 पद्मश्री अवार्ड जो है इस साल आपको मिले हैं। अगला जो अवार्ड है वो है जल प्रहरी अवार्ड। जल प्रहरी अवार्ड मिला है मिस बबीता को, जो छतरपुर के रहने वाली है। अब देखो बहुत अच्छा कारनामा उन्होंने किया, इनके गांव के अंदर पीने के पानी की बड़ी समस्या थी, तो इसके लिए इन्होंने और इनकी जो सहेलियां थी उन लोगों ने मिलके एक जो माउंटेन था उस माउंटेन को काटा उन्होंने, वही दशरथ मांझी टाइप, और उसके बाद एक रिवर का पानी एक तरह से एक पॉन्ड का निर्माण उन्होंने किया, और उसके अंदर आपका एक रिवर का एक थोड़ा बहुत नालों का पानी या उसके बाद जो बारिश का जो वाटर है वो पानी इसके अंदर आपको इकट्ठा हुआ, और उसके बाद से इस गाँव की जो पीने के पानी की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई आसपास के 4-5 गाँव की। तो इसलिए उनको मिला है जल प्रहरी अवार्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने दिया है। अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है तानसेन अवार्ड। मध्य प्रदेश में म्यूजिक के लिए या संगीत के लिए दिए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड है उनमें से एक है तानसेन सम्मान। जो तानसेन समारोह जब आयोजित किया जाता है तो उस समय पे तानसेन सम्मान दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड मिला है पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को, जो फ्लूट प्लेयर या बोल सकते बांसुरी कला के यहाँ पर आपको वादक है, और ये बिलोंग करते हैं मेहर घराने को। तो मेहर घराने में जब मेहर गाना जब आपको एस्टैब्लिश हुआ, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने जब उसको एस्टैब्लिश किया, उसके बाद उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी, उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने उसको कंटिन्यू यहाँ पर आपको किया, और अन्नपूर्णा देवी के जो शिष्य हैं वो है पंडित नित्यानंद हल्दीपुरी। 1980 में अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ, और पहला अवार्ड जो इसके अंदर यहाँ पर आपको दिया गया था, ठीक है, तो फर्स्ट अवार्ड इसके अंदर उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उसके अलावा पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, और आपके हीराबाई आपका दाबोद करान जो है, ये 3 लोगों को फर्स्ट या पहली बार सम्मान आपको दिया था, जिसमें पंडित कृष्णराव शंकर पंडित ये बिलोंग करते थे ग्वालियर को। ग्वालियर का जो रॉयल फैमिली के जो म्यूजिशियंस थे उनकी दूसरी पीढ़ी को यहाँ पर को बिलोंग करते थे। तो 3 सम्मान पहले अवार्ड में आपको दिए गए, इस बार नित्यानंद हल्दीपुर को ये सम्मान दिया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर आपको मिलता है, और वो अवार्ड है आपका मानसिंह तोमर अवार्ड। 2021 का मानसिंह तोमर अवार्ड अभी आपको दिया। अब ये सम्मान भी जब तानसेन समारोह हुआ ग्वालियर में तो उस समय पे इस अवार्ड को दिया गया। इस साल का जो तानसेन सम्मान जो समारोह है ये समारोह आपका जो अभी ऑर्गेनाइज हुआ, और इस बार संवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, संवेद जो रूपांकर कला संस्थान है, इस संस्थान को अवार्ड मिला। 2011 में इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया, और सबसे पहले जिन लोगों को अवार्ड मिला उनमें से है सृजन नाम का एक संस्थान है उड़ीसा में, तो इनको सबसे पहले इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड अगर मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड है नेशनल अहिल्याबाई अवार्ड 2022। अब देखो ये सम्मान जनरली जो भी ट्राइबल कम्युनिटी को लेके उनका आर्ट कल्चर उसको प्रमोट करते हैं, उसको विकसित करते हैं, तो ऐसे लोगों को दिया जाता है। इस बार एक बार थोड़ा सा अलग से लीक के हटके कुछ और लोगों को भी सम्मान दिया। 1996 में 1996 के अंदर इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया। इस बार के जो अवार्ड दिए गए, सबसे पहले अवार्ड मिला सोम्या तिवारी नाम की एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन क्रिकेट खिलाड़ी को आपको दिया। उसके बाद आपके भरतनाट्यम डांसर और थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है तनिष्का हतवाल ने, इनको सम्मान दिया गया। टीवी एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है शुभागनी आत्रे,
उनको ये सम्मान दिया। और उसके बाद आपके गोंड मुराल आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है ननकुसिया श्याम है, तो ये अवार्ड इनको दिया। कैसे कई सारी जो इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, साथ में विभा श्रीवास्तव जो बहुत जानी मानी एक्ट्रेस और बहुत जानी मानी सिंगर हैं, तो इनको ये सम्मान आपको दिया। कैसे कई सारी इंपॉर्टेंट जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को ये सम्मान या अवार्ड आपको दिया गया है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण सम्मान है। ट्राइबल या बोल सकते हैं जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। उसके बाद जो 68th नेशनल फिल्म फेस्टिवल या 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म सम्मान आपको हुआ, इस सम्मान में मध्य प्रदेश को दो अवार्ड मिले। एक तो मध्य प्रदेश स्टेट को एक अवार्ड मिला है जिसके अंदर मध्य प्रदेश स्टेट को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट या सबसे अच्छे तरीके से मूवीज वगैरह बनाने का या फिल्म वगैरह बनाने के लिए उसके लिए सम्मान देने का जो अधिकार, मतलब एक तरीके से अवार्ड दिया गया कि फिल्म में काफी सहयोग किया जाता है उसके द्वारा। और उसके बाद एक जाने माने प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश में, राजेंद्र जांगले, इनको यहाँ पर आपको मिला है। उनकी एक मूवी थी उसका नाम था मंडल के बोल, और ये मंडल के बोल जो मूवी है ये बेसिकली बनी है बेगा कम्युनिटी के ऊपर। इसके पहले भी एक मूवी थी 1980s में जिसको बेगा फिल्म के लिए या बोल सकते हो तबेगा करके यहाँ पर आपको मूवी थी, तबेगा करके मूवी थी, उसको अवार्ड यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो अभी राजेंद्र जांगले हैं, इनको मिला है मंदन के बोल अवार्ड, तो बहुत जाना माना आपको अवार्ड, आपको नेशनल फिल्म अवार्ड। अगला मध्य प्रदेश का जो सम्मान मिलता है मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022, हर साल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश में कार्य करने वाले लोग, इन लोगों को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान यहाँ पर आपको दिया जाता है। अब देखो ये अवार्ड बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से जितने अवार्ड्स आप याद रख सकें उतने अवार्ड याद रखिएगा। पहला अवार्ड मिला है नर्मदा समग्र करके एक संस्थान है भोपाल में उसको, फिर एक हॉक फोर्स है जो इंडियन आर्मी को बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश गायत्री परिवार जो देश के अंदर, या गायत्री परिवार आप जानते ही होंगे हरिद्वार बेस्ड है और देश के अंदर गायत्री पूजा या बोल सकते हैं कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम करते हैं या लोगों के संस्कारों के ऊपर बड़ा काम करते हैं, सेवा भारती संस्थान मध्य भारत। उसके बाद विजय मनोहर तिवारी 56 दुकान मर्चेंट एसोसिएशन इंदौर, 56 दुकानें हैं, बड़ी टेस्टी चीजें वहां पर आपको मिलती हैं, तो वो 56 दुकान जो मर्चेंट 56 दुकान के व्यापारी हैं उन व्यापारियों के संगठन को दिया है। अगला एक और अवार्ड दिया है सुश्री रुबिना फ्रांसिस को, जानती होंगे बहुत जानी मानी शूटर है मध्य प्रदेश की। अगला अवार्ड मिला है सरस्वती शिक्षा परिषद को। देखो यूजुअली अवार्ड इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है लेकिन कई सारे इंडिविजुअल्स को भी सम्मान इसमें दिया जाता है, दोनों कैटेगरीज होती है। श्री विनायक लोहानी को सम्मान दिया, फिर आरुषि करके, आरुषि भोपाल करके ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तमाम सम्मान मध्य प्रदेश गौरव सम्मान दिया। अगला जो अवार्ड है नेशनल शरद जोशी अवार्ड 2022, 2022 का शरद जोशी सम्मान। अब देखो ये अवार्ड जो मिला है श्री राम परिहार को, और 5 लाख रुपए इसमें प्राइस दिया जाता है। देखो जैसा आपको पता है कि मध्य प्रदेश के जितने भी अवार्ड्स हैं सब अवार्ड्स के जो प्राइस मनी है उसको इंक्रीज कर दिया है, तो ये अवार्ड 5 लाख रुपीज इनको इसमें आपको दिया जाएगा। 1992 में अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ और पहला अवार्ड दिया गया था हरि नाम के एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट थे, उन जर्नलिस्ट को। बेसिकली शरद जोशी अवार्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अगला जो अवार्ड है वो है स्टेट शिखर सम्मान। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग कैटेगरीज में म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इन कैटेगरीज में राज्य सरकार के द्वारा जो शिखर सम्मान है, शिखर सम्मान दिया जाता है। अब देखो शिखर सम्मान किस किस को दिया, कौन कौन सी कैटेगरी में दिया, ये हम फटाफट देख लेते हैं। हो सकता है इतने सारे आपको नाम याद ना हो लेकिन देखो तो जितने नाम आप याद कर सको उतने कर लीजिएगा। हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य के लिए जो सम्मान दिया गया है वो दिया है अश्विनी कुमार दुबे नाम के एक बहुत जाने माने राइटर राइटर हैं, आपके इंदौर के रहने वाले हैं। अगला दिया है उर्दू लिटरेचर या उर्दू साहित्य को लेके, तो उर्दू साहित्य को लेके अवार्ड मिला है नरेंद्र वरमानी, एक राइटर है उर्दू के, इनको मिला है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो अवार्ड मिला है संस्कृत लिटरेचर अवार्ड या संस्कृत का साहित्य सम्मान और संस्कृत साहित्य सम्मान दिया गया है भगवती लाल राजपुरोहित को। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है और साथ ही उसकी जरूरत भी नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक में या बोल सकते शास्त्रीय संगीत के अंदर ये जो सम्मान है शास्त्रीय संगीत में आपको दिया, और शास्त्रीय संगीत के अंदर ये अवार्ड दिया है पंडित श्रीधर व्यास को, जो जाने माने म्यूजिशियन है क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत के जाने माने आपको व्यक्तित्व आपको है। साथ ही अगला इंपॉर्टेंट जो सम्मान है वो दिया क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उन नृत्यों को दिया है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिकल डांस है विजय शर्मा नाम के एक डांसर है, इनको यह सम्मान दिया, साथ ही डांस की ट्रेनिंग भी देते हैं। ओके, उसके बाद फिगरेटिव आर्ट या बोल सकते रूपांकर कला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रूपांकर कला के लिए अवार्ड मिला है मिस्टर अनिल कुमार जी को। ओके, उसके बाद अगली जो कैटेगरी इसके अंदर आपको है वो है ड्रामा या उसको बोल सकते हैं नाट्य बोल सकते हैं हिंदी में,
तो आपके प्रशांत, आपका खिरवादकर हैं, इनको ये सम्मान आपको दिया जो ड्रामेटिस्ट है मध्य प्रदेश के जाने माने। अगला सम्मान है रेयर इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसा बहुत विरला वाद्य यंत्र बजाने वाले जो लोग होते हैं, कई तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये अवार्ड दिया है मुन्ने खां को जो बेसिकली नस्तरंग बजाते हैं। नस्तरंग मतलब हमारे जब आप बोलते हैं ना तो जब आपके वाइब्रेशंस जब क्रिएट होते हैं आपकी वोकल कॉर्ड से, उस वाइब्रेशन से ये म्यूजिक आपको बजाते हैं। बहुत रेयर तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्राइबल एंड फोक अवार्ड या जनजातीय लोक कला जो है इसके लिए कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है, और ये दिया गया है एम साहनी बाई को जो फोक आर्ट या बोल सकते हैं कि जो आदिवासी लोक कला है उसमें बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो ये तमाम अवार्ड हुए मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट शिखर सम्मान। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता। अच्छा, इनके अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1980 में, और इसके साथ ही इन अवार्ड के अंदर 2 लाख रुपया दिया जाता है। पहले इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता था और अब इस अवार्ड के अंदर 2 लाख रुपीज सरकार एनुअली यहां मतलब हर अवार्ड में हर अवार्डी को यहां पर आपको प्रदान करती है। अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है या एक तरह से आप अवार्ड भी बोल सकते हैं, ये रैंकिंग भी बोल सकते हैं, तो ये है स्वच्छ भारत जो स्वच्छ जो सुरक्षा स्वच्छ सर्वेक्षण जो अभियान है 2022। हर साल भारत सरकार स्वच्छ सर्वेक्षण करवाती है और इस स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश अर्बन कैटेगरी में वी आर द नंबर वन, स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश नंबर वन है। उसके बाद इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज होती है 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है। इसमें 10 लाख की कैटेगरी की 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाली कैटेगरी की बात करें तो बोले तो इंदौर ने 6ठी बार फिर से इसमें टॉप किया है। इंदौर अगेन नंबर वन कंटिन्यूसली 6 टाइम, 6ठे नंबर पर रहा भोपाल, और अगर हम लोग अगर कैपिटल्स की बात करें तो कैपिटल की कैटेगरी के अंदर भोपाल नंबर 1 है, सिटी की कैटेगरी में भोपाल नंबर 6 है, और 8वें नंबर पर रहा हमारा जबलपुर, हमारा ग्वालियर सॉरी। उसके अलावा और भी सिटीज हैं आगे रैंकिंग में, उज्जैन वगैरह मतलब ग्वालियर वगैरह जबलपुर वगैरह काफी पीछे रैंकिंग है। 3 रैंकिंग याद रखेगा, इंदौर नंबर 1, भोपाल नंबर 6 और ग्वालियर जो है वो नंबर 18 पे आपको है। अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है मध्य प्रदेश का वो अवार्ड जो है 1 लाख से लेकर 10 लाख की कैटेगरी, 1 लाख से लेकर 10 लाख की कैटेगरी में दिया, और इसमें 8वें नंबर पर मतलब मध्य प्रदेश में नंबर 1, पूरे देश में 8वें नंबर पे छिंदवाड़ा रहा 8वें नंबर पे, 10वें नंबर पे रहा आपका उज्जैन, 12वें नंबर पे खंडवा, 13वें नंबर पे सागर, 16 नंबर पे आपका देवास। तो ये कुछ शहर याद रखिएगा, मैंने सबसे आगे रहा आपका छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद उज्जैन, ठीक है। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है कंटोनमेंट बोर्ड की, या बोल सकते हैं छावनी बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो देश के भर के अंदर कई सारी छावनियां हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो 5 छावनियां हैं इनमें से मध्य प्रदेश की छावनियों में आपके महू छावनी को मिला 3रा स्थान। पहले नंबर पे अंबाला कैंट है पंजाब का, इंदौर मध्य प्रदेश का महू इंदौर के निकट, ये मिला 3रा अवार्ड। 10वें नंबर पे रहा जबलपुर कैंट और 11वें नंबर पे रहा आपका सागर कैंट। तो 3 छावनियां मध्य प्रदेश की जो है इस कैटेगरी में आपको आती है। तो ये बात हुई आपके जो इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड थे इन अवार्ड्स के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड यहाँ पर आपको दिए गए। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जो अवार्ड है वो बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड। देखो एक छोटा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सम्मान है, और ये सम्मान दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रधानमंत्री के द्वारा, जो भी राज्य के अंदर जो बेस्ट कैडेट होते हैं एनसीडी कैडेट होते हैं तो उन कैडेट्स को दिया जाता है। तो भोपाल के रहने वाली एक 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 स्टूडेंट है, उसका नाम है खुशी महावर, तो इनको बेस्ट एनसीडी कैडेट का अवार्ड, पूरे देश में इनको बेस्ट एनसीसी कैडेट का सम्मान प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं दिया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट सम्मान है वो है टीचर्स डे अवार्ड। तो हर साल जब टीचर्स डे होता है 5th ऑफ सितंबर को, उस समय प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी देश के अंदर बेहतरीन टीचर्स हैं उन टीचर्स को सम्मान दिया जाता है। स्पेशली इसके अंदर जो स्कूल टीचर्स हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो अवार्ड यहाँ पर आपको मिला है नीरज सक्सेना जो रायसेन जिले में टीचर है, और अगला अवार्ड मिला है ओम प्रकाश पाटीदार को जो शाजापुर में टीचर है। यूजुअली हर साल मध्य प्रदेश से 2 लोगों को या 2 या 3, यूजुअली हमेशा 2 ही होता है वैसे तो, 2 लोगों को सम्मान दिया जाता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हर स्टेट से 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है उस अवार्ड का नाम है नेशनल यूथ अवार्ड 1920 का यूथ अवार्ड अभी के समय पर आपको दिया, और ये अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर शिवम मिश्रा नाम के एक स्टूडेंट को जिन्होंने कई सारे टेक्नोलॉजीज पे तकनीकों के ऊपर यहाँ पर आपको काम किया है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है शिल्प गुरु अवार्ड। अब ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, और इस अवार्ड की खासियत यह है कि जो भी शिल्प में या इस प्रकार से शिल्प कला के अंदर जो अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है। इस बार का अवार्ड मिला है मोहम्मद यूसुफ खत्री को,
जो शिल्प गुरु सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। अगला जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो अवार्ड है किशोर कुमार सम्मान अवार्ड। अब किशोर कुमार की याद में खंडवा के अंदर एक कार्यक्रम होता है और उसके साथ में आपको ये एनुअली जो किशोर कुमार सम्मान है ये सम्मान आपको दिए जाते हैं। अभी दो तीन अवार्ड यहाँ पर आपको एक साथ दिए गए जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2020 इसको अवार्ड को स्टैब्लिश किया 1997 में, और इस बार के जो अवार्ड मिले हैं 2021-22 का अवार्ड मिला है विवेक रंजन अग्निहोत्री को, उसके बाद 2020-21 का अवार्ड मिला है अमिताभ भट्टाचार्य को, और ये दो अवार्ड अभी के समय पे दिए गए। तो ये दो अवार्ड याद रखिएगा, अमिताभ भट्टाचार्य 2021, विवेक अग्निहोत्री 21-22। अब इसका पहला जो सम्मान दिया गया, फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया ऋषिकेश मुखर्जी को, जो बहुत जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हुआ करते थे। ओके, अगला इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो अवार्ड है नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। अब ये एनुअली अवार्ड दिया जाता है लता मंगेशकर, इसका भी प्राइज मनी इंक्रीज होके 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपए सम्मान यहाँ पर आपको हो गया है। इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया 1987 में 1987 में, क्योंकि लता मंगेशकर जी मध्य प्रदेश से ही संबंधित थी, इंदौर में उनका जन्म हुआ था। पहला अवार्ड 2021 का मिला है कुमार शानू को, 2020 का अवार्ड मिला है आनंद बिलन को, और 2019 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है शैलेंद्र सिंह को। तो 21, 20 और 19 तीनों अवार्ड एक साथ दिए हैं, तीनों अवार्ड को अब याद रखिएगा। अब पहला जो सम्मान लता मंगेशकर अवार्ड आपको मिला है ये मिला था नौशाद को, बहुत जाने माने सिंगर या म्यूजिशियन है आपके नौशाद, उनको यह सम्मान दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सम्मान, अगला सम्मान जो दिया जाता है वो सम्मान है आपका नेशनल महात्मा गांधी सम्मान। अब इस सम्मान के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे ज्यादा प्राइज मनी इसी सम्मान में आपको मिलती है। 1995 में इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया और अभी रिसेंटली प्राइज मनी को बढ़ा के 20 लाख 20 लाख रुपए आपको किया है। उसके अलावा ग्रामीण विकास विज्ञान जो समिति है जोधपुर में, तो इसको सम्मान दिया गया, किसको? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को, इनको सम्मान दिया। पहला अवार्डी जिसके अंदर यहाँ पर आपको था, फर्स्ट अवार्डी जो था वो थे आपका कस्तूरबा गांधी जो विकास संस्थान है इंदौर के अंदर, तो कस्तूरबा गांधी विकास संस्थान को पूरा कर लेना उसको, तो कस्तूरबा गांधी विकास संस्थान को यह पहला सम्मान महात्मा गांधी सम्मान आपको दिया गया। तो नॉट टू द कस्तूरबा गांधी, ये करेक्ट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अलग से। अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है, इतने ही अवार्ड मिलते हैं भाई, तो इस वीडियो में इतना ही है। तो कई सारे जाने माने अवार्ड मध्य प्रदेश के, इन अवार्ड्स को हमने आपको कवर किया, इसकी जो पीपीटीज हैं वो मैं आपको कलेक्ट करके आज जरूर दे दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी, स्वागत है आपका एमपीपीएससी TAT के पार्ट 12 में। तो अच्छे से बस कुछ 22-23 दिन आपके एग्जाम में आपको बचे हुए हैं, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की, भारत के जो वृहद जो मैदान है उन वृहद मैदानों के बारे में। आपको एक थोड़ी सी अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन में बता दूं तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये बेसिकली लोकेटेड है हमारे जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज और पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय इंडिया है, इसके बीच का जो पूरा क्षेत्र है इसको ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया या भारत के वृहद मैदानों के नाम से जाना जाता है। देखो इन मैदानों की हम बात करें तो एक छोटे से मैप में मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर आपको मिलेगा राजस्थान के प्लेन, राजस्थान के मैदान, उसके बाद आपको मिलेंगे पंजाब और हरियाणा के मैदान, उसके बाद आपको मिलेगा गंगा के जो इंपॉर्टेंट मैदान है, गंगा के प्लेन जिसमें अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा, और उसके बाद आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरीके से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये चार इंपॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम्स हैं या स्पेशली बोल सकते हैं चार इन रीजंस के अंदर चार तरह के अलग अलग जो प्लेन्स हैं वो हमारे इंडिया के अंदर या हमारे पूरा जो नदन एरिया है हिमालय के नीचे और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में यहाँ पर आपको फैले हुए हैं। चलिए तो एक एक करके इन प्लेन्स के बारे में आपको बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान के प्लेन या राजस्थान के मैदानों के बारे में। अब इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मैप एग्जैक्टली दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इस पूरे ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे मैं आपको ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा ये इशू है कि यहाँ पर मैप प्रॉपर तरह से चल नहीं पाता है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच everything ताकि आप प्रॉपर तरीके से उन चीजों को यहां पर आपको देख सके, ठीक है? तो राजस्थान का जो एरिया, यू कैन इमेजिन द अरावलीज, तो अरावली के जो वेस्ट में जब आप जाएंगे, अरावली के जो पश्चिम में आप जाएंगे, तो अरावली से लेके तो आपके पाकिस्तान की बॉर्डर तक जब हम जाएंगे, तो यहां पर हमको मिलेगा राजस्थान का प्लेन, राजस्थान का मैदान। तो पंजाब से लेके सॉरी अरावली से लेके तो पाकिस्तान की बॉर्डर तक आपको ये पूरे पंजाब के मैदान मिल जाएंगे और तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब ये बेसिकली कई सारी यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं उन रिवर सिस्टम्स के कारण या नदी प्रणाली जैसे हम बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए कि वी हैव
वी हैव द द साबरमती और लूनी रिवर वगैरह जो है, इन रिवर्स के डिपोजिशन के कारण जो निर्माण हुआ है वो राजस्थान प्लेन हुआ है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पे कई सारे और भी लोकल फॉर्मेशन जैसे सैंड्यून्स वगैरह हो गई, उनके कारण भी फॉर्मेशन है। तो पूरा मैदान नदी का मैदान नहीं, लूनी और साबरमती का थोड़ा बहुत मैदान, जो साबरमती का तो बहुत कम है अगर एक तरह से देखा जाए तो, लूनी और बाकी जो छोटी मोटी रिवर्स यहाँ पर है उनके डिपोजिशन के कारण, उसके बाद जो सैंड्यून्स है उनके डिपोजिशन के कारण यहाँ पर राजस्थान का मैदान आपको बना है। अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं ध्रियांश। तो ध्रियांश यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप वेस्टर्न अरावली के वेस्ट में जाएंगे तो रेगिस्तान वाला पार्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा, और इस रेगिस्तान वाले भाग में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे सैंड्यून्स है। सैंड्यून्स मतलब आपके जो रेत के जो टिब्बे हैं, बड़े बड़े टिब्बे बने हैं, और हवा के साथ में जो रेत के टिब्बे हैं ये जगह जगह आपको शिफ्ट होते जाते हैं, तो इनको ध्रियांश के नाम से जाना जाता है। टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको आएगा। उसके बाद वी हैव द राजस्थान बागर। अब देखो बागर मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, तो जब जब रिवर का डिपोजिशन शुरू में होता है, जैसे हिमालय से रिवर उतरी और वहां पर उसने जो इनिशियल डिपॉजिट किया है उसको हम लोग बागर बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे कि बागर मैदान आपको मिलेंगे, जो थार डेजर्ट से लेके अरावलीस तक आपको फैला हुआ है। अब ये बेसिकली जो सैंड्यून्स है उनके कारण, या जो रेत के जो जमाव है, रेत टिब्बा है, उसके कारण बने हुए आपको मैदान है। कुछ कुछ मैदान नदी के कारण भी आपको है। तो मतलब पेडिप्लेन और पेनेप्लेन दोनों चीजें, संप्राय भूमि और पदस्थली भूमि, दोनों प्रकार की भूमियां यहाँ पर आपको राजस्थान बागर में मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, उसका नाम है रूही। अब ये देखो छोटी छोटी टर्म है ना, हमेशा एग्जाम में आपको आती है कि रोही क्या है। अब रोही यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो रिवर अरावली से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के कारण जहां पर यहाँ पे इरिगेशन होता है, सिंचाई वगैरह आपको होती है, तो उसके जो मैदान बने हुए हैं, जो लैंड, जो जिन जिन भूमियों के ऊपर नदी के द्वारा सिंचाई होती है, नदी से पानी जहां पर आपको मिलता है, उनको यहाँ पर रोही कहा जाता है। तो एक तरीके से राजस्थान के जो फर्टाइल लैंड है, उर्वरक भूमि जो राजस्थान की है, उसको रूही कहा जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो एक्चुअली रिवर है, इट्स कॉल्ड द लूनी रिवर, जो यहाँ पर स्पेशली वाटर ड्रेनेज आपको है और बड़े लेवल पे अरावली से रिवर निकलती है, और आगे जाके ये जो नदी है ये ना तो समुद्र में मिलती है ना किसी दूसरी नदी में आपको मिलती है, रेगिस्तान में ही फ्लो होके खत्म हो जाती है। ऐसी नदियों को अफर्मल रिवर या अफर्मल रिवर या हिंदी के अंदर उसको उसको अंतःस्थली नदी कहा जाता है, जो न समुद्र में मिलती है न किसी दूसरी नदी की ट्रिब्यूटरी या उसके सहायक नदी, तो उसको अफर्मल रिवर कहा जाता है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो नदी है वो लूनी रिवर है, याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत एक और इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगी, इट्स कॉल्ड थाली। अब थाली क्या होता है, जैसे रोही हमने देखा वैसे थाली आपको होता है। तो जो लूनी रिवर है उसके नॉर्थ के अंदर जो जितने भी मैदानी भाग हैं उन मैदानी भाग को थाली कहा जाता है। थाली इज लाइक जिसमें हम खाना खाते हैं, प्लेट जिसको बोलते हैं, लोकली नोन एज द थाली। तो वो थाली जैसा दिखाई देता है कि भाई खाने की कोई थाली यहाँ पर आपको हो, तो उसको थाली कहा जाता है। कई बार टर्म आएगा कि थाली क्या है, एग्जाम ऑप्शन आपको होंगे कि भाई मैदान है या पर्वत है या कुछ और चीजें आपको होगी, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो अब इसी बात आप याद रखिएगा थाली क्या होता है। अब उसके बाद देखो ये पूरा जो राजस्थान और आसपास का जो क्षेत्र है, राजस्थानी मैदान, ये बेसिकली रण का भी क्षेत्र हो सकता है, रण का भी क्षेत्र है, ग्रेट रण या आपका जो ग्रेट रण ऑफ आपके जो कच्छ है उनका भी एक इंपॉर्टेंट भाग है। तो यहाँ पे कई सारी सलाइन लेक्स मिलेगी, या बोल सकते हैं कई सारी लवणीय लेक्स आपको मिलेगी जिनके अंदर नमक का उत्पादन होता है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, सांभर लेक, दिदवाना लेक, दिगाना लेक, उसके बाद आपका कुचामान लेक, सारगोल लेक, काटू लेक, कई सारे लोग, सांभर लोग इज लोकेटेड नियर द जयपुर और आसपास के रीजन के अंदर आपको पास में ही लोकेटेड। तो ये तमाम जो लेक्स हैं, सांभर, दिदवाना, दिगाना लेक, कुचमान लेक, सारगोल लेक, काटू लेक, इन लेक्स को नाम याद रखना, सब सलाइन है। यहाँ पर बड़े लेवल पे जो आपका फॉर्मेशन होता है, आपके मतलब नमक का जो उत्पादन है, सॉल्ट का उत्पादन यहाँ पे होता है, तो सलाइन लेक्स यहाँ पर आपको याद रखिएगा। चलिए, तो ये बात हुई आपके राजस्थान के मैदान में। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा के मैदान में। अब देखो ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, जैसे ही ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में आपको एंटर करती है, तो इट्स रिवर इज कॉल्ड द सांगपू इन चाइना, तो वहां से जब ये रिवर इंडिया में आपको एंटर करती है, भारत में जब आपको आती है, तो यहाँ से उसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और जो दिहांग वैली है, उस दिहांग वैली से एंटर करती, जहां से हिमालय की स्टार्टिंग होती है, वहां से दिहांग वैली से ये रिवर आपको एंटर आपको करती है, और ये बड़े लेवल पे असम और आसपास के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र अपने बड़े जो मैदानी है वो बड़े मैदानी भाग आपको बनाती है। तो असम और आसपास के क्षेत्र में मैदानी भाग आपको हो गए, और एक तरीके से इंडिया और बांग्लादेश में आपको फैले हुए हैं। तो एक तरह से इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी फॉर्म करता है, और कुछ क्षेत्र के अंदर ही बांग्लादेश के अंदर भी ब्रह्मपुत्र के प्लेन एंटर कर गए। तो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मैदान है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेन, इट्स कॉल्ड द ग्रेट गंगा प्लेन या गंगा
के वृहद माप को मैदान, अभी मैंने आपको गंगा के मैदान को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था जहां पर तीन तरह के मैदान थे, स्पेशली द अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। तो ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली से लेके कलकत्ता तक, या आप बोल सकते हो कि इस पूरे रीजन में आपको फैला हुआ है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट ऑफ दिल्ली, इस पूरे क्षेत्र के को जो है वो गंगा का मैदानी भाग या द ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा कहा जाता है। तमाम क्षेत्र जो है वो गंगा के किनारे यहाँ पर आपको बसे हैं। चलिए, तो ये आपका गंगा का मैप हो गया, उसमें स्पेशली दिस इज द अपर गंगा, मिडिल गंगा और आपका लोअर गंगा। अपर गंगा का जो पार्ट है ये वेस्टर्न यूपी से लेके तो ईस्टर्न यूपी तक फैला हुआ है, उसके बाद जो मिडिल गंगा है तो ये ईस्टर्न यूपी से लेके तो आपके मतलब ईस्टर्न यूपी से या बोल सकते हैं नदन बिहार से लेके तो ईस्टर्न बिहार तक है, और उसके बाद जो लोअर गंगा आपको है या निचला गंगा का यहाँ पर आप अच्छे बड़ा भी हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट, मुझे अभी पता चला तो छोटा भी हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे यूज करते करते चीजें नहीं पता चलने लग जाती, कोई बात नहीं। तो ये लोअर गंगा हो गया जो बेसिकली वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल के अंदर आपको लोकेटेड है, ये बिहार और यूपी का पार्ट है और ये प्योरली आपका यूपी का भाग यहाँ पर आपको हो गया। तो ये तीन इस प्रकार के जो मैदानी भाग है ये आपको तीन मैदान मिल जाएंगे। एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, एरिया कितना है इनका। तो इनका एरिया अगर देखा जाए तो 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल आपको है। उसके अलावा इसको तीन पार्ट में तो ऑलरेडी हम लोग डिवाइड कर ही चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर गंगा के मैदान या ऊपरी गंगा के मैदान। अब ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का आपको भाग है, और इसके अंदर गंगा और बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल और बेतवा रिवर है वो भी यहीं पर आपको मर्ज करती है। तो याद रखिएगा हमारी जो चंबल है वो एक तरीके से यमुना में मर्ज होती है इन द अपर गंगा प्लेन में ना, और जो ऊपरी गंगा के मैदान है उनमें मर्ज होती है। कभी क्वेश्चन आ जाए कभी चंबल किसका पार्ट है, तो अपर गंगा का पार्ट है, ऊपरी गंगा का पार्ट है ना, पूरा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये तमाम गोमती और घाघरा तमाम रिवर्स हैं, इन रिवर का क्षेत्र आपको हो गया। और यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ये रिवर यहाँ पे आती है तो यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। खैर पहले वही लेक्चर आना था लेकिन थोड़ा सा इसको पहले आप देख लो, मैं आपको समझा दूंगा आगे। तो यहाँ पे तराई के मैदान यहाँ पर आपको मिलते हैं, तराई का क्षेत्र आपको मिलता है। तो तराई एक तरीके से सबसे ऊपर आपको होता है भाबर के मैदान, भाबर के बाद आपको तराई का मैदान। तो तराई और जो भाबर के मैदान है उनके बीच का ये आपको जो क्षेत्र है और उन्हीं क्षेत्रों से इसका निर्माण हुआ। अगला जो वीडियो होगा ना टीएटी का, उसमें हम लोग उसी इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल टर्म है, इंपॉर्टेंट जो लैंडफॉर्म्स है उनके बारे में आपको बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट आपको क्षेत्र है वो है मिडिल गंगा का मैदान या मध्य गंगा का मैदान। अब देखो ये आपके ईस्टर्न यूपी से लेके तो नदन बिहार वाला जो पूरा रीजन है या मतलब वो पूरा क्षेत्र बिहार यूपी का ईस्टर्न पार्ट और वहां से लेके बिहार का जो उत्तरी भाग है इसके अंदर आपको लोकेटेड है, दैट वी कॉल द मिडिल गंगा का प्लेन या उत्तरी या मध्य गंगा का मैदान हो गया। इसका जो टोटल एरिया है द एरिया इज 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया। और यहाँ पे गंडक, घाघरा, कोसी तमाम अलग अलग जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं, या एक तरीके से इन रिवर का जो ड्रेनेज है वो यहाँ पे मिलता है, जो अलग गंगा की ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं। जैसे अपर गंगा हमने देखा तो अपर गंगा में आपको मिलेगा जहां पर यमुना और गंगा मर्ज होती है, इट्स कॉल्ड द प्रयाग संगम, तो वो अपर गंगा में है। अब देखो मध्य प्रदेश आप देखोगे ना तो हमारी जो सोन नदी है वो मिडिल गंगा के मैदान में या मध्य गंगा के जो मैदान है इन मैदानी भाग में आके यहाँ पर आपको मर्ज हो जाती है। तो ये मिडिल गंगा के मैदान हो गए। देन वी हैव द लोअर गंगा के मैदान, निम्न गंगा का मैदान। अब ये वाला जो एरिया है ये आपको मिलेगा बिहार के अंदर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे किशनगंज तहसील है, तो वहां से लेके नीचे पूरा वेस्ट बंगाल, अभी मैप में दिखाया था तो पूरा वेस्ट बंगाल जो है ये लोअर गंगा का पार्ट है। खैर फरक्का बैराज के बाद रिवर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वेस्ट बंगाल की तरफ जो रिवर आती है उसको गंगा नहीं, उसको भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है या सिर्फ हुगली के नाम से जाना जाता है, और बाकी जो रिवर है वो स्ट्रीट फ्लो करके निकल जाती है आपके वी कैन से आपके वेस्ट बंगाल में, और वहां से मतलब आगे जाके वेस्ट बंगाल जहां पर उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और आगे वो ब्रह्मपुत्र वगैरह मिलके फिर वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो डेल्टा फॉर्मेशन होता है। लोअर गंगा का जो टोटल एरिया है ये एरिया है तकरीबन 81,000 स्क्वायर किलोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट आपको मैदान है, और पूरा गंगा वाला या पूरा बंगाल वाला पार्ट है इसका पार्ट यहाँ पर आपको बन जाता है। अब यहाँ पर जो नदियों का विभाजन डिपोजिशन होगा, जमाव होगा, तिस्ता हो गया, जलदाका हो गया, दौरसा हो गया,
तमाम रिवॉर्ड के डिपॉजिशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ में इसी के नीचे के पार्ट में आपको बनेगा गंगा का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का यहाँ पर आपको कंबाइंड डेल्टा बनेगा। कभी जब रिवर के बारे में TAT बनाएंगे ना तो इसके बारे में और बात आपको करेंगे, तो इन चीजों को स्पेशली यहाँ पर आपको याद रखेगा, ठीक है। और उसी के साथ में जब गंगा का डिपोजिशन है तो उससे यहाँ पर सुंदरबन के जो फॉरेस्ट है वो सुंदरबन के फॉरेस्ट भी आपको बनता है, जहां पर एक तरह से एक दलदली भूमि या एक मार्शी लैंड यहाँ पर आपको क्रिएट आपको होगा। चलिए उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये तो बात हो गई कि गंगा के प्लेन्स, गंगा के मैदानों के बारे में, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। अब देखो जैसे मैंने गंगा के मैदान आपको बताए, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन ट्रिब्यूटरीज के कारण यहाँ पर आपको बना है, उन सहायक नदियों के कारण यहाँ पर आपको बना है, इसी तरीके से जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है ना, या बोल सकते हैं कि आपके जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के माध्यम से पंजाब हरियाणा के जो मैदान है, पंजाब हरियाणा के मैदान यहाँ पे बनते हैं। अब इनके एक्सपांशन की हम लोग बात करें ना तो ये पंजाब और हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर पंजाब हरियाणा के मैदान आपको मिल जाएंगे। अब ये कई सारी अलग अलग जो रिवर्स हैं उनके डिपोजिशन के कारण आपको बने हैं। 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, खैर एरिया आपको याद नहीं करना है, बट हाँ आपको बेसिकली चीजें यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग यमुना से ईस्ट में जाएंगे यहाँ पर 5 अलग अलग रिवर के डिपोजिशन है और उन डिपोजिशन के कारण पंजाब हरियाणा के मैदान बने। अब 5 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, 1 रिवर इज कॉल्ड द सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और आपका झेलम। एक बार फिर से नाम आपको देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से नाम हमने आपको देखे, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और आपका झेलम। तो 5 रिवर के डिपोजिशन के कारण इसका निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग दोआब बनते हैं। दोआब क्या होता है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो मतलब टू, आब मतलब पानी, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। जैसे पंजाब हमने देखा तो 5 जो हमने रिवर्स देखी, पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, तो 5 नदियां जहां पर आपको मिलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको पंजाब कहा जाता है। तो यहाँ पे 5 आपके अलग अलग आपके जो दोआब हैं वो दोआब बनेंगे। पहला जो दोआब बनेगा उसको कहते हैं बिस्त दोआब। तो बिस्त दोआब क्या है, ब्यास और सतलज, ब्यास रिवर, तो ब्यास से उन्हें BI ले लिया और सतलज से यहाँ पर आपको ये आपका ST ले लिया। जैसे ब्यास और सतलज है तो ब्यास और सतलज से मिलके बनता है आपका बिस्त दोआब। अगला जो दोआब है वो है बारी दोआब। बारी दोआब कैसे बनेगा, तो ब्यास और रावी के बीच का जो मैदानी भाग है उसको क्या कहा जाएगा, उसको बारी मैदान कहा जाएगा, बारी के दोआब कहा जाएगा। ओके, उसका तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है रचना दोआब। तो रचना दोआब कैसे बनेगा, ये रावी और चेनाब ये दोनों से मिलकर बने, तो रावी रिवर और चेनाब रिवर इनका जो क्षेत्र है उसको रचना दोआब कहा जाता है, ठीक है। चौथा दोआब जो है वो है छज दोआब। छज दोआब जो है ये बेसिकली चेनाब और झेलम इनके डिपोजिशन के कारण या इनके बीच का क्षेत्र है चेनाब और झेलम, तो वहां से आपको क्या बना है, वहां से आपको छज दोआब आपको बना है। अगला जो दोआब है वो है सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब जो है झेलम, चेनाब और इंडस इन 3 रिवर के डिपोजिशन के कारण आपको क्या बनता है, सिंध सागर आपको बनता है। पांचों जो दोआब है वो आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये दोआब्स हैं, इनके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर आपको आ जाते हैं। तो ये इस तरह से राजस्थान, ब्रह्मपुत्रा, ग्रेट गंगा और पंजाब हरियाणा के 4 इंपॉर्टेंट मैदानी भाग हमारे भारत के हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमारे भारत के ज्योग्राफी के आप एक तरह से आपको बोल सकते हैं। उसी के साथ में अनअकैडमी का, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी, वेलकम टू अनअकैडमी। MBPSC प्रीलिम्स जो है 21 मई को और आज हो चुका है 1 मई, मात्र 20 दिन आप लोगों के लिए बचे हैं और इस 20 दिन में हम लोग रिग्रेसिव तरीके से MPPSC TAT के वीडियोस लाने वाले हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि 3 वीडियोस में रोज लेके आऊं, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब 1000 तो व्यूज क्रॉस होना ही चाहिए, जो नहीं हो रहे तो कोशिश करो कि 1000 व्यूज क्रॉस हो जाए। और उसके अलावा वीडियो के आखिरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर आप लोगों के लिए है, तो उस ऑफर को मिस मत कीजिएगा। अनअकैडमी बहुत बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए लेके आया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के इंपॉर्टेंट डांसेस के बारे में, जो महत्वपूर्ण नृत्य होते हैं भारत में, पूरे भारतवर्ष के जो डांस हैं उनको हम लोग सिर्फ एक वीडियो में देखने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है कि छोटी छोटी क्लिप्स आपको होंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला डांस, और उसको कहा जाता है रऊफ या धुमकल के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स आपको रहती है वो ट्राइब्स रऊफ या जो दुमकल नृत्य है इस दुमकल नृत्य को करती है। अगला जो इंपॉर्टेंट डांस है वो डांस है कथक, जो उत्तर प्रदेश और ऑलमोस्ट मतलब नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन कई सारे रीजंस में आपको होता है, बट उत्तर प्रदेश उसका बेस माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कथक जो है वो
भारत के क्लासिकल डांस, जो नौ क्लासिकल डांस है भारत के, उनमें से एक क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का कथक, और जो एक समय पर मुगल दरबार में भी काफी फेमस आपको हुआ करता था। और साथ ही इसके अंदर रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज है, उन स्टोरीज पे जो नर्तक है वो बहुत शानदार डांस करते हैं। तो कथक डांस उत्तर प्रदेश का, विच इज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अगला जो डांस है वो डांस है बिहू, और बिहू डांस बिलोंग करता है असम को, स्पेशली वहां पर जब फसल कटाई होती है तो उस समय पर बड़े लेवल पे वहां के जो ट्राइबल और बाकी आम लोग जो है वो बिहू डांस आपको करते हैं। बहुत फेमस है बिहू का, असम का बिहू डांस। अगला जो नृत्य है मध्य प्रदेश का वो है सत्तारिया, और सत्तारिया डांस बिलोंग करता है आपके भारत के असम स्टेट को, और साथ में सतारिया जो है वो एक क्लासिकल डांस है इंडिया का। तो बिहू और सतारिया ये दोनों डांस बिलोंग करते हैं आपके असम को। अगला जो नृत्य है वो नृत्य है आपका ओडिसी, और ओडिसी नृत्य बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पहले टेम्पल्स में या मंदिरों में किया जाता था, और इनको करने वाली जो महिलाएं हैं उनको महारिस के नाम से जाना, तो वुमन सर कॉल्ड द महारिस, जो इस डांस को करती। तो टेंपल में डांस होता था क्योंकि साउथ इंडिया में स्पेशली कई सारे इस प्रकार के डांसेस वगैरह आपको पहले किए जाते थे, तो उनमें से एक डांस है ओडिसी, जो भारत के क्लासिकल डांस में से आपको एक है। उसी के साथ में नॉर्थ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट डांस है, उस नाम का उस डांस का नाम है छाऊ, CHAAU, क्योंकि थोड़ा सा मैं उसके बारे में इसमें डालना भूल गया हूं तो आप अलग से लिख लीजिएगा। तो स्पेशली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और इन रीजंस में छाऊ करके जो इंपॉर्टेंट डांस है वो डांस भी आपको होता है, जो भारत का क्लासिकल डांस या फिर आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य आपको है। अगला जो डांस है वो अगला डांस बिलोंग कर है वो है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी बिलोंग करता है हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट को, आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है, और ये भी भारत के जो क्लासिकल डांस है उन क्लासिकल डांसेस में से यहाँ पर आपको एक है। अगला जो इंपॉर्टेंट डांस है भारत का वो डांस है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का फेमस डांस है और भारत के सबसे बेहतरीन डांसेस में से आपको एक होता है। ये तमिलनाडु के अंदर काफी समय से किया जा रहा था, लेकिन 19 सेंचुरी के बाद, 19 सेंचुरी में स्पेशली आपके तंजोर और आसपास के क्षेत्र में इस डांस को बहुत बड़े लेवल पे किया गया था या बड़े लेवल पे इसको प्रमोट किया। तो भरतनाट्यम बिलोंग टू द तमिलनाडु, जो भारत के क्लासिकल डांस में से एक है। अगला जो इंपॉर्टेंट डांस है वो डांस है आपका कथकली, बड़ा फेमस डांस है और मेरा ये फेवरेट डांस है। मैं बचपन में दूरदर्शन पे कुछ ऐसे रात को प्रोग्राम्स आते थे जहां पे कथकली होता था और बड़ा एंजॉय करता था, समझ में कुछ नहीं आता था लेकिन मुझे तो पता नहीं क्यों देखने में कथकली जो है वो बड़ा अच्छा लगता था। तो केरल को बिलोंग करता है और ये भी भारत के जो क्लासिकल डांस है उन क्लासिकल डांस में से यहाँ पर आपको एक है। अगला जो इंपॉर्टेंट डांस है भारत का वो है मोहिनीअट्टम, और ये भी बिलोंग करता है केरला से। तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों क्लासिकल डांस है, तो एक केरल स्टेट के अंदर दो क्लासिकल डांस या दो शास्त्रीय नृत्य आपको है। तो मोहिनीअट्टम इज वेरी फेमस डांस जो केरल के अंदर आपको होता है। खैर इनके बारे में डिटेल हम लोग अलग अलग वीडियोज में देखेंगे। ओके, अगला जो डांस है वो है लावणी, महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट डांस है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक डांस आपको होता है महाराष्ट्र का। ऑब्वियसली बात, ये क्लासिकल डांस में आपको नहीं है, तो लावणी बिलोंग करता है महाराष्ट्र को। अगला जो इंपॉर्टेंट डांस है वो है गरबा नृत्य, और गरबा नृत्य का बिलोंग करता है भारत के गुजरात स्टेट को, स्पेशली नवरात्रि के टाइम पर इस डांस को किया जाता है, लेकिन हमारे जेठा भाई और बाकी लोग तो इसको कभी भी कर लेते हैं। खैर ये डांस कभी भी हो सकता है, बट बेसिकली इट बिलोंग टू द कि आपको उसको नवरात्रि में ही किया जाता है ना, तो उसको दो तरीके से, एक डांडिया से और एक बिना डांडिया से, ताल और डांडिया दो तरीके से इस डांस को परफॉर्म आपको किया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट डांस है भारत का वो है घूमर, और घूमर बिलोंग करता है राजस्थान को, राजस्थान का क्लासिकल डांस है, स्पेशली जो राजपूत डांस है तो उनमें से एक डांस आपको माना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड द राजपूत डांस, ये ना घूमर डांस है। अगला नृत्य है वो है भांगड़ा, और भांगड़ा बिलोंग करता है हमारे पंजाब स्टेट को, बड़ा फैसिनेटिंग सा स्टेट आपको है पंजाब, जहां पे भांगड़ा और गिद्धा दो डांस है, मतलब गिद्धा भी एक तरीके से भांगड़ा का एक फॉर्म आपको होता है। तो ये तमाम भारत के जो क्लासिकल डांस या आपके नृत्य आपको हुआ है। उसके अलावा एक और डांस है वो है मणिपुरी, और मणिपुरी डांस करता बिलोंग करता है आपके मणिपुर स्टेट को। तो इस तरीके से ये तमाम भारत के इंपॉर्टेंट डांसेस आपको हुए। अब इनमें से क्लासिकल डांस कौन कौन से मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, आप नोट करिएगा, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, छाऊ, कथकली, सतारिया, और आपका सतारिया, ये छह डांस, नौ डांस जो है ये बिलोंग करते हैं आपके, सॉरी 8 डांस है ये बिलोंग करते हैं आपके क्लासिकल डांस को, जो बहुत पुराने शास्त्रीय नृत्य के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको डांसेस हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी, वेलकम टू अन अकेडमी। एमपीपीएससी TAT का पार्ट 13 आ चुका है, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉम्स एंड सेनेटर फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मकबरे
और छतरियों के बारे में। अब देखो पहली मैं थोड़ा सा आपको छतरी और मकबरे में अंतर आपको बता देता हूँ। दोनों लगभग एक ही पर्पज से यहाँ पर आपको होते हैं, लेकिन जो मकबरा है स्पेशली मुस्लिम्स को जब दफनाया जाता है तो उनको दफनाने के बाद उसको मकबरा कहा जाता है, लेकिन यही कल्चर जब स्पेशली मराठाज या जो राजपूत हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये हिंदूज थे और उनको जलाया जाता था, तो जहां पर इनको जलाया जाता था, जहां पर इनका क्रिमेशन किया जाता था, उसी के ऊपर सेनेटर या छतरी बनाई जाती थी। ऐसी कई सारी छतरियां, कई सारी जो टॉम है वो हमारे मध्य प्रदेश में आपको लोकेटेड है। एक एक करके उन तमाम छतरियों के बारे में, तमाम टॉम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज या जिले वार आपको डिवाइड कर दिया है ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने में आपको थोड़ी सी चीजों में आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, और छतरपुर जिले के अंदर तीन महत्वपूर्ण जो छतरियां हैं, तीन महत्वपूर्ण छतरियां लोकेटेड है, जिसमें पहली जो छतरी लोकेटेड है वो है महारानी कमलापति की। और महारानी कमलापति ये एक तरीके से जो राजा छत्रसाल हैं, छत्रसाल की पत्नी हुआ करती थी, और इनका एक ऑक्टोगोनल शेप का या अष्टभुजाकार एक शिला, एक क्या बोल सकते हैं अब आपका जो जो सेनेटफ है या छतरी है, छतरी आपके आपके छतरपुर के अंदर आपको स्टैब्लिश की गई है पूरी तरीके से बुंदेला आर्किटेक्चर के ऊपर। ये छतरी आपको स्टैब्लिश आपको की गई तो पूरी तरह से बुंदेला आर्किटेक्चर है। अगली जो छतरी है वो महाराजा छत्रसाल की छतरी है, और ये छतरी का स्टैब्लिशमेंट या इसकी जो इसको बनाया था खुद आपके बाजीराव पेशवा फर्स्ट ने बनवाया था, क्योंकि बाजीराव फर्स्ट जो है उन वो अपने मतलब एक तरह से महाराजा छत्रसाल जो है वो उनको अपना बेटा मानते थे। तो महाराजा छत्रसाल के तीन बेटे थे, एक का नाम था हृदय शाह, जगतराम, और जगतराम के बाद आपके बाजीराव पेशवा जिनको एडॉप्टेड सन था। बाजीराव पेशवा वाज मैरिड टू मस्तानी बाई, जो पूरी स्टोरी आपने सुनी होगी। तो ये लोकेटेड है आपके छतरपुर जिले के अंदर, छतरपुर के अंदर भी धुबेला ताल करके एक जगह है, तो धुबेला ताल नाम की जगह पे इसको स्थापित किया गया। तो ये दोनों छतरी आपके छतरपुर में है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट छतरी है वो है महाराणा प्रताप सिंह जो है, प्रताप सिंह की छतरी आपको बनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट छतरी आपको बनी है। तो ये राजा प्रताप सिंह जो यहाँ के लोकल राजा थे उनकी एक छतरी यहाँ पे स्थापित है, ठीक है। अगली ये तीन छतरी हुई आपके छतरपुर की। अब हम लोग बात करते हैं राजगढ़ जिले के बारे में, तो राजगढ़ जिले के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट छतरी आपको मिलेगी। एक छतरी राजगढ़ जिले के अंदर, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको बनी हुई है, वो है श्याम जी की छतरी। अब देखो श्याम जी जो थे ये राजगढ़ के नरसिंहपुर जो स्टेट था वहाँ के लोकल राजा, लोकल किंग्स हुआ करते थे, और जब इनकी डेथ हुई तो इनकी डेथ के बाद इनकी जो पत्नी है उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा जो मंदिर है, एक मंदिर मतलब छतरी बनाई, छतरी के ऊपर एक मंदिर का निर्माण आपको किया, और यहाँ से कई तरह के जो म्यूजिक्स हैं या जो संगीत वगैरह है उस संगीत को यहाँ पर आपको प्रोपोगेट किया। तो राजा श्याम सिंह की छतरी एस्टैब्लिश है आपके राजगढ़ के अंदर। अगली जो छतरी है वो है रानी रूपमती और बाज बहादुर की छतरी, और ये छतरी लोकेटेड है सारंगपुर के अंदर। तो राजगढ़ जिले के अंदर तहसील है सारंगपुर, यहाँ पर रानी रूपमती और बाज बहादुर की छतरी आपको एस्टैब्लिश है। अब देखो इस छतरी की थोड़ी स्टोरी यहाँ पर आपको ये है कि जब बाज बहादुर का जब समय आया या बाज बहादुर का जब मालवा के अंदर आपको शासन था, तो मालवा से भाग के या मालवा का जो कैपिटल था उस कैपिटल को उसने यहाँ पर आपको शिफ्ट किया आपके सारंगपुर में, और यहीं से उसने अपना राज चलाना आपको शुरू किया। और इसी समय पे यहाँ पे अकबर के द्वारा यहाँ पर जो अटैक है, अकबर के द्वारा अटैक किया जाता है, और उस अटैक के अंदर जो रानी आपके जो रूपमती है, रूपमती वहाँ से भाग निकलती है, और उसके बाद जहर खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि जो आपके जो जो बाज बहादुर थे वो अकबर के दरबार में कुछ समय आपको रहे, और उसके बाद जो आपके बाज बहादुर हैं ये बेसिकली इनकी जब डेथ हुई तो इनकी डेथ के बाद भी इनको सारंगपुर के अंदर यहाँ पर आपको इनको भी दफनाया गया। तो इनकी जो छतरियां हैं तो उसमें जो बाज रानी रूपमती की जो छतरी है उसको कहा जाता है शहीद वफा, और जो बाज बहादुर की जो छतरी है उसको कहा जाता है आशिके सादिक। तो इन दोनों की छतरियों को दो नाम दिए गए हैं, रूपमती की छतरी को शहीद वफा और बाज बहादुर की छतरी को नाम दिया गया है आशिके सादिक। दोनों चीजें याद रखिएगा। अगला जो छतरी है वो आपके लोकेटेड है हरदा के अंदर, और हरदा के अंदर भी हरदा के पास में एक जगह है हंडिया, तो हरदा के पास में एक हंडिया है, तो हंडिया के अंदर ये जो छतरी है, छतरी आपको लोकेटेड है, और ये छतरी किसी छोटे मोटे व्यक्ति के नहीं है, ये छतरी है मुल्ला दो प्याजा की। मुल्ला दो प्याजा कौन थे? अकबर के बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे, अकबर के जो नवरत्न है वो नवरत्न में से एक थे, उनकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, और फिर उसके बाद इनकी जो छतरी अब्दुल मोमी या मुल्ला दो प्याजा उनकी छतरी का यहाँ पर आपको एस्टैब्लिशमेंट किया। कई सारे लोकल लोग इसको पीर की छतरी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉम है मध्य प्रदेश के अंदर, ये तो हंडिया के अंदर आपको हुआ, अगला जो इम्पोर्टेंट टॉम है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर आपको लोकेटेड है, और यहाँ पर जो टॉम है
ये है बिल्किस बानो बेगम का, ठीक है। तो बिल्किस बानो बेगम की एक जो छतरी है, वो छतरी यहाँ पर एक बोल सकते हैं जो टॉम है, टॉम आपको एस्टैब्लिशमेंट है। अब देखो ये जो टॉम है, ये बेसिकली जो मुगल जो सूबेदार हुआ करते थे शाह शुजा, तो शाह शुजा की पत्नी हुआ करती थी ना, एक तरह से जो शाहजहा और मुमताज है तो उनका बेटा जो था शाह शुजा, तो शुजा की जो पत्नी थी बिल्किस बानो बेगम, उनकी यहाँ पर आपको मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो छतरी है वो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में एस्टैब्लिश की गई। तकरीबन ना बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बिल्डिंग है, और जहाँ पर ये छतरी बनाई गई या टॉम बनाया गया सॉरी, उस टॉम के साथ में एक खरबूजा महल भी लोकेटेड है। एक खरबूजा महल धार में है, एक खरबूजा महल आपके बिल्किस बानो के मकबरे के अंदर आपको लोकेटेड है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट जो छतरी मध्य प्रदेश में या छतरी या टॉम आपको एस्टैब्लिश की गई, चल भाई आगे चल, है ना। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉम है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंदर। अब देखो इंदौर जो है वो होलकर उसका एक तरीके से आपको केंद्र रहा है, पर इंदौर में कई सारी छतरियां बनी। एक छतरी समूह इंदौर में है जिसको कृष्णपुरा की छतरिया कहा जाता है। यहाँ पर जो इंदौर की जो बेगम थी कृष्णाबाई होलकर, उसके साथ में तुकोजी राव होलकर और शिवाजी राव होलकर, तीनों की छतरियां एक साथ बनी है जिसको कृष्णपुरा की छतरिया कहा जाता है। खान नदी के किनारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद यहाँ पर एक और छतरी है बोलिया सरकार की छतरी, जो यहाँ के लोकल सूबेदार हुआ करते थे तो बोलिया सरकार, तो उनकी छतरी लोकेटेड है आपके इंदौर के अंदर। उसके साथ में इंदौर में एक जगह छतरी बाग, तो छतरी बाग में कई सारी छतरियां लोकेटेड है, जिसमें स्पेशली जो मल्हारा होलकर की जो पत्नी है गौतमाबाई होलकर, उनके बेटे खांडेराव होलकर की, और उसके साथ में मल्हार राव होलकर की भी छतरी यहाँ पर आपको लोकेटेड है। अब बोलोगे सर वे मल्हारा होलकर की छतरी तो हमने पढ़ा है आलमपुर में लोकेटेड है, आलमपुर भिंड में लोकेटेड, बिल्कुल उनकी छतरी वहीं पर आपको लोकेटेड है। लेकिन उनकी जो बहू थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने सेरेमोनियल तरीके से एक छतरी यहाँ पर भी स्टैब्लिश की। कभी एग्जाम में आए तो आपको आलमपुर भिंड ही लगाना है, ये नहीं लगाना है। तो छतरी बाग के अंदर कई सारे एक तरीके से बोल सकते हैं रॉयल जो खान रॉयल एक तरीके से जो कब्रिस्त रॉयल जो शमशान है, तो रॉयल शमशान के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इंदौर की छतरियां हो गई। उसके बाद कुछ छतरियां लोकेटेड है धार के अंदर, धार जिले के अंदर। धार जिले के अंदर जो पहली छतरी लोकेटेड है वो है मलिक मोगी नाम के एक अधिकारी हुआ करते थे, और मलिक मोगी जो है ये आपके जो उस समय पे जो दिल्ली मालवा सल्तनत हुआ करती थी, तो उस मालवा सल्तनत के बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको व्यक्ति थे, ठीक है। ये थे फादर आपके महमूद खिलजी के, मोहम्मद खिलजी जिसने गोरी डायनेस्टी को खत्म करके आपका अलग से फिर खिलजी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया मालवा में। बट मेन जो रोल है वो होता है मलिक मोगी का, या इनको मलिक मुतिक के नाम से भी जाना जाता है। ही अडॉप्ट द टाइटल ऑफ द आजम हुमायूं, और इनके बेटे ने ही इनको आजम हुमायूं का जो टाइटल है वो टाइटल आपको दिया था। तो आपके महमूद खिलजी के बेटे महमूद खिलजी के जो पिता हैं मलिक मुतिक, उनका टॉम आपको लोकेटेड है आपके धार के अंदर। स्पेशली ये लोकेटेड धार सिटी के अंदर ही इसको स्टैब्लिश किया गया है। अगली जो इंपॉर्टेंट छतरी है धार जिले में वो है महमूद की छतरी। महमूद मतलब कौन? महमूद मतलब महमूद खिलजी जो है। महमूद खिलजी की जब डेथ हुई तो महमूद खिलजी को धार के जो मांडू है, मांडू के अंदर आपको दफनाया गया, और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट से छतरी बनाई गई। अब छतरी देखो, ये इमेज आपको दिख रही है तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय अभी अभी के टाइम पर आपको हो चुकी है। पीछे एक जो बड़ा सा पिलर आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली महमूद खिलजी ने जब आपके राणा सांगा के साथ जब आपको लड़ाई राणा कुंभा के साथ जब आपको लड़ाई की, और राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो बड़ा सा विजय स्तंभ बनाया, तो उसके बदले ये भी एक विजय स्तंभ बनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टैब्लिश उसको या फिर आपको नहीं बना पाए। अगली जो इंपॉर्टेंट टॉम है मध्य प्रदेश में वो है महमूद शाह की, होशंग शाह की आपको टॉम। और होशंग शाह कौन थे? होशंग शाह यहाँ के दूसरे राजा थे। पहले राजा थे दिलावर खां मालवा सल्तनत के, और उसके बाद दूसरे राजा हुए होशंग शाह। बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, और इसको भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग माना जाता है जो संगमरमर से आपको बनी है। तो संगमरमर से बनी पहली बिल्डिंग आपको है, और इसका निर्माण शुरू किया था आपके होशंगा शाह गौरी ने खुद ने, लेकिन बाद में महमूद खिलजी ने इसका कंस्ट्रक्शन आपको कंप्लीट किया इन द 1440। और माना जाता है कि जो ताजमहल का निर्माण हुआ तो ताजमहल का बेसिक स्ट्रक्चर होशंगा शाह के नाम या होशंगा शाह का जो मकबरा है इसी से लिया गया था। स्पेशली इस मकबरे के साथ में एक अलग से एक इंस्क्रिप्शन लगा है जहां पर शाहजहां के कुछ अधिकारियों की यहाँ पर विजिट की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अगला जो मकबरा है मध्य प्रदेश में वो है दरिया खां का टॉम, या दरिया खां का मकबरा। अब देखो जो दरिया खां थे
सुल्तान जो महमूद सेकंड थे, सुल्तान महमूद सेकंड जो मालवा सल्तनत के अंदर हुआ करते थे, उनके बड़े एक इंपॉर्टेंट दरबारी हुआ करते थे और उनके नाम से या उनके लिए स्पेशली ये दरिया खां का मकबरा बनाया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है यहाँ पे दरिया खां का मकबरा, उनके अधिकारी हुआ करते थे। अगला इंपॉर्टेंट जो जिला है, धार जिला तो हमारा हो गया, धार के बाद हम आते हैं जबलपुर के अंदर। तो जबलपुर के अंदर जो छतरी लोकेटेड है वो है समाधि रानी दुर्गावती की। खैर समाधि तो यहाँ पर आपको नहीं बनी है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक तरीके से उनके जब उन जहां पर उनकी मृत्यु हुई ना, उस जगह का नाम है बरेला। तो जहां पर उन्होंने असफ खान के साथ जब बैटल लड़ा था और उस बैटल के प्लेस पे जहां पर वो बैटल हुआ था और वहां पर रानी दुर्गावती के जहां पे मृत्यु हुई, उसी जगह पे बाद में जाके जो राणा जो राजा के जो सिंधियाज हैं उनके टाइम पर एक इंपॉर्टेंट छतरी जो है, छतरी का निर्माण यहाँ पर आपको किया गया। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट छतरी है वो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंदर, और खरगोन जिले के अंदर छतरी है आपके अहिल्याबाई होलकर की, और ये लोकेटेड है आपके महेश्वर नाम की जगह पे जहाँ पर माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हुई, और वहीं पर इनकी जो छतरी है इस छतरी का निर्माण किया, वहां पर जो महेश्वर का जो फोर्ट है उस फोर्ट के किनारे ही इस छतरी को एस्टैब्लिश किया गया। अगली जो इंपॉर्टेंट छतरी है मध्य प्रदेश के अंदर, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर, और ग्वालियर जिले के अंदर जो पहली इंपॉर्टेंट जो छतरी है वो छतरी है आपके भीम सिंह राणा की छतरी। अब भीम सिंह राणा अगर देखा जाए तो ग्वालियर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको है, और ये जो राणा भीम सिंह है ये ग्वालियर के अंदर यहाँ के राजा हुआ करते थे एक तरीके से, जो गोहद करके जगह है ग्वालियर के पास में, तो गोहद का जो किला है, गोहद के जो राजा हैं, जब उन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया तो उस समय पे वहाँ के राजा की यहाँ पर आपको मृत्यु हुई, और वहां पर भी भीम सिंह राणा की जो छतरी है वो ग्वालियर में एस्टैब्लिश की गई। ग्वालियर में अगली जो टॉम्ब है वो है तानसेन का मकबरा। तो सम्राट जो है संगीत के तानसेन, उनका जन्म हुआ था ग्वालियर के पास में एक बेहट नाम की जगह, और यहीं पर फिर उनकी मृत्यु के बाद उनका जो एक मकबरा है, इस मकबरे को एस्टैब्लिश किया गया। इनके साथ इनके जो गुरु थे गौस मोहम्मद, तो उनका मकबरा भी एस्टैब्लिश किया। तो तानसेन और गौस मोहम्मद दोनों का मकबरा एस्टैब्लिश किया, पूरी तरीके से मुगल आर्किटेक्चर के अंदर ये मकबरा आपको एस्टैब्लिश है, और बहुत सुंदर बिल्डिंग है। इनके साथ में इनके गुरु का मकबरा है वो भी यहाँ पर आपको लोकेटेड है। तो याद रखना तानसेन और गौस मोहम्मद दोनों का मकबरा आपको लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी आपको बनी है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई तो उसके बाद उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पे किया गया था, और जब होलकर जब सिंधिया पीरियड आया तो माधवराव सिंधिया सेकंड ने आपके रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, इस समाधि का निर्माण आपके ग्वालियर के अंदर फूलबाग नाम की एक जगह पे किया। उसके बाद ग्वालियर के अंदर एक और छतरी है, और उस छतरी को कहा जाता है आंतरी का छतरी। अब देखो जो आंतरी का छतरी है ये बेसिकली माना जाता है कि यहाँ पर जो अबुल फजल जो है, अबुल फजल का यहाँ पर आपको छतरी था। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल भी अकबर के बड़े जो नवरत्न है उन नवरत्नों में से एक हुआ करता। अब देखा ना मुल्ला दो प्याजा, तानसेन या अबुल फजल, कई सारे मुगल जो दरबारी हैं, मुगल के स्पेशली मुगलों के जो बड़े अधिकारी हैं उन अधिकारियों की छतरी या उनके जो नवरत्न है उनमें से कई सारे लोगों की छतरियां मध्य प्रदेश में बनी है। तो इनकी मृत्यु होती है आपके ग्वालियर के पास में एक जगह आंतरी, और आंतरी इट्स लोकेटेड इन द भितरेश्वर करके एक जगह है। तो भितरेश्वर के अंदर आपको ये जगह आपको लोकेटेड है, और जो आइन अकबरी और अकबर नामा के जो राइटर है उनकी यहाँ पर आपको हत्या की गई थी, और इनकी हत्या की थी आपके ओरछा के राजा वीर सिंह जो देव ने, जिनको जहांगीर ने इनकी हत्या करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर उनकी जो छतरी है या एक तरह से टॉम्ब है, टॉम्ब अकबर ने बाद में यहाँ पर आपको बनवाई। तो आंतरी की छतरी बहुत ही सिंपल सी बिल्डिंग यहाँ पर आपको बनी हुई है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है आपका शिवपुरी, और शिवपुरी के अंदर दो तीन इम्पोर्टेंट छतरी है। सबसे पहले यहाँ पर छतरी है आपके जो सिंधिया राजा हैं, तो सिंधिया राजाओं की यहाँ पर आपको छतरी बनी है। स्पेशली यहाँ पर जो संख सागर करके एक लेक है, उस रेक के किनारे शिवपुरी के अंदर छतरियां बनी, जहां पर जो आपके इनके रॉयल फैमिली थी, तो रॉयल फैमिली के जो भी व्यक्तियों की डेथ होती थी उनकी छतरी यहां पे बनाई जाती थी, जिसमें स्पेशली जो सिंधिया क्वीन हुआ करती थी उनका नाम था सांख्य राज्य सिंधिया, तो उनकी एक बड़ी सी छतरी जो है शिवपुरी में आपको बनाई गई है। उसके बाद जब आपके तात्या टोपे की जब मृत्यु हुई, तात्या टोपे की मृत्यु के बाद तात्या टोपे की समाधि, क्योंकि उनको 18th of April 1859 को उनकी शिवपुरी के अंदर जहाँ पर छतरी बनी है उसी की जगह पर उनकी हत्या कर दी गई, उनको किल कर दिया गया, और उसके बाद उनकी जो छतरी है उनकी छतरी यहाँ पर आपको बनाई गई। तो ये छतरी काफी लेटर पीरियड में आपको बनी। अगले छतरी की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, या अगले टॉम की अगर बात करें,
तो अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट जिला है, अगला जिला है आपका निवाड़ी, और निवाड़ी के अंदर लोकेटेड है ओरछा, और ओरछा के अंदर लोकेटेड है कंचन घाट, जहां पर कई सारे यहाँ के जो एक तरीके से बोलते हैं रॉयल शमशान के रूप में एस्टैब्लिश किया, द प्लेस इज कॉल्ड द कंचन घाट, बेतवा नदी के किनारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपको प्लेस है, यहाँ पर जितने भी राजाओं की मृत्यु हुई है तो मैक्सिमम राजाओं की जो छतरी है वो ओरछा के अंदर आपको मिली, तो ओरछा की जो छतरियां हैं ये बेसिकली जानी जाती हैं अपने स्पेशली अपने जब यहाँ के जो रॉयल किंग्स हैं उनकी छत्रियों के लिए या उनके अंतिम संस्कार के लिए इसको जाना जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट छत्री है मध्य प्रदेश के अंदर वो है भिंड जिले के अंदर, और भिंड जिले के अंदर छत्री लोकेटेड है आपके हमारे जो मल्हार राव होलकर है, मल्हार राव होलकर की। अब देखो मल्हार राव जो होलकर हैं इनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर एक युद्ध लड़ने, एक बैटल लड़ने आपको गए थे, और उस दौरान यहाँ पर इस एरिया से जब गुजर रहे थे तो यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में फिर उनकी जो बहू है अहिल्याबाई होलकर उन्होंने मराठा आर्किटेक्चर के अंदर इस सुंदर सी छतरी का निर्माण यहाँ पर आपको किया। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट जो छतरी है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है बुरहानपुर के अंदर, बुरहानपुर में कई सारी छतरियां आपको लोकेटेड है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस लोकेटेड है यहाँ पे वो है दोस्त मोहम्मद खान और आपके जो फतह बीबी है इनका मकबरा लोकेटेड है। थोड़ा सा देखो यहाँ पर आपको चीजें गलत हो गई है, एक्चुअली ये लोकेटेड है भोपाल के अंदर, गलती से बुरहानपुर में चला गया है, और अगर मैं उसको रोक के ठीक करूंगा तो पूरा वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब लिख लो ये लोकेटेड है आपके इस्लाम नगर नाम की जो इसको हम जगदीशपुर के नाम से जानते हैं, तो वहां पर लोकेटेड ये छतरी, और ये छतरी है आपके भोपाल के फाउंडर दोस्त मोहम्मद खान और उनकी जो पत्नी है फतह बीबी, जिनके नाम से वहां पर फतहगढ़ का फोर्ट बनाया गया, तो उनके नाम से ये मकबरा बनाया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है दौलत खां का मकबरा। अब देखो दौलत खां जो थे इनका मकबरा लोकेटेड है आपके बुरहानपुर के अंदर, है ना, वो आप ठीक कर लेना, बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स है वो आपके बुरहानपुर में, तो बुरहानपुर के अंदर दौलत खां का मकबरा है, और जो बुरहान दौलत खां जो थे ये शाहजहां के अधिकारी हुआ करते थे, उनके बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे, जहां पर जब साउथ का कैंपेन आपके शाहजहां ने स्टार्ट किया तो उस समय पर दौलत खां लोधी जो है उन्होंने इनकी बहुत यहाँ पर आपको मदद यहाँ पर आपको की, और एक समय पर शाहजहां ने उनको दौलत खां लोधी को बुरहानपुर का गवर्नर भी आपको नियुक्त किया था, फिर उनकी मृत्यु यहीं पर हो गई। इसको आप मुगल जो सल्तनत पीरियड के अंदर जो दौलत खान लोधी है उनसे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट जो टॉम है वो है आपके शाहनवाज खान की टॉम, और शाहनवाज खान की जो टॉम है इस टॉम को ब्लैक मकबरा के रूप में या ब्लैक ताजमहल के रूप में इसको यहाँ पर आपको माना जाता है। अब ब्लैक मकबरा इसलिए या ब्लैक ताजमहल इसलिए कि पूरी तरीके से जो ताजमहल है उसी के डिजाइन में उसी के तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई थी। एक्चुअली ये आपके जो शहनवाज खान है, शहनवाज खान का मकबरा है, और शहनवाज खान ही वॉज द सन ऑफ अब्दुल रहीम खाने खान, तो अब्दुल रहीम खाने खान का जो बेटा था शहनवाज खान, जब इनकी मृत्यु हुई 1622 में 1622 में, तो उसके बाद उनके पिता जो थे अब्दुल रहीम खाने खान जो इसी एरिया के अंदर आपको थे, और ये बात आपके जहांगीर के टाइम पर आपको है, तो जहांगीर के टाइम पर उनकी जो मृत्यु हुई वो उनके बेटे के लिए उन्होंने ये जो ब्लैक टॉम है या बोल सकते कि ब्लैक ताजमहल है इसका निर्माण किया। खैर इसको ब्लैक ताजमहल लोग ही बोलते हैं, बट इसको शाहनवाज खान का मकबरा आपको कहा जाता है। तो अब्दुल रहीम खाने खान का जो बेटा है उनका मकबरा आपको लोकेटेड, और पूरा ये मकबरा ब्लैक सैंडस्टोन या जो काला संगमरमर का जो काला जो पत्थर है, काला जो ब्लैक सैंडस्टोन है, उस ब्लैक सैंडस्टोन से बनाया गया, इसलिए इसको काला ताजमहल के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट मकबरा है आपके बुरहानपुर शहर के अंदर, बुरहानपुर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर लंबे समय तक मुगलों का और बाकी कई सारी जो अलग अलग सल्तनत हैं उनका शासन आपको रहा। ठीक है, अगला जो है वो है परवेज का मकबरा। अब देखो परवेज जो थे, परवेज कौन थे, परवेज आपके मुगल जो गवर्नर थे, मुगल आप बोल सकते हैं कि मुगल जो प्रिंसेस थे, मुगल प्रिंस हुआ करते थे, मुगल हिंदी में अगर बोले तो मुगल एक हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम आता है, प्रिंस हुआ करते थे, समझते हैं राजकुमार हुआ करते थे, तो ये जहांगीर के बेटे थे, और इनकी मृत्यु 1610 में 1610 के अंदर जहांगीर के बेटे के मृत्यु इसकी मृत्यु हो जाती है आपके बुरहानपुर पर, यहीं पर उनके नाम से ये टॉम बनाएगी। कुछ ऐसी कंडीशन है अभी टॉम की, इसको रेनोवेट वगैरह सरकार ने अभी तक किया नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉम है वो है घोसीवाड़ा की सराई। तो घोसीवाड़ा की सराई एक बिल्डिंग है, बेसिकली ये भी एक तरह का जो टॉम है या एक तरह से मकबरे के टाइप आपका घोसीवाड़ा को यहाँ पर आपको बनाया गया है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द बुरहानपुर। तो बुरहानपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर इस प्रकार की कई सारी प्लेसेस आपको बनाए, और बुरहानपुर में ये जो घोसीवाड़ा की जो सराय है ये नसीरुद्दीन फारूकी नाम के जो व्यक्ति थे
जिन्होंने जैनाबाद शहर यहाँ पर आपको बनाया था, तो उनके जो संत थे उनके नाम से इसको स्टैब्लिश किया। तो घोसीवाड़ा के सराई है जहाँ पे सराय के साथ में एक मकबरा भी है, इसका निर्माण करवाया था राजा अली खान ने, जब उनके जो गुरु थे सूफी संत आपका जियालुद्दीन सिराजी उनकी मृत्यु हुई तो उनकी याद में इस मकबरे का निर्माण किया। अगला जो इम्पोर्टेंट समाधि है वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के सीहोर में, और सीहोर के अंदर कुंवर चैन सिंह की छतरी आपको लोकेटेड है। कुंवर चैन सिंह, इनको मध्य प्रदेश का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता था। ब्रिटिशर्स के साथ में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो बैटल है, एक इम्पॉर्टेंट आपको बैटल आपको यहाँ पर आपको लड़ा, और उस बैटल के अंदर इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में कैप्टन मैडॉक जो अंग्रेज अधिकारी थे उन अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मैडॉक के साथ में यहाँ पर आपको लड़ाई लड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इस लड़ाई के अंदर आपको मृत्यु हो जाती है। 24 जुलाई 1828 को ये बैटल लड़ा गया, और उसके बाद में बहुत बाद में यहाँ पर राज्य सरकार ने उनकी याद में जो छतरी है उस छतरी का यहाँ पर आपको निर्माण किया, इसका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर आपको किया। तो ये सीहोर के अंदर एक इम्पोर्टेंट छतरी है, तो ये तमाम इम्पोर्टेंट छतरी हुई मध्य प्रदेश की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी, वेलकम टू अन अकेडमी। एमपीपीएससी टीएटी के पार्ट 14 में आपको स्वागत है, और आज का हमारा टॉपिक है म्यूजियम्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संग्रहालय। कई सारे संग्रहालय मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा संग्रहालय क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर स्थित म्यूजियम्स में। तो इंदौर के अंदर दो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, एक है होलकर म्यूजियम जो रिसेंटली 2020 के अंदर 2020 में इसका उद्घाटन किया गया, और इसके अंदर स्पेशली होलकर राजवंश से संबंधित तमाम जो चीजें हैं उन चीजों को इसके अंदर आपको रखा गया है। उसका अगला जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम है इंदौर के अंदर वो है सेंट्रल म्यूजियम, और ये काफी पुराना म्यूजियम है मध्य प्रदेश का। अब देखो, ये म्यूजियम्स बनाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसके पहले बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस म्यूजियम इसको रन रत्न मंदिर के नाम से, नर रत्न मंदिर के नाम से आपको जाना जाता था, जहां पर होलकर ने आर्ट एंड कल्चर के लिए उसकी प्रोग्रेस के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, और बाद में इसी को 1929 में 1929 में इसको एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया गया। और आसपास के जो एरियाज हैं तो उन एरियाज से जो हिंगलाजगढ़ हो गया या आसपास के और भी एरियाज हो गए, तो इन एरियाज के अंदर आपको मिलने वाले जो भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिफैक्ट्स थे या जो इंपॉर्टेंट मूर्तियां थी उन तमाम मूर्तियों को इस म्यूजियम के अंदर आपको रखा गया। तो 1929 में एस्टैब्लिश हुआ, काफी इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। अगला जो म्यूजियम है वो है महाराजा छत्रसाल म्यूजियम, या इसको हम लोग धुबेला म्यूजियम के नाम से भी आपको जानते हैं, और ये म्यूजियम आपको लोकेटेड है मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर। अब देखो, ये म्यूजियम जो है ना, ये मध्य प्रदेश के सबसे शुरुआती म्यूजियम या आजादी के बाद जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम बने थे उनमें से एक था। 1955 में इस म्यूजियम को बनाया गया राजा छत्रसाल की याद में, और यहाँ पर जितने भी आपके बुंदेला राजा थे या स्पेशली पन्ना वगैरह के, पन्ना ओरछा के जो बुंदेला राजा थे उन राजाओं की इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस म्यूजियम के अंदर आपको रखी गई। तो छत्रसाल बुंदेला म्यूजियम, छत्रसाल म्यूजियम या धुबेला म्यूजियम लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर में। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो है रानी दमयंती म्यूजियम। अब देखो, ये म्यूजियम लोकेटेड है मध्य प्रदेश के दमोह के अंदर। एक तरह से देखा जाए तो स्टेट म्यूजियम तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम आपको है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया के अंदर इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ के जो लोकल किंग्स थे उनके संबंध में चीजें जो है यहाँ पर आपको रखी गई। तो दमयंती म्यूजियम लोकेटेड है मध्य प्रदेश के दमोह में। अगला जो म्यूजियम है वो है भोजेश्वर टेम्पल म्यूजियम, या भोज म्यूजियम भी इसको कहा जाता है, और जो भोजेश्वर मंदिर है आपका रायसेन के अंदर, उस मंदिर के काफी समीप इस म्यूजियम को आपको बनाया गया है। 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया, तो इट इज लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिले में आपको लोकेटेड। तो धुबेला म्यूजियम रायसेन जिले के, सॉरी भोजेश्वर म्यूजियम रायसेन जिले में आपको लोकेटेड है। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो है उज्जैन के अंदर, और उज्जैन में भी दो तीन इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूजियम है वो है विक्रम कीर्ति मंदिर। ये मध्य प्रदेश के सबसे पुराने म्यूजियम से आपको एक है, और स्पेशली इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किया था आपके जब सिंधियास का टाइम था, तो सिंधियास के टाइम पर आपको एस्टैब्लिश किया गया था इसको, और इसमें रिसेंटली अभी कई सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका एक अलग से जो दीर्घा है वो हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी इनोग्रेट किया है, जिसके बारे में करंट अफेयर में बात भी की। तो विक्रम कीर्ति मंदिर है, एक है त्रिवेणी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। अब ये त्रिवेणी जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, ये म्यूजियम लोकेटेड है मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। उज्जैन में जो
महाकाल मंदिर है, तो उस महाकाल मंदिर के आसपास वाले रीजन में ही आपको ये बनाया। 2016 में म्यूजियम आपको बना, 2016 के अंदर सिंहस्थ के टाइम पर बनाया, और अभी महाकाल लोक और बाकी तमाम चीजें जो हैं इस त्रिवेणी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखी गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है आपके उज्जैन के। उसके बाद अगला जो म्यूजियम है वो है तुलसी रामवन म्यूजियम, और तुलसी रामवन म्यूजियम जो है ये मध्य प्रदेश का बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजियम आपको है। ये म्यूजियम लोकेटेड है मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम। अब देखो इस म्यूजियम के अंदर जो भी तुलसीदास या जो भी आपके रामायण से संबंधित जो तमाम चीजें हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर आपको रखी गई है। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो संबंधित हैं आपके रामायण से, तो तुलसी म्यूजियम लोकेटेड है आपके सतना के अंदर। अगला जो म्यूजियम है वो है साकेत म्यूजियम, और साकेत म्यूजियम लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश के ओरछा के अंदर, और यहाँ पर भी रामायण से संबंधित या तुलसीदास जी जो हैं उनसे संबंधित कई सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इस तुलसी म्यूजियम के अंदर आपको रखी गई। मेन इसका मकसद है कि तुलसीदास के जो तमाम चीजें हैं या उनके संबंधित जितने भी आपके जो उनके राइटिंग्स वगैरह हो गई, उनका लेखन हो गया, उन तमाम चीजों को धीरे धीरे यहाँ पर आपको डेवलप करना, उनको लोगों के लिए यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना। तो इसके लिए साकेत म्यूजियम जो है, साकेत म्यूजियम आपको एस्टैब्लिश किया, इसको स्थापित किया, बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। और इसके एस्टैब्लिश करने का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो जाता है आपके ओरछा, मतलब इसमें स्पेशली कपिल तिवारी जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ये आदिवासी लोक कला जो संग्रहालय अकाडमी है उसके चीफ हुआ करते, तो उनकी मदद से इस म्यूजियम को बनाया गया है। और स्पेशली इस म्यूजियम के अंदर कई सारी जो पेंटिंग्स हैं जो भगवान राम से संबंधित पेंटिंग है, जैसे स्पेशली आपके मधुबन पेंटिंग है बिहार की, जहाँ पर भगवान राम से संबंधित कई सारे चित्रण किए जाते हैं, वो इसमें शामिल है। अगला जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम है वो है गुलाब चक्कर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, और ये म्यूजियम लोकेटेड है हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम के अंदर, और ये भी काफी पुराना म्यूजियम आप इसको बोल सकते हैं। 1879 में वहाँ के लोकल राजा जो थे रतलाम के, उनका नाम था राजा रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह ने इसका निर्माण आपको किया, और उनकी जो बेटी थी गुलाब कुंवर, उस गुलाब कुंवर के नाम से इसको एस्टैब्लिश किया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो है रानी दुर्गावती म्यूजियम, और ये म्यूजियम लोकेटेड है मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर, और स्पेशली जो रानी दुर्गावती थी तो उनके संबंध में या उनका जो वेलोर है, उनकी जो प्रतिभा है उसको स्पेशली यहाँ पे दिखाया गया, वेलोर मतलब उनका जो साहस है, तो उसके बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और आसपास के एरिया के अंदर जो भी इस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, मूर्तियां वगैरह मिलती हैं, उन मूर्तियों को इस रानी दुर्गावती संग्रहालय में आपको रखा गया। इसमें कई सारे अलग अलग सेक्शन आपको बने हैं, जैसे शिव गैलरी, वैष्णव गैलरी, जैन गैलरी, इंस्क्रिप्शन गैलरी, ऐसी कई सारी अलग गैलरीज हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में। अगला जो म्यूजियम है वो एक तरह का एक प्राइवेट म्यूजियम है, और इसको राजसिंह म्यूजियम के नाम से या इसको नर रत्न मंदिर के नाम से भी इस म्यूजियम को आपको जाना जाता है। और ये म्यूजियम एस्टैब्लिश हुआ 1974 में एट द सीतामऊ, जो लोकेटेड है आपके मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, और सीतामऊ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रियासत है वो रियासत हुआ करती थी, एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था मध्य प्रदेश में। तो उसके जो आखिरी राजा थे रघुवीर सिंह, तो वो जाने माने राइटर भी आपको हैं, लेखक भी हैं, तो उन्होंने इस मंदिर को यहाँ पर आपको, या उन्होंने इस म्यूजियम को एस्टैब्लिश किया, एक्चुअली उन्होंने इस म्यूजियम के लिए यहाँ पर आपको फंडिंग प्रोवाइड किया, तो स्पेशली रिसर्च के पर्पज से इसको एस्टैब्लिश किया। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो लोकेटेड है भोपाल के अंदर, और भोपाल के अंदर पहला इंपॉर्टेंट म्यूजियम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1984 में। अब देखो इसको स्थापित करने का एक मेन पर्पज ये था कि ह्यूमन जो सेटलमेंट है विश्व के अंदर, चाहे इंडिया में हो या बाकी कंट्रीज में हो, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो जितने भी आपको इनके जो घर वगैरह हैं कि लोग किस तरीके से रहते हैं, इंडिया में किस तरह से रहते हैं या अफ्रीका में किस तरीके से लोगों के घर होते हैं, तो उनके तमाम जो मानव संग्रहालय में आपको बनाया गया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास था, 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, उस समय इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के डेथ के बाद इसको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का नाम दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम या राज्य पुरातत्व संग्रहालय इसको कहा जाता है। अब देखो जो राज्य पुरातत्व संग्रहालय है ये बेसिकली इसको पहले जाना जाता था विद द नेम ऑफ एडवर्ड म्यूजियम, और भोपाल के अंदर एक
सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर पहले म्यूजियम लगा करता था, जिसको अजायब घर वहाँ के लोग आपको बोला करते थे। तो ये स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम आपके एडवर्ड म्यूजियम के नाम से आपको इस्टैब्लिश हुआ 1929 में, 1929 के अंदर इसको इस्टैब्लिश किया गया। और यहाँ पे अलग अलग जगह से जो भी मूर्तियाँ, जैसे हिंगलाजगढ़ हो गया या मंदसौर में खुदाई से, या अलग अलग जगह से जहाँ भी मूर्तियाँ, जो भी इस प्रकार के पैलियोलिथिक मीजोलिथिक पीरियड के टूल्स मिले हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको रखी गई हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम है वो है गोलघर म्यूजियम, और ये इस्टैब्लिश हुआ 2013 में। और इसका मकसद था एक्चुअली, ये जो पूरी बिल्डिंग है गोलघर वाली, इसमें थोड़ा सा मैंने इमेज कम यूज़ किया है, तो गोलघर एक पूरा गोल बिल्डिंग है, ये परीचौक करके एक जगह है भोपाल में, वहाँ पर इस्टैब्लिश है। और इसका मेन मकसद यहाँ पर ये है कि नवाबों का जो पूरा कल्चर है, नवाबों की जो पूरी संस्कृति है, वो संस्कृति यहाँ पर आपको दिखाई जाती है कि नवाब किस तरीके से आपको रहते थे, उनके घर कैसे थे, उनके कपड़े कैसे पहनते थे, तो तमाम नवाबों से संबंधित जो चीज़ें हैं इस म्यूजियम के अंदर आपको रखी गई है। अगला जो म्यूजियम है वो है बिरला म्यूजियम, ये भी भोपाल में लोकेटेड है, एक तरीके से बोल सकते हैं प्राइवेट या एक इंस्टीट्यूशन का, एक संस्था का म्यूजियम के रूप में आपको स्टैब्लिश किया, जहां पर भी 2nd सेंचुरी से लेकर 14th-15th सेंचुरी तक के कई सारे आर्टिफैक्ट्स यहां पर आपको रखे गए हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो है आपका माधव सप्रे म्यूजियम, या माधव सप्रे आपका पत्रकारिता का म्यूजियम है, ये एस्टैब्लिश हुआ 1984 में भोपाल में। और इसके अंदर कई सारे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे भारत के, जर्नलिस्ट जो थे, या बोल सकते हैं कि जो पत्रकार हैं मध्य भारत के, मध्य प्रदेश के, तो उनके बारे में, या दुनिया देश भर के पत्रकारों के बारे में इसमें बात की गई। कई सारे इंपॉर्टेंट किताबें भी इसके अंदर आपको मिलती हैं, स्पेशली यहाँ पर माधव सप्रे और बाकी लोगों ने मिलकर भारत के अंदर पत्रकारिता का जो इतिहास है उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, वो किताब भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगला जो म्यूजियम है वो है दुष्यंत कुमार मैनुस्क्रिप्ट म्यूजियम, और ये म्यूजियम एस्टैब्लिश हुआ 1997 में, अगेन आपके भोपाल में। और यहाँ पर जितने भी जाने माने राइटर्स हैं भारत के, उन राइटर्स की चीज़ें यहाँ पर आपको रखी गई हैं, जैसे कई सारी पांडुलिपियाँ यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पे विचार करके एक हैंड रिटन जो मैनुस्क्रिप्ट है उसका एक इंस्टीट्यूशन, एक अलग से सेक्शन बना है जहाँ पर उनकी जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, मैनुस्क्रिप्ट रखी गई हैं। फिर आकार करके है जिसमें उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी राइटिंग्स उनको रखा गया है, उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें उसके अंदर आपको रखी गई है। अगला म्यूजियम है रीजनल म्यूजियम ऑफ द रीजनल हिस्ट्री। अब देखो, ये म्यूजियम बेसिकली दिल्ली के अंदर मेन म्यूजियम है, उसी की एक ब्रांच 1997 में भोपाल में आपको इस्टैब्लिश की गई। और इसका मेन मकसद है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो भी तमाम चीज़ें मिलती हैं, जैसे जो भी आपके मतलब काफ़ी पुराना म्यूजियम आपको है, तो यहाँ पर जो भी अलग अलग आपके पेड़ पौधे वगैरह मिलते हैं, उनकी पत्तियाँ, या और भी जैसे इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री ना, जानवरों की हड्डियाँ या कुछ पत्तियाँ वगैरह, पेड़ वगैरह हो गए, उनके सैंपल्स हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको रखी गई है। अगला जो म्यूजियम है वो है शौर्य स्मारक, और ये स्मारक इस्टैब्लिश हुआ 2016 में। ये बनाया गया है हमारे भारतीय जो सैनिक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके सैनिकों को एक तरीके से उनको सम्मान देने के लिए, उनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उनका जो साहस है, उनका जो पराक्रम है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए शौर्य स्मारक बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका 2016 में उद्घाटन किया था। अगला जो म्यूजियम है वो कई सारे ट्राइबल म्यूजियम्स मध्य प्रदेश में है, तो एक एक करके इन ट्राइबल म्यूजियम्स की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखो, 2-3 ट्राइबल म्यूजियम मध्य प्रदेश में आपको इस्टैब्लिश हैं, जिसमें एक ट्राइबल म्यूजियम तो अभी काफ़ी रिसेंटली जो है, रिसेंटली मध्य प्रदेश में आपको इस्टैब्लिश आपको हुआ। तो पहला जो ट्राइबल म्यूजियम है मध्य प्रदेश में, ये है ट्राइबल म्यूजियम भोपाल के अंदर। तो भोपाल के अंदर एक ट्राइबल म्यूजियम आपको लोकेटेड है, और ये इस्टैब्लिश हुआ था 2013 में, 2013 के अंदर। अब देखो, इसका जो मेन मकसद यहाँ पर आपको है कि ये अपने तरह का एक पहला म्यूजियम आपको है, जहाँ पर ट्राइबल कल्चर या ट्राइबल जो संस्कृति है, ट्राइबल संस्कृति यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। और काफ़ी सुंदर म्यूजियम अगर आप देखेंगे, तो अगर आपने इसको विजिट नहीं किया तो यू मस्ट विजिट इट। और इसका निर्माण किया, इसका जो पूरा आप बोल सकते डिज़ाइन किया था, रेवाथी कमथ नाम के एक डिज़ाइनर थे, रेवाथी कमथ, तो उन्होंने इसका निर्माण किया। और इसमें अलग अलग 6 अलग अलग जो गैलरीज है, 6 अलग अलग गैलरीज में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे एक गैलरी यहाँ पर आपको है, उसका नाम है जीवन शैली। तो जितनी भी कम्युनिटीज मिलती हैं, गोंड है, कोरकू है, भील है, इन कम्युनिटीज के जो इनका जो जीवन शैली कैसी है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर एक सांस्कृतिक विविधता करके एक इसके अंदर आपको ब्रांच है, जिसके अंदर स्पेशली जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर जो शादी की परंपरा या आपके उपनयन संस्कार वगैरह तमाम चीजें होती है वो रिप्रेजेंट की गई है। एक कलाभूत करके है, जहाँ पर
इनके जो लाइफ आर्ट वगैरह है या इनकी जो कलाएं हैं वो प्रदर्शित की गई। एक देवलोक करके एक इसके अंदर आपको ब्रांच है जिसके अंदर इनके जो तमाम देवता वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। एक छत्तीसगढ़ दरगाह है जहाँ पर छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था तो उसको भी स्पेशली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद एक रक्कू करके एक दरगाह यहाँ पर आपको है जो ट्राइबल कम्युनिटी में जो गेम्स खेले जाते हैं, जो खेल खेले जाते हैं, उन खेलों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से काफी बड़ा म्यूजियम है आपका ट्राइबल म्यूजियम। अगला जो म्यूजियम है वो है आदिवर्त ट्राइबल म्यूजियम, और ये आदिवर्त जो ट्राइबल म्यूजियम है ये एस्टैब्लिश किया बी एस स्पेशली अभी 2023 में ही इसकी शुरुआत की गई है, और ये लोकेटेड है खजुराहो में, सेम उसी पर्पज पे बेगा, सहारिया, भील, कोंड वगैरह तमाम जो जनजाति है इन जनजातियों से संबंधित बड़ा सुंदर सा म्यूजियम बना है। खैर मैंने तो नहीं देखा है लेकिन इसके फोटोज जरूर देखे, ये भी बड़ा सुंदर म्यूजियम है। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है मध्य प्रदेश में ट्राइबल म्यूजियम में वो है बादल बोई म्यूजियम। देखो भोपाल में जो ट्राइबल म्यूजियम मैंने बताया वो भोपाल में है, तो ट्राइबल वाली कैटेगरी मैंने अलग बता दी, आप उसको भोपाल में भी ऐड करके लिख सकते हैं। अब जो बादल बोई म्यूजियम है ये काफी पुराना म्यूजियम है और ये पहले स्टेट म्यूजियम या डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम हुआ करता था, सॉरी, तो अभी इस म्यूजियम को कन्वर्ट किया गया है या कन्वर्ट किया जाएगा एज अ स्टेट म्यूजियम के रूप में। बादल भोई नाम के एक बहुत जाने माने फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे छिंदवाड़ा में, तो उनके नाम से 1954 में एस्टैब्लिश किया और 1975 में 1975 के अंदर इसको जो है स्टेट म्यूजियम में कन्वर्ट किया। अभी इसको फिर से रिनोवेशन या इसका जो पुनर्निर्माण है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको होने वाला है। ओके, उसके बाद बघेल म्यूजियम की बात करें तो रीवा के अंदर लोकेटेड है बघेल म्यूजियम, और ये लोकेटेड है वेंकट भवन के अंदर जहाँ पे रीवा के राजाओं के संबंध में तमाम चीजें रखी गई है, उनकी मूर्तियां, मतलब राजाओं के अलग अलग चीज उपयोग की जाने वाली मूर्तियां हो गई, उनके हथियार हो गए या उनके दूसरी बाकी जो पर्सनल चीजें हो गई, वो तमाम चीजें इस म्यूजियम के अंदर आपको रखी गई है। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो है आपके ग्वालियर के म्यूजियम। अब देखो ग्वालियर में दो तीन इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, वैसे तो ग्वालियर में बहुत सारे म्यूजियम है लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट म्यूजियम मैं आपको बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वह है जयविलास म्यूजियम। अब जयविलास म्यूजियम जो जयविलास पैलेस है इस पैलेस के रीजन में आपको बनाया गया है 1964 में मध्य प्रदेश के भारत के उस समय के जो राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्होंने इसकी स्थापना उसको एस्टैब्लिशमेंट किया। इसमें अलग से एक अभी जो दरगाह है आजादी के आंदोलन के संबंध में वो एक अलग से दरगाह यहाँ पर आपको अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया, इसलिए काफी चर्चा में है। अगला म्यूजियम यहाँ पर है वो है सरोदघर म्यूजियम। अब सरोदघर म्यूजियम क्योंकि ग्वालियर जो है वो संगीत की एक बड़ी पुरानी परंपरा आपके ग्वालियर के अंदर आपको रही है, तो यहाँ पे उस्ताद हाफिज अली खान जो है उनकी याद में ये म्यूजियम आपको बनाया गया है, और उसके लिए उस्ताद हाफिज अली खान जो है उनके लिए म्यूजियम उनके बेटे ने आपको स्थापित किया, और यहाँ पर जो भी अमजद अली खान, हाफिज अली खान जो है उनके द्वारा यूज किए गए जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो रखे गए, और भी तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर आपको प्लेस किए गए हैं। अगला जो म्यूजियम है वो महाराजा सर जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम, जो एक स्टेट म्यूजियम यहाँ पर आपको है जहाँ पर होल जो सिंधियाज हैं उनका कल्चर या उनकी संस्कृति, उनकी तमाम चीजें आपको रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, अगला म्यूजियम है वो है एएसआई के कई सारे म्यूजियम आपको मध्य प्रदेश में आपको है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजियम है एएसआई का वो है गुजरी महल म्यूजियम, और गुजरी महल म्यूजियम लोकेटेड है आपके ग्वालियर के अंदर। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे डिवाइड किया है उसको, तो मैंने बेसिकली एएसआई वाले अलग रख लिए या बाकी म्यूजियम आपको अलग रख लिए। ठीक है, तो एएसआई जो म्यूजियम है ग्वालियर आपके ग्वालियर का, अब देखो ये बहुत पुराना म्यूजियम है, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1913 में 1913 के अंदर, तो 1913 के अंदर जो माधवराव सिंधिया यहाँ के राजा थे उन्होंने जो गुजरी महल था जो मानसिंह ने बनाया था, तो वो काफी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी, वहां पर उन्होंने एक म्यूजियम का निर्माण किया, और किले में क्योंकि ग्वालियर के किले का इतिहास बहुत पुराना इतिहास आपको है, तो वो प्रतिहार से लेके तो उसके बाद आपके कच्छप घात हो गए या और भी कई सारी अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पर आपको रही हैं, तो जो भी चीजें यहाँ पर आपको मिली तो उनको लेके ये म्यूजियम गुजरी महल जो म्यूजियम है इसकी स्थापना की गई 1913 में। जो माधवराव सिंधिया है उन्होंने अपने डिपार्टमेंट या अपने जो होलकर जो सिंधिया साम्राज्य था वहां पर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी या बोल सकते पुरातत्व विभाग की स्थापना आपको की, और इसके अंतर्गत एमबी गर्डे नाम के एक व्यक्ति थे उनको उसका अधिकारी अपॉइंट किया, और उसके बाद फिर 1922 में यानी एक्चुअली 1922 में 1922 में इस म्यूजियम की स्थापना की गई। फिर बाद में इस म्यूजियम को स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपने कंट्रोल में यहां पर आपको ले लिया, तो यहां पर तमाम आपके प्रतिहार है, कच्छप घात है, परमार है, उनके संबंध में तमाम चीजें आपको रखी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक साल भंजिगा की मूर्ति है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध भगवान जो बुद्ध है उनके समय की एक मूर्ति में से आपको एक है। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मूर्ति रखी गई है, वो है गजासुर वध। गजासुर वध बेसिकली आपके आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्यारसपुर जो है वहां से लाके इसको रखा गया है। फिर एक नटराज की बड़ी इंपॉर्टेंट मूर्ति, ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट मूर्तियां यहाँ पे रखी गई है। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, एएसआई का ही म्यूजियम है, वो सांची म्यूजियम है। और सांची म्यूजियम जो है ये स्टैब्लिश हुआ था 1919 में, 1919 के अंदर। तो इसको एस्टैब्लिश किया था सर जॉन मार्शल ने। जब सांची का जब एक्सकेवेशन किया गया, यहाँ से जो भी मूर्तियां वगैरह निकली, जो भी बाकी चीजें निकली, उन मूर्तियों को, उन तमाम चीजों को सांची म्यूजियम के अंदर ही यहाँ पर आपको रखा गया। तो एएसआई का बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, और स्पेशली ये भारत का पहला सोलर चलित म्यूजियम है, और आने वाले समय में पूरी सांची जो सिटी है उसको सोलर चलित यहाँ पर आपको किया जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम है वो है चंदेरी म्यूजियम। और मैं पहले बता दूं, ये म्यूजियम फ्राइडे को बंद रहता है, बाकी जितने भी म्यूजियम है मध्य प्रदेश में वो मंडे को बंद रहते हैं, लेकिन ये इकलौता म्यूजियम है जो फ्राइडे को बंद रहता है। ये थोड़ा दर्द है मेरे अंदर तो वो आपके साथ साझा कर दूं। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट तो एक्चुअली मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन ये जो म्यूजियम है इसमें कई सारी अलग अलग गैलरीज हैं, और जो चंदेरी से जो तमाम चीजें निकली हैं, चंदेरी अशोकनगर से वहां से खुदाई की गई, तो वहां पे मुगल पीरियड से लेके तो सल्तनत पीरियड या मालवा सल्तनत का जो पीरियड हुआ, ये गुजरात के राजाओं ने अटैक किया, तो वो तमाम अलग अलग संस्कृतियां यहाँ पर आपको मिलेंगी, उनकी कई सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक गैलरी है, उसको आनंदम गैलरी कहा जाता है, और वहां पर मुगल से संबंधित जो चीजें हैं उन चीजों को वहां पर आपको रखा गया है। अगला जो म्यूजियम है वो है मांडू म्यूजियम। एएसआई ने मांडू में जो खुदाई की और मांडू में खुदाई करने के बाद जो तमाम चीजें निकली है उन चीजों को मिला के मांडू म्यूजियम का एस्टैब्लिशमेंट किया। तो ग्वालियर एक तरीके से भारत के मध्य प्रदेश के अंदर चार इस प्रकार के म्यूजियम हैं जो बिलोंग करते हैं आपके एएसआई को, ठीक है। तो एएसआई के चारों म्यूजियम ध्यान रखिएगा। अगला जो म्यूजियम है वो धार में लोकेटेड है। अब एक म्यूजियम है धार के अंदर, उसको छपनिया म्यूजियम आपको कहा जाता है, क्योंकि इस म्यूजियम का निर्माण किया गया था संवत 1856 में, है ना। अब थोड़ा सा मुझे इसको लेकर डाउट है क्योंकि तमाम जगह यही लिखा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप और कंफर्म कीजिएगा। मैंने तो अपने सोर्सेज पे देखा था तो ये एक ही जगह मुझे आपको मिला था, बट इसको 56 जो हो सकता है 1956 में आपको किया गया हो, तो कहीं मिलता है 1856 कहीं 1956 संवत आपको मिलता है। तो जो भी ये 56वें साल में एस्टैब्लिश किया, इसलिए इसको छपनिया म्यूजियम कहा जाता है। एक म्यूजियम लोकेटेड है, उसका नाम है फड़के म्यूजियम, ये भी धार के अंदर आपको लोकेटेड है। अब देखो इस म्यूजियम की खासियत आपको क्या है, इस म्यूजियम की खासियत है कि यहाँ पे कई सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, जैसे धार के राजा हो गए या उसके बाद हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उन तमाम लोगों की मूर्तियां यहाँ पर आपको रखी गई हैं। 1933 में इसको एस्टैब्लिश किया, और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रघुनाथ कृष्ण फड़के, जो मुंबई के रहने वाले थे। आपके पवार राजा ने उनको यहाँ पे बुलाया और इस म्यूजियम का एस्टैब्लिशमेंट किया। कई सारी मूर्तियां बनवाई, बाद में उन मूर्तियों को इकट्ठा करके, एक तरह से बोल सकते हैं कि उन मूर्तियों को इकट्ठा करके फिर एक म्यूजियम बना दिया गया। अगला जो म्यूजियम है भानपुरा म्यूजियम, भानपुरा म्यूजियम लोकेटेड है मंदसौर के अंदर, और यहाँ पे कई सारे म्यूजियम में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर म्यूजियम में कई सारी आपके होलकर कालीन या उस समय पे जो भी हिंगलाजगढ़ में जो खुदाई हुई थी उससे संबंधित जो चीजें निकली, तमाम चीजें यहाँ पर आपको रखी गई हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है मध्य प्रदेश में, भाई इतने ही म्यूजियम में कितने म्यूजियम पढ़ोगे।